अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम जो हैं आपके सामने आज अपने एक शाम शायर के नाम के सिलसिले की अख्तर शेरानी के लिए एक महफिल लेकर हाजिर हुए हैं। जनाब अख्तर शेरानी, आप जो हैं उर्दू शायरी के एक बहुत ही मुनफरिद नाम। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई, वो जमाने किधर गए। कुछ अदीब और शायर ऐसे होते हैं जिनके लिए वक्त और ज़माना साजगार होता है, और जो अपने ज़माना में और उसके बाद भी वो मर्तबा हासिल कर लेते हैं जिसके दरअसल वह हकदार नहीं होते। दूसरी तरफ कुछ अदीब और शायर होते हैं जो गलत वक्त पर पैदा होते हैं, गलत ढंग से जीते हैं और गलत वक्त पर मर जाते हैं, और इनको वो मर्तबा नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार होते हैं। अख्तर शेरानी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी कबील से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका पहला कसूर यह था कि उनकी नज़मों में सलमा, अज़रा, रिहाना के नाम कसरत से आते हैं, और इनका दूसरा कसूर ये कि वो तरक्की पसंद नहीं थे, जबकि इनके अहद में और इसके बाद भी तवील अरसा तक तख्लीक व तनकीद पर तरक्की पसंदों की हुक्मरानी रही। अगर आप हमारे साथ हैं तो मैसेज करते रहिए, आपको अख्तर शेरानी के बारे में कुछ मजे मजे की बातें भी बताएंगे और उनका कलाम भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। जमाना ने बड़ी फराख़दिली का सबूत देते हुए इनको शायर रोमान की सनद देकर इनका आमालनामा बंद कर दिया। अख्तर शेरानी ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई, और इस उम्र में उन्होंने नज्म व नसर में इतना कुछ लिखा कि बहुत कम लोग अपनी तवील उम्र में इतना लिख पाते हैं। उर्दू तनकीद पर अख्तर शेरानी का जो कर्ज है वो उसे भी पूरी तरह अदा नहीं कर पाई है। अख्तर शेरानी का असल नाम दाऊद खान था। 4 मई 1905 को हिंदुस्तान के सादिक रियासत टोंक में पैदा हुए। वो जय्यद आलिम और मुहक्किक हाफिज महमूद शेरानी के इकलौते बेटे थे, लिहाजा दीनी तालीम के लिए लाइक हफाज और अतालिक मुकरर किए गए, और मुरव्वजा तालीम से बहरावर करने के लिए बाप ने खुद उस्ताद की जिम्मेदारी निभाई और साबिर अली शाकिर की खिदमत भी हासिल की। यही नहीं, बेटे की जिस्मानी नशोनवा के लिए पहलवान अब्दुल क्यूम खान को मुलाजिम रखा। दाऊद खान ने कुश्ती और पहलवानी के साथ साथ लकड़ी चलाने का हुनर भी सीखा। हाफिज महमूद शेरानी बेटे को अपनी ही तरह आलिम, फाजिल और मुहक्किक बनाना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें किसी दूसरे ही काम के लिए पैदा किया था। मिजाज लड़कपन से ही आशिकाना था। उन्होंने कम उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी और चोरी छुपे साबिर अली शाकिर से मशवरे सुखन करते थे। जिस वक्त अख्तर शेरानी की उम्र तकरीबन 16 साल थी, नवाब टोंक के खिलाफ एक शोरिश बरपा हुई जिसके नतीजे में नवाब ने बहुत से लोगों को रियासत बदर किया। इन्हीं में नाकर्दा गुनाह हाफिज महमूद शेरानी थे। वो मजबूरन लाहौर चले गए, जहाँ अख्तर शेरानी ने तालीम जारी रखते हुए ओरिएंटल कॉलेज से मुंशी फाजिल और अदीब फाजिल के इम्तहान पास किए और साथ ही शायरी में अल्लामा ताजुर नजीब आबादी की शागिर्दगी इख्तियार कर ली। आप अगर हमारे साथ हैं तो मैसेज करते रहिए ताकि हम मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास रहे और बता रहे कि आप लोग जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तालीम से फारिग होकर वो सहाफत के चक्कर में पड़ गए और यके बाद दीगरे कई रसाले निकाले। मुलाजमत उन्होंने कभी नहीं की थी, उनकी तमाम शाह खर्चियां बाप ही के जिम्मा थी। क्याम लाहौर के तदाई जमाना में ही अख्तर शेरानी पर इश्क ने हमला कर दिया। शायरी ही क्या कम थी, शराब भी पीने लगे। इन खबरों से हाफिज महमूद शेरानी को शदीद सदमा पहुंचा। उन्होंने उनके अखराजात तो बंद नहीं किए, लेकिन हुक्म दिया कि वो कभी उनके सामने ना आए। 1946 में बाप की मौत के बाद तमाम जिम्मेदारियां अख्तर के सर पर आ गईं, जिसका उन्हें कोई तजर्बा नहीं था। अब उनकी शराब नोशी हद दर्जा बढ़ गई। फिर 1947 में तकसीम मुल्क ने इनके लिए मजीद परेशानियां पैदा कर दी, और लाहौर अपने दरीना और मुखलिफ दोस्त तीर वास्ती के नैयर वास्ती यहाँ मिसप्रिंट हुआ नैयर वास्ती के पास चले गए। तीर वास्ती तो सॉरी बन जाता है शायद, नैयर वास्ती के पास चले गए। तब तक बला नोशी ने इनके जिगर और फेफड़ों को तबाह कर दिया था। 9 सितंबर 1948 को ऐसी हालत में इनकी मौत हुई कि कोई अपना उनके पास नहीं था। उनके अदबी खिदमत का महात्मा करते वक्त उनके अदबी फलसफा को ज़हन में रखना ज़रूरी है। उनको उन्हीं के अल्फाज में सुन लीजिए। कहते हैं कि जब मैंने शेर कहना शुरू किया तो शायरी के अफादी मकसद का वो तसव्वुर कहीं मौजूद न था जिसे तरक्की पसंदी के नाम से याद किया जाता है। मेरे देखते ही देखते इस तसव्वुर ने काफ़ी फ़र्क पा लिया। शायर का काम जिंदगी के हुसन को देखना और दूसरों को दिखाना है, जिंदगी के नासूरों के इलाज की कोशिश उसका काम नहीं। मेरे नज़दीक शायर के लिए अपने आप को किसी सियासी या इक्तसादी निज़ाम से वाबस्ता करना ज़रूरी नहीं है। शायर की कदरें सबसे अलग और आज़ाद है। नतीजा यह था कि अख्तर ने सलमा को जिंदगी के हुस्न का इस्तारा बनाकर इश्क के गीत गाए। वो सलमा जो एक जीती जागती हस्ती भी थी और हुस्न का इस्तारा भी,
लेकिन अख्तर शेरानी को महज हुस्न और इश्क शायर करार देना उनके साथ नाइंसाफी है। हालांकि ये भी सच है कि अख्तर ने उर्दू शायरी को जिस तरह औरत के किरदार से मुतारिफ कराया, इनसे पहले किसी ने नहीं कराया था। उनकी महबूबा उर्दू शायरी के सितम पेशा खंजर बकफ माशूक की बजाय मतानत वकार हुस्न और सुपुर्दगी का जीता जागता मुजस्मा है, जो उर्दू शायरी में औरत के रवायती किरदार से ही अक्सर मुख्तलिफ है। बहरहाल उनकी शख्सियत की कई जहतें हैं। अमित शुक्र हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। मेरा हेडफोन आज चेंज किया है, तो उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो उनकी शख्सियतों की कई जहतों की बात कर रहे थे, तो उनमें एक नुमाया पहलू उनकी हुब्बुल वतनी भी है। वो मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे और ये आज़ादी उनको भीख में दरकार नहीं थी। कहते हैं कि इश्क को आज़ादी बहार ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दो फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। सर कटाकर सरो सामान वतन होना है, नौजवानों हमें कुर्बान वतन होना है। उनका पहला मजमूआ कलाम जो था फूलों के गीत, अदब अतफाल में एक संग मील है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसका भी आज जिक्र आएगा इंशाल्लाह। दूसरे शायरों ने भी बराए नाम बच्चों के लिए शायरी की, जो अमूमन या तो तर्जमा या मशहूर हकायत पर मबनी है। एक पूरा मजमूआ बड़ी हद तक तबा आज़ाद है, अख्तर का बड़ा कारनामा है। दूसरा मजमूआ कलाम नगमाए हरम में भी औरतों और बच्चों के लिए नज़्में हैं। अख्तर शेरानी ने हैयत में भी काबिल कदर तजर्बे किए। उन्होंने पंजाबी से माहिया, हिंदी से गीत और अंग्रेजी से सोनेट को अपनी शायरी में कसरत से बरता। और ये कहना गलत ना होगा कि उर्दू में बाकायदा सोनेट निगारी की इब्तदा अख्तर शेरानी ने की। नसर में भी अख्तर शेरानी का कारनामा कम नहीं है। कई रसाले जारी किए। 1925 में जब अख्तर शेरानी की उम्र सिर्फ 20 बरस थी, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मौलवी गुलाम रसूल के रसाला की अदालत संभाली। अल्लामा ताजुद्दीन नजीब आबादी के कहने पर पंडित रतन नाथ सरशार के फसाने आज़ाद की तलखीस और तसहील बच्चों के लिए की। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल हक के कहने पर सदीदुद्दीन मोहम्मद ओफी की जवामे उल हकायात और लवामे उल रवायात को बड़ी मेहनत और तहकीकी लगन के साथ उर्दू का जामा पहनाया। उन्होंने तुर्की के मशहूर ड्रामा निगार सामी बे के ड्रामा काव्य को जहाक के नाम से उर्दू जामा पहनाया। उन्होंने धड़कते दिल के नाम से अफसानों का एक मजमू शाया किया, जिसमें 12 अफसाने दूसरी जुबानों के अफसानों का तर्जमा और बाकी तब आजाद है। अख्तर और सलमा के खतूत, जिसके कई एडिशन शाया हो चुके हैं, खूबसूरत नसर का लाजवाब नमूना है। आईना खाने में इनके 5 अफसानों का मजमू है, जो मुबैना तौर पर एक ही रात में लिखे गए थे। ये अफसाने फिल्मी अदाकाराओं की आबीती की शक्ल में है, जिनमें औरत के इस्तेहसाल की सरगुजश्त है। अख्तर शेरानी बहुत से अखबार और रसाइल के लिए इब्न बतूता, इन जहानी, बालम, राजकुमारी, बकावली, जबूर, जाहक, अकास, लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान, मसूद खुसरो शेरानी, मुल्ला फरकान वगैरह फर्जी नामों से कालम लिखते रहे। बहसियत नसर निगार उनके मकामों मरतबा का तायुन अभी तक गफलत का शिकार है। अख्तर शेरानी को अजीम शायर या अदीब कहना मुबालगान ना होगा, लेकिन इसमें ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं कि उर्दू अदब की मुख्तसर से मुख्तसर तारीख भी उनके जिक्र के बगैर अधूरी रहेगी। क्यूज बेसिक हमारे साथ हैं और अमतुल हमारे साथ हैं, अमतुल हमारे साथ हैं, हमारे ब्लॉग्स हमारे साथ हैं, सैयद आबिद भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। तो थोड़ा सा इनका जो है वो मजमूए कलाम भी मैं आपके आपकी नज़र करता हूँ, और यहाँ पे हम लिंक जो है वो मैं डालना भूल गया हूँ, एक सेकंड मेरे साथ रहिएगा। मैं यहाँ पे लिंक भी डाल देता हूँ ताकि अगर हमारे साथ कोई ऊपर आना चाहें तो वो भी आ सकें। अब अख्तर शेरानी जो है वो कोई बहुत बड़े नामों में उनका शुमार नहीं होता है, लेकिन बहुत से मज़ेदार किस्म की इनकी जो कलाम के पहलू हैं वो हम आपके सामने रखेंगे। स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो डाल दिया, और इनके एक दो शार्त मुलाहजा करें। कहते हैं कि दो चांद है पहलू में, अब चांद कहें किसको, साकी को अगर कहिए पैमाने को क्या कहिए। और मैं कदा में अब भी जिक्र आता है मैं नोशी के वक्त, क्या खबर थी अख्तर इतना पारसा हो जाएगा। लिंक जो है वो डल चुका है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि आपको लिंक नज़र आ रहा है, और अगर हमारे साथ कोई तशरीफ लाना चाहें तो ज़रूर आइएगा।
जो हमने यहाँ पे आज थंबनेल के ऊपर जो एक उनकी गजल ऐड की है कि कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता। बहुत ही खूबसूरत सी गजल है, वो आपकी समातों की नजर करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कहते हैं कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों में सहारा होता, तुम ना होते न सही जिक्र तुम्हारा होता। तर्क दुनिया का ये दावा है फजूल ए जाहिद, तर्क दुनिया का ये दावा है फजूल ए जाहिद, बारे हस्ती तो जरा सर से उतारा होता, और वो अगर आ न सके मौत ही आई होती, वो अगर आ न सके मौत ही आई होती, हिजर में कोई तो गमखार हमारा होता। और जिंदगी कितनी मुसर्रत से गुजरती या रब, जिंदगी कितनी मुसर्रत से गुजरती या रब, ऐश की तरह अगर गम भी गवारा होता। और अजमते गिरिया को कोताह नजर क्या समझें, अजमते गिरिया को कोताह नजर क्या समझें, अश्क अगर अश्क ना होता तो सितारा होता। अजमते गिरिया को कोताह नजर क्या समझें, अश्क अगर अश्क ना होता तो सितारा होता। और लबे जाहिद पे है अफसानाए हूरे जन्नत, लबे जाहिद पे है अफसानाए हूरे जन्नत, काश इस वक्त मेरा अंजुमन आरा होता, काश उस वक्त मेरा अंजुमन आरा होता, और गमे उल्फत जो ना मिलता गमे हस्ती मिलता, गमे उल्फत जो ना मिलता गमे हस्ती मिलता, किसी सूरत तो जमाने में गुजारा होता, किसी सूरत तो जमाने में गुजारा होता। और किसको फुर्सत थी जमाने के सितम सहने की, किसको फुर्सत थी जमाने के सितम सहने की, गर न इस शोक की आंखों का इशारा होता, कोई हमदर्द जमाने में न पाया अख्तर, दिल को हसरत ही रही कोई हमारा होता। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं अभी वापस आता हूँ, मुझे छोटा सा काम है, एक सेकंड में वापस आता हूँ। जी जबरदस्त हो गया, तो हमारे साथ सब मौजूद हैं, अगर आप किसी कोई उपराना चाहे तो जरूर आए। अख्तर शिरानी की बड़ी प्यारी सी गजल जो है वो मैंने आपके आपके समातों की नजर की, साथ ही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मैसेजेस जो है वो फोन के ऊपर आए हो तो वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। आप हमारे साथ रहिएगा, और साकी सॉरी अख्तर शिरानी कोई बहुत ज्यादा मारूफ शायर नहीं है, लेकिन इनकी शायरी जो है बहुत पुख्ता और बहुत ज़बरदस्त, और जैसे मैंने आपको बताया इनके गीत भी हम देखेंगे, इनकी कुछ किताबों की भी बात करेंगे। तो जैसे हमने कहा इनकी पहली जो किताब थी वो थी फूलों के गीत, उसमें से भी कुछ इकतबासात में आपको सुनाऊंगा। फूलों के गीत की बात करें तो ये एक बहुत ही जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग किस्म की तसनीफ थी, जबकि पूरे के पूरी किताब भी बच्चों के लिए लिखी गई थी, तो उसके भी कुछ मजे मजे की चीजें जो है मैं आपके सामने पेश करूंगा। अख्तर शिरानी की जात का ये एक पहलू भी आपके सामने जो है वो रखेंगे। उसके अलावा उनके जो है उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, उनकी कुछ मुंतखब नज्में, उनकी तरतीब करदा जो रसाले हैं उनकी भी बात करेंगे अगर वक्त रहा तो। फूलों के गीत जो है उसमें उन्होंने बच्चों के लिए बड़ी खूबसूरत सी नज्में हैं, बच्चों की बहुत सारा नज्में तो हम यहाँ पे आपके सामने नहीं रख सकते हैं, बच्चों का प्रोग्राम नहीं है, तो लेकिन आपको मैं उनके एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। उनकी जो फूलों के गीत जो किताब है उसकी जो पहली है खुदा की तारीफ के नाम से एक नज़म है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा। तू सबका मालिक सबका खुदा तू, बेआसरा हम और आसरा तू, बंदों पे शफकत है काम तेरा, लेते हैं हर दम हम नाम तेरा। अब देखिए कितनी आसान जुबान में बच्चों के लिए कितनी खूबसूरत से एक हम जो है वो उन्होंने लिखी है, और सिर्फ बच्चों को जहन में रख के उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत सी किताब बनाई है। तूने बनाई ये सारी दुनिया, ये खूबसूरत ये प्यारी दुनिया, हैवान इंसान तूने बनाए, शहर और बयाबां तूने
तूने बसाए, रोशन किए हैं तूने ये तारे, ये नन्हे नन्हे ये प्यारे प्यारे, बागों में तूने पौधे उगाए, फूल और फल सब तूने बनाए, तूने तूने सभी को पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, बढ़ना सिखाया, है आम सब पर एहसान तेरा, अख्तर खुजारब है ध्यान तेरा। अब देखिए कितनी खूबसूरत से जो है वो तरीके से उन्होंने बच्चों के लिए जो है वो प्यारी प्यारी सी नज़में भी लिखी, और अपने ज़माने में जिस ज़माने में ये लिखी गई उस ज़माने में ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग एफर्ट थी। उम्मीद है सुबह हमारे साथ आ चुके। अस्सलाम वालेकुम, करीम वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 1932 की बात है जब ये किताब जो है वो छपी है, तो बहुत ही खूबसूरत सी किताब है। आप भी देखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसी तरह कहते हैं, खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। तो इस तरह से बच्चों के लिए, अगर आप अब आजकल भी बच्चों को पढ़ाना चाहें तो बच्चों को ये भी आजकल भी समझ आएगी। 1932 का आप देखें, तकरीबन 90 साल ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के लिए वो उसी तरह से उनको बच्चों को समझ आने के लिए इतने आसान जुबान में उन्होंने लिखी। वो सारे संसार का खुदा है, सब उसकी कुदरत ही से बना है, उसी की कुदरत ने है निखारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे, ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चराग ऐसे जलाए किसने, ये सब खुदा ही ने है सवारे, जमीन पे फूल आसमां पे तारे। तो उस जमाने में बच्चों के लिए लिखना एक तो बहुत ही अनयूजुअल था। तो एक उनकी ये जो है अख्तर शिरानी के उनके जो है, मैं आपको बताऊंगा कि उनकी जो जात का एक पहलू, उसके अलावा उनकी जो मुंतखब नज़में हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, उनकी थोड़ी सी शायरी भी हम, उनकी नज़में, उनके उनकी गज़लें, और जो एक शेर मैंने आपको सामने शुरू में रखा था, ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो ज़माने किधर गए, तो उस को लेके चलते हैं, फिर उनकी किसी किताब की बात भी करेंगे। तो कहते हैं कि ए दिल वो आशिकी, अच्छा इससे पहले मुझे ज़रा बता दीजिए कि लिंक जो है वो लाइव स्ट्रीम में मौजूद है, कि आपको लिंक नज़र आ रहा है? अगर नज़र आ रहा है तो फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो ज़माने किधर गए, वीरान है सहनो बाग बहारों को क्या हुआ, इस वक्त तो बहुत हेडेक हो रहा है, मेडिसिन लेकर आई हूँ जी। प्लीज आप रेस्ट कीजिए, प्लीज प्लीज, कोई बात नहीं, आप प्लीज रेस्ट कीजिए, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द जो है वो शिफा दे। ए दिल वो आशिकी के फसाने किधर गए, वो उम्र क्या हुई वो जमाने किधर गए, वीरान है सहनो बाग बहारों को क्या हुआ, वो बुलबुलें कहाँ वो तराने किधर गए, है नज्म में सुकूत हवाओं को क्या हुआ, लैलाएं हैं खामोश दीवाने किधर गए, और उजड़े पड़े हैं दश्त गजालों पे क्या बनी, उजड़े पड़े हैं दश्त गजालों पे क्या बनी, सोने सुने हैं कोहसार दीवाने किधर गए, और वो हिजर में विसाल की उम्मीद क्या हुई, वो हिजर में विसाल की उम्मीद क्या हुई, वो रंज में खुशी के बहाने किधर गए, और दिन रात मैकदे में गुजरती थी जिंदगी, दिन रात मैकदे में गुजरती थी जिंदगी, अख्तर वो बेखुदी के जमाने किधर गए। तो बहुत ही खूबसूरत कलाम, और बहुत ही तरक्की पसंद तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छा और आसान अंदाज में बहुत ही अच्छे से वो इस अपने जो कलाम को लेकर चलते हैं, बहुत शिस्ता सी, बहुत खूबसूरत सी उनकी जुबान है। तो उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा। तो उनकी किताबों की बात कर रहे थे, और उसमें जो उनकी उनकी किताब है, खासतौर पर मुंतखब नज़में उनके बारे में लिखी गई हैं, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने छापी 1988 में, उसमें कुछ उनकी नज़में वगैरह जो है मुंतखब वो हम लेकर चलेंगे। इसका सफ़ा नंबर 129 पर है, नज़रा जल्दी से। सही सफा खोल लूं, तो मैंने कुछ जिक्र किया था उनके उनके बारे में, एक जिक्र यह था कि उन्होंने जो उर्दू इंग्लिश की अंग्रेजी की जो सोनेट है उसको उर्दू में मुतारिफ कराया, तो उसका एक नमूना मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। ये मुंतखब नज्मों की एक किताब है जो 1948 में एक रसाले में शाया हुई थी,
उसमें उनकी एक है नज़म, सोनेट के हैयत है उसकी, और उनवान है एक नौजवान बुत तराश की आरज़ू। कहते हैं कि एक ऐसा बुत बनाऊं कि देखा करूं उसे, एक ऐसा बुत बनाऊं कि देखा करूं उसे, आसूदा है ख्याल का पैकर बना हुआ, ख्वाबे अदम में मस्त है जौहर बना हुआ, एक मरमरी हिजाब से पैदा करूं उसे। इसके आप जो हैयत है वो देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा कि कैसा बुत बनाऊं कि देखा करूं उसे, आसूदा है ख्याल का पैकर बना हुआ, ख्वाबे अदम में मस्त है जौहर बना हुआ, एक मरमरी हिजाब से पैदा करूं उसे। फूलों में जैसे जज्बाए निखत नहफ्ता हो, या जलवे बेकरार हो अम्बाज रंग में, या उसकी रूह खुफ्ता है आगोश संग में, जुल्मत में जैसे नूर की सूरत नहफ्ता हो, दिन रात सुबह शाम में पूजा करूं उसे, मेरा गुदाज रूह जबी से मचल पड़े, उसकी नजर से जज्बे मोहब्बत उबल पड़े, साजे नफस को तोड़ के गोया करूं उसे। फिर कहते हैं कि फन खूब मर्ग बन रहे हैं बुत साज के लिए, दुनिया पुकारती है आवाज के लिए। इसी तरह आपने बहुत मशहूर सुना होगा उनका, उनकी एक सोनेट के हिसाब से के ओ देश से आने वाले बता, इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो हुई है, बहुत ही पैरोडीज भी बनी है, लेकिन उनकी जो ओरिजिनल है वो मैं आपको सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत ही एक खूबसूरत किस्म की जो है उनकी नज़म है। कहते हैं, ओ देश से आने वाले बता, आबिद भाई बैठे हैं तो आप सुनिए। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है यारान वतन, आवारा गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है कनान वतन, वो बाग वतन फिरदौस वतन, वो सर्व वतन रिहान वतन, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहां के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं, क्या अब भी वहां के पर्वत पर घंघोर घटाएं छाती हैं, क्या अब भी वहां की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और सड़कों की धुंधली सड़कों पर सायों का डेरा होता है, बागों की घनेरी शाखों में जिस तरह सवेरा होता है, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, बरसात के मौसम अब भी वहां वैसे ही सुहाने होते हैं, क्या अब भी वहां के बागों में झूले और गाने होते हैं, और दूर कहीं कुछ देखते ही नौ उम्र दीवाने होते हैं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या आम के ऊंचे पेड़ों पर अब भी वो पपीहे बोलते हैं, शाखों के हरीरी पर्दों में नगमों के खजाने खोलते हैं, सावन के रसीले गीतों से तालाब में अमृत घोलते हैं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी किसी के सपनों में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता, ओ देश से आने वाले बता, लिल्लाह बता लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या हमको वतन के बागों की मस्ताना फिजाएं भूल गईं, बरखा की बहारें भूल गईं, सावन की घटाएं भूल गईं, दरिया के किनारे भूल गए, जंगल की हवाएं भूल गईं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, क्या गानों पे अब भी सावन में, क्या गाँव से लफ्ज थोड़ा सा मिटा हुआ, क्या गाँव पे अब भी सावन में बरखा की बहारें छाती हैं, मासूम घरों से भोर, मासूम घरों से भोर भई चक्की की सदाएं आती हैं, और याद में अपने मेके की बिछड़ी हुई सखियां गाती हैं, ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, आखिर में ये हसरत है कि बता वो गारते ईमां कैसी है, बचपन में जो आफत आती थी वो आफत दौरा कैसी है,
हम दोनों थे जिसके परवाने, वो शम्मे शबिस्तां कैसी है, ओ देश से आने वाले बता। ओ देश से आने वाले बता, क्या अब भी शहाबी आरिज पर गैसुए स्याह बल खाते हैं, या बहरे शफक की मौजों पर दो नाग पड़े लहराते हैं, और जिनकी झलक से सावन की रातों के से सपने आते हैं। ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, किस हाल में है याराने वतन, आवारा है गुर्बत को भी सुना, किस रंग में है किनाने वतन, वो बाग़े वतन फिरदौस वतन, वो सर्वे वतन रिहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता। बहुत ही खूबसूरत सोनेट के अंदाज में जो है उन्होंने लिखी हुई है, और बड़ी मशहूर जमाना है, आपने बारहा सुनी होगी, आज आपने उनके नाम से भी सुन ली, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी जज्बाती कर देने वाली है। बिल्कुल जी, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी आप सबकी पसंदीदगी का। तो इसी तरह इनके और भी कुछ है, आपने सुना होगा ए इश्क कहीं ले चल। तो अख्तर शेरानी जो एक ऐसे शायर हैं कि जिन्होंने बहुत थोड़े ही अरसे में बहुत सौ से ज़्यादा लिखा, बहुत सारे लोग अपनी लंबी उम्र में इतना नहीं लिख पाते और इतना अच्छा नहीं लिख पाते जितना उन्होंने सिर्फ 43 साल के अरसा में लिखा। कुछ न कुछ रंग जो है वो हमने ये देखा था मीरा जी में भी, उनकी जब हमने शायरी देखी, सिर्फ 39 साल की उम्र, 39 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ जो है जबरदस्त लिखा था। तो इसी तरह है ऐश कहीं ले चल, उन चांद सितारों के बिखरे हुए शहरों में, उन नूर की किरणों की ठहरी हुई लहरों में, ठहरी हुई नहरों में, सोई हुई लहरों में, ऐ खिजरे हसीं ले चल, ऐ इश्क कहीं ले चल, आंखों में समाई है एक ख्वाब नुमा दुनिया, तारों की तरह रोशन महताब नुमा दुनिया, जन्नत की तरह रंगी शादाब नुमा दुनिया, लिल्लाह वहीं ले चल, ऐ इश्क कहीं ले चल। इनकी बहुत सी बच्चों की नज़में उर्दू के टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल। अच्छा, माशाल्लाह, तो वही होंगी जो मैंने उनकी जो इनिशियली एक किताब खोली थी, तो वो उसमें सब आपको और भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। तारों की तरह रोशन महताब नुमा दुनिया, जन्नत की तरह रंगी शादाब नुमा दुनिया, लिल्लाह वहीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल, ये दर्द भरी दुनिया बसती है गुनाहों की, दिल चाक उम्मीदों की शफाक निगाहों की, जुल्मों की जफाओं की आहों की कराहों की, है गम से हजीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल, कुदरत हो हिमायत पर हमदर्द हो किस्मत भी, सलमा भी हो पहलू में सलमा की मोहब्बत भी, हर शय से फरागत हो और तेरी इनायत भी, ए तिफले हसीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल, हम प्रेम पुजारी हैं तू प्रेम कन्हैया है, हम प्रेम कन्हैया हैं ये प्रेम की नैया है, ये प्रेम की नैया है तू इसका खिवैया है, कुछ फिक्र नहीं ले चल, ए इश्क कहीं ले चल। देखिए उन नगमगी उनकी शायरी में जो है वो किस कदर खास है, ऐसे कि जैसे एक शायर और मौसिकार मिलके एक जो है वो गीत को लिख रहे हों। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये चंद उनकी मुंतखब नज़में थी जो कि एक रसाले में छपी थी उनके उनके एजाज में, तो मैंने कहा कि आपकी समातों की नज़र करूं। तो इस तरह चलते हैं आगे, आप में से अगर कोई कोई शेर हमें यहाँ पे इनायत करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा, वरना मैं इसी तरह आगे चलता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको सुनाता रहूँगा इंशाल्लाह। और इनके जो है मतलब जो इनकी अपब्रिंगिंग थी वो एक बड़े अच्छे तालीम याफ्ता और मजहबी घराने में थी, तो इनकी जो शायरी है उसमें आपको रूमानी पहलू तो मिलता है लेकिन पुख्तगी भी मिलती है, इल्म भी मिलता है, और बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का इंटेलेक्चुअली रिच कलाम है इनका, उर्दू में क्या कहेंगे उसको, लेकिन बहुत ही गहरा कलाम है। तो ये एक नात है उनकी, आपके समातों की नज़र करता हूँ, किसी ऑर्डर में तो चल नहीं रहे, तो मेरे सामने है एक, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि अगर ए नसीम सहर तेरा हो गुजर दयारे हिजाज में, अगर ए नसीम सहर तेरा हो गुजर दयारे हिजाज में, मेरे चश्मे तर का सलाम कहना हजूर बंदा नवाज में,
तुम्हें हद अकल ना पा सकी, फकत इतना हाल बता सकी। तुम्हें हद अकल ना पा सकी, फकत इतना हाल बता सकी कि तुम एक जलवाए राज थे जो आया था रंग हिजाज में। कि तुम एक जलवाए राज थे जो आया था रंग हिजाज में। अजब एक सरूर सा छा गया, मेरी रूहो दिल में समा गया। अजब एक सरूर सा छा गया, मेरी रूहो दिल में समा गया। तेरा नाम नाज से आ गया मेरे लब पे जब भी नमाज में। तेरा नाम नाज से आ गया मेरे लब पे जब भी नमाज में। न जहां में राहत जा मिली, न मताए अमनो अमा मिली। न जहां में राहत जा मिली, न मताए अमनो अमा मिली। न जहां में राहत जा मिली, न मताए अमनो अमा मिली। जो दवाए दर्द निहां मिली, तो मिली बहिश्ते हिजाज में। और आखिरी शेर है कि करूं नजर नगमाए जां फिजा, मैं कहां से अख्तरे गम नवा। करूं नजर नगमाए जां फिजा, मैं कहां से अख्तरे गम नवा। कि सिवाय नालाए गम नहीं मेरे दिल के गमजदा साज में। कि सिवाय नालाए गम नहीं मेरे दिल के गमजदा साज में। तो बहुत ही खूबसूरत थी उनकी एक नात, मुख्तलिफ पहलू उनकी शायरी के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत शायर, और इसका मैंने आपको एक शायरी गालबन पहले सुनाया था, इस गजल का मैं आपके सामने रखता हूँ। आपकी समातों की नजर करते हैं कि न साज व मतरब, न जाम व साकी, न वो बहारे चमन है बाकी। बहुत ही प्यारी गजल है, साथ दीजिएगा जरा, आपको मजा आएगा सुन के भी। और कितने खूबसूरत जो मजामीन है उसके मेरे साथ, उसमें से गुजर के भी। न साजो मतरब, न जामो साकी, न वो बहारे चमन है बाकी। निगाहे शमे सहर के पर्दे में ये नक्शाए अंजुमन है बाकी। न साजो मतरब, न जामो साकी, न वो बहारे चमन है बाकी। निगाहे शमे सहर के पर्दे ये नक्शाए अंजुमन है बाकी। जमाना गुजरा वो यासमन बू, जुदा हुई हम किनार होकर। जमाना गुजरा वो यासमन बू, जुदा हुई हम किनार होकर। मगर अभी तक हमारे पहलू में निखते यासमन है बाकी। मगर अभी तक हमारे पहलू में निखते यासमन है बाकी। बुला चुकी दिल से शाम गुर्बत, हर एक नक्शा हर एक सूरत। भुला चुकी दिल से शामे गुर्बत, हर एक नक्शा हर एक सूरत। हमारी आंखों में लेकिन अब तक फरोग सुबह वतन है बाकी। हमारी आंखों में लेकिन अब तक फरोग सुबह वतन है बाकी। जमाना बदला मिटी जवानी, न वो मोहब्बत न जिंदगानी। जमाना बदला मिटी जवानी, न वो मोहब्बत न जिंदगानी। बस एक भूली सी याद है जो बरंगे दागे कोहन है बाकी। और मिटा दिए बेसितून चरखे कोहन ने शीरीन लगा हजारों। मिटा दिए बेसितून चरखे कोहन ने शीरीन लगा हजारों। मगर मोहब्बत के लब पर अब तक तरानाए कोहकन है बाकी। बहुत ही खूबसूरत शेर है जी। मिटा दिए बेसितून चरखे कोहन ने शीरी लका हजारों। मगर मोहब्बत के लब पर अब तक तरानाए कोहकन है बाकी। और हुबाब आसा मुहित है हस्ती में, जो है मिटने को बन रहा है। हुबाब आसा मुहित हस्ती में, जो है मिटने को बन रहा है। है इनकलाब एक नमूद ऐसी जो जेरे चरखे कौन है बाकी। अंग्रेजी में कहते हैं कि ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, तो उसी का मजमून है ये। हुबाब आसामीन के एक बुलबुले जैसा मुहित हस्ती, जो पूरी हस्ती पर मुहित हो जाए एक बुलबुला, जो है मिटने को बन रहा है। ये जो पूरा एक हस्ती पे मुहित एक बुलबुला, ये तो मिटने को बन रहा है।
है इनकलाब एक नमूद ऐसी जो जेरे चरखे कौन है बाकी, कि सिर्फ एक इनकलाब ही ऐसी चीज है जो उगती है और जेरे चरखे कौन जो है वो बाकी रहती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा एक शेर है। मैंने इसलिए बता दिया कि बाज बात के लिए शायद जो है थोड़ा सा मुश्किल हो। धर्म सदस्य हमारे साथ हैं जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको भी हमारी इस प्यारी सी महफिल में। गमे जमाना की सख्तियों से हुई है पामाल तबे अख्तर, गमे जमाना की सख्तियों से हुई है पामाल तबे अख्तर, न वो निशाते कोहन है बाकी, न वो मजाके सुखन है बाकी। बहुत ही गहरा और बहुत ही तल्ख शेर है, लेकिन बहुत ही मजा आया ये पढ़ के भी सुन के भी। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो याद रखिए कि दूसरा जो हमारे पास चॉइस थी वो शिबली नुमानी की थी। तो मौलाना शिबली नुमानी के अगर मैं यहाँ पे लेकर उनकी नसब लेकर बैठ जाता या उनकी फारसी शायरी लेकर बैठ जाता तो आप लोग शायद ज्यादा बोर होते, तो इसलिए गनीमत समझे कि हमने जो है अख्तर शेरानी को सिलेक्ट किया है, शिबली नुमानी को सिलेक्ट नहीं किया। एक दिन वैसे आएगा, क्या ख्याल है आपका आबिद भाई और बाकी सब यहाँ पर? एक दिन जरूर आएगा कि हम यहाँ पे बैठ के मौलाना शिबली नुमानी को भी जो है वो पढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच धर्म भाई, आप हमारे साथ रहिएगा, आपको मजेदार किस्म की यहाँ पे कुछ ना कुछ हम सुनाते रहेंगे। थोड़ी सी जरा एक आसान पढ़ लेते हैं कि काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें, काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें। बोर नहीं हो रहे? बस चाय बना लूं फिर आती। ठीक है जी, जरूर। तो काम आ सके ना अपनी वफाएं, अब ये देखें सवाल है ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का सवाल है कि काम आ सके ना अपनी वफाएं तो फिर बंदा क्या करे, राइट? काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें। और मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, मुझको ये एतराफ, बड़ा प्यारा सा शेर है, देखिएगा जरा गौर से, कि मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, जाए ना अर्श पे जो दुआएं तो क्या करें, जाए ना अर्श पे जो दुआएं तो क्या करें। तो फिर छुट्टी पर जाऊंगी अभिनव जी। इन आंखों की मस्ती में अफसाने हजारों देखे। अच्छा जी, जबरदस्त जबरदस्त। मुझको ये तराफ दुआओं में है असर, जाए ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें, और एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम। देखिएगा जरा कि एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें। एक दिन की बात हो, एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें। और जुल्मत बदोश है मेरी दुनियाए आशिकी, जुल्मत बदोश है मेरी दुनियाए आशिकी, मतलब जुल्मत बदोश से मुराद ये कि अंधेरे में रहने वाली, अंधेरों में चली जाने वाली, जैसे खाना बदोश होता है उस तरह जुल्मत बदोश। जुल्मत बदोश है मेरी दुनियाए आशिकी, तारों की मशालें न चुराएं तो क्या करें, तारों की मशालें न चुराएं तो क्या करें। और हमारे बहुत प्यारे आबिद भाई हमारे साथ आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तो कह रहे थे कि उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें, और शादी सहेल हमारे साथ आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम करीम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आबिद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नीचे बहन भाई बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? मैंने कहा जब चाय का आसरा हो गया, मेरी सिस्टर आ रही है बना के देखे, तो मैंने कहा फिर पहुंचना लाजिम हो जाता है कि जल्दी पाए, जल्दी पाए, इससे पहले कि कोई और आ जाए चाय शेयर कर दी जाए। बहुत खूबसूरत जी शायर है, जबरदस्त जी। जी कौन कह रहा है, किसको नहीं मुश्किल लग रहे हैं? और शिबली नौमानी भी। जी 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 बोलिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि कुछ मतलब हर हर रेंज है ना हमारे पास, हमारे पास दोस्त सब आते हैं जी, जी तो जी बिल्कुल जी बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको, खास जी तौर जी पे विदेश बेशक से आने वाले, बता क्या ही खूबसूरत उनकी मशहूर जबान बिल्कुल नज़म जी। है वो जी। तो खैर आपने उम्मीद सिस्टर की नजर की थी, हमने तो उसको बस चख लिया। खासियत तो खसूसियत तो उनकी थी। खैर अच्छा नहीं, मुझे याद नहीं मैंने किया हूँ, लेकिन नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। आपने बिल्कुल नहीं किया, आपने तीन सारी शराफतें पढ़ी थी। आपने शराफत से पढ़ी थी, मैं शरारत से बात कर रहा हूँ।
कोई बात जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पे हमारे साथ जो है वो शाजिया सहेल भी आ चुकी हैं, तो उनको भी मैंने वेलकम कर दिया है। और आबिद भाई, ये बड़ी प्यारी सी एक गजल है उनकी जो चल रही है सर, कि काम आ सके ना जी अपनी वफाएं इरशाद तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें, जाए तो क्या, मुझको ये इतराफ दुआओं में है असर, जाए ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें। और बड़े प्यारा शेर था कि एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें। और शब्बर तो उनकी याद में तारे गिना किए, शब्बर तो उनकी याद में तारे गिना किए, तारे से दिन को भी नजर आए तो क्या करें। वाह जी वाह, क्या बात है, ये शब्बर मुआजा तो तो अक्सर बेहतर हो जाता है। बिल्कुल शब्बर, और खासतौर पर जब शब्बर किसी की याद में तारे गिने हो तो फिर दिन में तो तारे दिखेंगे। बेशक बेशक, शब्बर तो उनकी याद में तारे गिना किए, तारे से दिन को भी नजर आए तो क्या करें। और अहदे तरब की याद में रोया किए बहुत, देखिएगा जरा कि अहदे तरब की याद में रोया किए बहुत, अब मुस्कुरा के भूल ना जाए तो क्या करें। जाए तो क्या करें, क्या बात है जी, बहुत खूब। और देखिएगा कि अब जी में है कि उनको भुलाकर ही देख लें, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन शुड कंटिन्यू राइट। अब जी में है कि उनको भुलाकर ही देख लें, वो बार बार याद जो आए तो क्या करें। तो क्या करें, बेशक और वादे के एतबार में तस्कीने दिल तो है, वादे के एतबार में तस्कीने दिल तो है, वादे के एतबार में तस्कीने दिल तो है, अब फिर वही फरेब ना खाएं तो क्या करें। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब, और आखिरी शेर है कि तरके वफा भी जुर्मे मोहब्बत सही मगर, तरके वफा भी जुर्मे मोहब्बत सही मगर, मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें। तो क्या करें, ये सजाएं तो मिलने अक्सर लगे बेशतर मिलती हैं। बहुत खूब जी, बहुत खूब, तरके वफा भी जुर्मे मोहब्बत सही मगर, मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें। यहाँ पे हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, कह रहे हैं कि मौलवी भाई कुछ ऐसा सुनना है कि बिछड़ा प्यार याद आ जाए। अब ये तो भाई चले देखते हैं कुछ ना कुछ, वो मैंने इसीलिए सुनाया कि काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें। तो अगर आपको, और अभी हमने कहा था नाजिल हो दिल पे रोज बुलाएं तो क्या करें, तो अगर उसे प्यार याद नहीं आया तो फिर किसे याद आएगा, क्यों आबिद भाई। बेशक बेशक बिल्कुल। चले जी चलिए अभी तो जबरदस्त आप, जबरदस्त। अभी तो शाम स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, आप साथ रहिए धर्म जी, तो बहुत सी आपको ऐसी नज़में गज़लें कलाम मिलेगा जिसमें आपको बिछड़ा हुआ प्यार याद आ जाएगा, और हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको बिछड़े हुए प्यार याद दिलाए बगैर आज जाने नहीं देंगे। और आबिद भाई आपको ये मालूम है कि इनने जो है गीत भी लिखे हैं बहुत सारे, और उसमें जो है ऐश हमें बर्बाद ना कर भी शामिल है। जी हाँ, वन ऑफ माई फेवरेट, मैं वही सुनाने वाला था, और अच्छा मैंने नय्यरा नूर ने क्या उसको गाया है, बिल्कुल बहुत ही बिल्कुल खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत, मैं अक्सर और बेशतर सुनता हूँ, और खत्म गाया है उन्होंने ना, नय्यरा नूर जबरदस्त। ने। आप भी गा के सुनाने वाले हैं? नहीं जी, आप चार छह बैठे भी हमारे हाजरीन सामईन आप क्यों भगाने की फिक्र कर रहे हैं। अब मैंने हुमा से कहा था तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत क्लासिकल है ये, तो मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। तो सुनाइए, बिल्कुल आप अगर हिम्मत करें तो बिल्कुल सुनाइए। नहीं, मुझे तो, मैं तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, हिम्मत क्या तो, क्या कहते हैं वो है ही नहीं है, एक स्किल भी तो चाहिए होती है ना जी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हमारे पास वो होते, क्या कहते हैं, एजाज भाई होते, एजाज भाई को कहीं से कोई ढूंढ लाए तो वहाँ वो हो सकता है एक चले सिलसिला। हाँ बिल्कुल बेशक, अगर वो सुन रहे हो तो जरूर आइए, हम तो कोशिश करते हैं कि दो चार सिंगर भी हो हमारी महफिल में, हो पढ़ने वाले भी हो, हर तरह की वैरायटी हो, ताकि एक ये पूरा गुलदस्ता बन जाए। देखें कब तक, इंशाल्लाह अभी तो स्टार्ट है, जी अल्लाह जी आने तो वाले दिनों में करें। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अभी आप कुछ सुनाने लगे हैं? चले एक छोटी सा कलाम है ये अख्तर रानी का, पता नहीं जरूर आपने जरूर पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं तो आपकी एकदम अलवी ऑन थी तो था बहरहाल, अगर पढ़ा भी है आपने तो मैं फिर भी नहीं, शामिल कोई नहीं महफिल कोई करता। मसला नहीं बिल्कुल। कहते हैं मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, वाह मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मेरे सादा दिल तुझको मगरूर कर दूं, वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत। मेरे सादा दिल तुझको मगरूर कर दूं, तेरे दिल को मिलने की खुद आरजू हो, तेरे दिल को मिलने की खुद आरजू है,
तुझे इस कदर गम से रंजूर कर दूं, अरे वाह क्या कह रहे हैं, वाजी वाह वाजी वाह, थोड़ा तेरे सा दिल को जुल्म हो गया मिलने लेकिन की, जी जी बिल्कुल बेशक, तेरे दिल को मिलने की खुद आरजू हो, तुझे तुझे इस कदर गम से रंजूर कर दूं। वाह मुझे जिंदगी दूर रखती है तुझसे, मुझे जिंदगी दूर रखती है तुझसे, जो तू पास हो तो उसे दूर कर दूं। वाजी वाह वाजी वाह, क्या कहने हैं, शानदार। मुझे जिंदगी दूर रखती है तुझसे, जो तू पास हो तो उसे उसे दूर दूर कर कर दूं। दूं, क्या कहने, मोहब्बत के इकरार से शर्म कब तक, मोहब्बत के इकरार से शर्म कब तक, कभी सामना हो तो मजबूर कर दूं। वाजी वाह क्या कहने हैं। ये बेरंगियां कब तक ऐ हुस्ने रंगी, ये बेरंगियां कब तक ऐ हुस्ने बेरंगी, इधर आ तुझे इश्क में चूर कर दूं। वाह क्या कहने हैं, क्या मैं कहने हैं, कुछ सही नहीं पढ़ पाया जरा। ये बेरंगियां कब तक ऐ हुस्ने रंगी, इधर आ तुझे इश्क में चूर कर दूं। चूर कर दूंगा जी वाह। तू घर सामने हो तो मैं बेखुदी में, तू घर सामने हो तो मैं मैं बेखुदी बेखुदी में, में, सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं। अरे वाह क्या कहने हैं, बहुत मुकर्रर खूबसूरत शेर इरशाद, है, बेशक वाजी वाह बेशक। वाजी वाह वाजी वाह। तू घर सामने हो तो मैं बेखुदी में, तू घर सामने हो तो मैं बेखुदी में, सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं। मजबूर कर दूं, वाह नहीं जिंदगी को वफा वरना अख्तर, बहुत ही खूबसूरत अपना नाम इन्होंने शामिल किया है। नहीं जिंदगी को वफा वरना अख्तर, मोहब्बत से दुनिया को मामूर कर दूं। वाह वाह जी वाह, क्या क्या कहने, ख्वाहिश कुछ थी अख्तर शीरानी कुछ और साहब, जिंदगी बहुत होती, बिल्कुल। बेशक उन्होंने भी शायद मालूम था कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा देर वफा नहीं करेगी, बिल्कुल और जी वाकई बिल्कुल अगर वो जिंदगी वफा करती तो वो अपने और मोहब्बत भरे नगमात भी और भी लिखते। क्या ही बेशक, खूबसूरत कलाम आपने हमें सुनाया है, मज़ा आ गया जी, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। ऐसा कलाम सुन के जो है वो दिल को एक ताकत मिलती है जो वैसे जो है मुश्किल होती है किसी भी और चीज़ से, तो माशाल्लाह ये भी एक रूह की ग़िज़ा है, अच्छी शायरी जो होती है। तो बेशक बेशक बेशक, मैं कुछ रखता हूँ आपके सामने, अगर इजाज़त हो तो। यहाँ पे जी मेरे जी पास बिस्मिल्लाह एक बिस्मिल्लाह इंशाअल्लाह, किताब जो है वो खुली हुई थी, काफ़ी सारी किताबें जो हैं इनके इन्होंने मुरतब खुद भी की हैं और इनके ऊपर भी मुरतब हुई हैं माशाल्लाह जी। इनके बारे में। तो कुलियात जो इनकी है उसमें से मैं कुछ देख रहा था, जैसे मैंने देखा एक खूबसूरत से सिलेक्शन थी, उसी तरह इनकी जो है ना मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ अंदाज से जो इनकी शायरी को लिया गया है। या उससे पहले मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे गजल है जी, दिले महजूर को तस्कीन का सामान न मिला। मैंने पहले भी एक दो बार सुनी हुई है तो कोशिश करता हूँ, पहले मतलब काफ़ी अर्सा हो गया इसको सुने को, तो मैं ज़रा कोशिश करता हूँ ज़रा इसको पढ़ने की। कि दिले महजूर को तस्कीन का सामान न मिला, शहरे जाना में हमें मस्कने जाना न मिला। वाह दिले महजूर को तस्कीन का सामान न मिला, आप देखिए तस्कीन का सामान उसकी डिटेल देखिए, कि शहरे जाना में हमें मस्कने जाना न मिला। ठीक से ड्रेस लेके नहीं चलते ना जब, तो गाड़ी से उतर के जी फिर जी बिल्कुल। खार और वहां इन द मीन टाइम सर, पर मैं माजरत के साथ जी, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके केक का भी और बिस्किट्स का भी। उन्होंने मतलब अपना मेन्यू उम्मीद सुबह ने बढ़ा दिया है, तो इनका मतलब है नहीं कि तो हमें सर, काफी बिस्कुट और टाइम। केक भी पक्के जी, वाजी जी वाह, बिल्कुल, ये बहुत तो शुक्रिया, खूब खातरदारी हो रही है अभी शुक्रिया जी, आज बहुत आज नवाजिश। आपने। माशाल्लाह जी, धर्म भाई आप भी आज फुली चार्ज हैं, पूरी जी बिल्कुल जी, तैयारी करके आए हैं बहुत शुक्रिया जी, धर्म भाई जी का जी, जी। तो मोहित भाई सिंह, कहते हैं शुक्रिया। कि कूचा गर्दी में कटी शोक की कितनी रातें, ऊंचा गर्दी में कटी शौक की कितनी रातें, फिर भी उस शम्मे तमन्ना का शबिस्तान न मिला, फिर भी बहुत उस खूब, शम्मे तमन्ना का शबिस्तान न मिला। ये सारे शबिस्तान। शेर जो है ना जीपीएस से पहले के हैं। अच्छा जी बिल्कुल जी बिल्कुल, सही बात और है। सुनेंगे जरा के पूछते मंजिले सलमा की खबर हम जिससे, आपको बार बार सलमा रिहाना ये बहुत कुछ मिलेगा इन शायरी में।
पूछते मंजिले सलमा की खबर हम जिससे वादिये नजद में ऐसा कोई इंसान न मिला। वादिये इंसान ना मिला, क्या बात है। जी नजद में ऐसा कोई इंसान न मिला। नजद का जो ताल्लुक है, नजद के इलाके का, वो जी लैला बिल्कुल मजनू के किस्से बिल्कुल के साथ है। बिल्कुल मैं सबके लिए यहाँ पे बताता चलूँ। और काफी वो जो है ना बंजर किस्म की जमीन है, काफी सख्त किस्म की जमीन है। और मजनू जो है वहां पे फिरता था उस एरिया में, इराक और सऊदी अरेबिया के दरमियान में रखा हुआ जो डेजर्ट है उसका ताल्लुक है उससे। अच्छा यूं तो हर राह गुजर पर थे सितारे रकसां, यूं तो हर राह गुजर पर थे सितारे रकसां, जिसकी हसरत थी मगर वो महताबा न मिला। बहुत खूब बहुत जिसकी खूब। हसरत थी मगर वो महताबा न मिला। मसिस करीम वो भाई सलमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा ठीक है। नहीं जी, ये तो सलमा वो है ना, ये अख्तर शिरानी की सलमा। और लाला वो गुल थे बहुत आम चमन में, लेकिन वही मजमून है, उसी का एक सिलसिला चल रहा है कि लाला वो गुल थे बहुत आम चमन में, लेकिन लाला वो गुल थे बहुत आम चमन में, लेकिन ढूंढते थे जिसे वो सर्वे खरामा न मिला। ना मिला, क्या बात है, ढूंढते बहुत। थे जिसे वो सर्वे खरामा न मिला, और जिसके पर्दों से मचलती हो वही निखते शौक, जिसके पर्दों से मचलती हो वही निखते शौक, बेखुदी की किस कसम ऐसा कोई ऐवान न मिला। बेखुदी वाह जी वाह, बहुत खूब, की कसम ऐसा कोई ऐवान न क्या मिला। बात है। और बख्ते बेदार कहाँ जलवाए दिलदार कहाँ, बख्ते बेदार कहाँ जलवाए दिलदार कहाँ, ख्वाब में भी हमें वो गुंजाए खंदा न मिला। ख्वाब मिला बहुत खूब। में भी हमें वो गुंजाए खंदा न मिला। और बेकसी तश्न लबी दर्द हलावत तलबी, बेकसी तश्न लबी दर्द हलावत तलबी, चांदनी रात में भी चश्मे हैवान न मिला। ये वो सबके लिए बताता चलो यहाँ पे कि ये सिर्फ मुराद हैवान नहीं है, लेकिन चश्मा हैवान मतलब जिसे आपको आबे हयात मिलता है जिस चश्मे से, उसकी जी बात है यहाँ पे। और यूं तो हर दर पे ही कहते थे नजर आए दामन, यूं तो हर दर पे ही कहते नजर आए दामन, खींचते नाज से जिसको वही दामा न मिला। क्या बात है, बहुत खूब। खींचते नाज से जिसको वही दामा न मिला। और किसके दर पे न किए सजदे निगाहों ने मगर, किसके दर पे न किए सजदे निगाहों ने मगर, हाय तकदीर वो गारत गरे ईमान न मिला। हाय तकदीर वो गारत गरे ईमान न मिला। सजदे का ईमान के खोने से ताल्लुक जी जो जी है बिल्कुल, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत। और कौन से बाम को रह रह के ना देखा, लेकिन कौन से बाम को रह रह के ना देखा, लेकिन निगाहे शोक को वो माहे खरामा न मिला। और दरे जाना पे फिदा करते दिलो जान अख्तर, जरा देखिएगा आखिरी शेर है कि दरे जाना पे फिदा करते दिलो जान अख्तर, वाए बरहाल दिलो जान, वाए बरहाल दिलो जान, दरे जाना न मिला। वाह जी वाह, वाए बहुत खूब। बरहाल दिलो जान, दरे जाना न मिला, दिल दिल महजूर को तस्कीन तसामा न मिला, शहर जाना में हमें मस्कने जाना न मिला। एक ही बहुत मजमून खूब की एक गजल मुसलसल है, तो उम्मीद है आपको बिल्कुल पसंद आई जी। होगी। तो मैं तो आपके कलाम के साथ साथ धर्म जी के कमेंट को एंजॉय कर रहा था। हमने तो सुना था कि धर्म जी देखने वाले कयामत की नजर रखते हैं, मगर माशाल्लाह कोई महसूसात भी भाई बहुत अभी अच्छे भाई होते हैं। जान की आवाज में मुझे गहरा प्यार का दर्द की आवाज लगती है। आबिद भाई अल्लाह आपको तरक्की दे। आबिद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी आबिद भाई, जबरदस्त। आपके आपके तो देखिए हर जो है क्या कहते हैं शेर पढ़ा ही दब जाता है जब उसमें शायर की जो है रूह झलक रही हो। और जो शायर है हमारे वो तो बचपन से लेके उन्होंने क्या क्या था, 8 साल की उम्र से उन्होंने आशिकी शुरू कर दी और साथ में शायरी शुरू कर दी और सारी उम्र यही काम किया, तो फिर और उन्होंने ये साथ गजल में सुनाएगा। नहीं, मैंने तो यकीन करें शायरों के बारे में मुझे दिलचस्पी जरूर थी, लेकिन मैं कभी इतना गमे रोजगार ने कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी। वो तो आपकी तवज्जो से कुछ इस तरफ को चल निकले, लेकिन इसमें खासतौर से मैंने कुछ पीने पिलाने का भी हवाले से कुछ लिखा है, बस आप ही जैसे मैंने पढ़ा था।
और फिर जी जाहिर जी है पीने पिलाने के शायरी, बहुत सारे हैं, कहते तो मैं सिर्फ वही पढ़ता जाता हूँ, वो भी इनकी बहुत नहीं सारी नहीं हैं, नहीं मैं नहीं बड़े मतलब बड़े मैं इनकी आदत, मतलब शायरी के साथ साथ जो इनमें सारी अलग उम्र सी शराब बातें नोशी चल, की है इन्होंने, सारी उम्र हाँ शराब नोशी की है और वही लिखा है, तो तो शायरी और फिर उसके साथ साथ तो फिर तो दो आतिशा कलाम हो गया ना बिल्कुल इनका फिर बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल जी। कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ, लेकिन पहले आपसे कुछ सुन सुनाइए लेते हैं। सुनाइए सुनाइए सुनाइए, फिर मैं सुनाता हूँ, कोई मसला नहीं है, आप सुनाइए प्लीज। अच्छा, यहाँ पे इनकी है ये किस तरह के, ला पिला साकी शराबे अरगवानी फिर कहाँ, ला पिला साकी शराबे अरगवानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, नादान जवानी फिर कहाँ। फिर कहा, क्या खूब है वैसे हकीकत, कितने दूसरे मिसरे में क्या हकीकत बयान की है, सही बात है बिल्कुल जी। बिल्कुल। और संदीप प्रदीप हमारे साथ आ चुके हैं, नम्रता जी खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी महफिल में, बहुत खुशी हुई आप आई, थैंक यू वेरी मच। ला नहीं पिला हमें, साकी आई एम सॉरी, मैं तवक्कुफ फरमाइएगा माजरत के साथ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आप आई महफिल बख्शी, हम इनके बाद जो आने वालों को के लिए खुशी का इजहार करेंगे कि इनके साथ साथ बहुत से लोग आते हैं अच्छा, जी। माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ला पिला साकी शराबे अरगवानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, नादान जवानी फिर कहाँ। और आबिद भाई हमारी तो भी नादान जवानी चल रही है ना, हम जी तो जी ये कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, झलक रही है, बह रही है बल्कि, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहते हैं, कूट कूट के भरी और छन छन के निकल बिल्कुल जी, महसूस करें, अल्लाह सदा सलामत रखे जी। रही है। ला पिला साकी शराबे अरगवानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, नादान जवानी फिर कहाँ। फिर कहा, और दो घड़ी मिल बैठने को भी गनीमत जानी है, ये अपनी महफिल के लिए कर लेते हैं, दो घड़ी मिल बैठने को भी गनीमत जानी है, उम्र फानी ही सही ये उम्र फानी फिर कहाँ, फिर कहा, क्या बात है, क्या हकीकत है, दो घड़ी मिल बैठने को भी गनीमत जानी है, उम्र फानी ही सही ये उम्र फानी फिर कहाँ। आके हम भी एक तराना झूम कर गाते चलें, आके हम भी एक तराना झूम कर गाते चलें, इस चमन के तायरों की हम जुबानी फिर कहाँ, फिर इस चमन के तायरों की हम जुबानी फिर कहाँ। कहा, और है जमाना इश्के सलमा, है जमाना इश्के सलमा में गवा दे जिंदगी फिर सलमा आ गई हुआ जी आपका, है जमाना इश्के सलमा में गवा दे फिर कहाँ, फिर गवा दे जिंदगी, ये जमाना फिर कहाँ, ये जिंदगानी फिर कहाँ। और एक ही बस्ती में है आसान है मिलना आ मिलो, एक ही बस्ती में है आसान है मिलना आ मिलो, एक ही बस्ती में है आसान है मिलना आ मिलो, क्या खबर ले जाए दोरे आसमानी फिर कहाँ, फिर कहा, क्या खबर ले जाए दोरे आसमानी फिर कहाँ। और फसले गुल जाने को है दोरे खिजां आने को है, फसले गुल जाने को है दोरे खिजां आने को है, ये चमन ये बुलबुलें ये नगमा खानी फिर फिर कहाँ, कहा, ये चमन ये बुलबुलें ये नगमा खानी फिर कहाँ। और फूल चुन जी खोल कर ऐशो तरब के फूल चुन, अभी भाई जी, फूल चुन जी खोल कर ऐशो तरब के फूल चुन, फूल चुन जी खोल कर ऐशो तरब के फूल चुन, मौसमे गुल फिर कहाँ फसले जवानी फिर फिर कहाँ, कहा जी, क्या मौसमे बात, गुल फिर कहाँ फसले जवानी फिर कहाँ। और आखिरी रात आ गई जी भर के मिलने आज तो, आखिरी रात आ गई जी भर के मिलने आज तो, तुमसे मिलने देगा दोरे आसमानी फिर फिर कहाँ, कहा, बहुत खूब, तुमसे मिलने देगा फिर, तुमसे मिलने देगा दोरे आसमानी फिर कहाँ। और आखिरी शेर है के आ जाए हो तो सुनते जाओ ये ताजा गजल, आ जाए हो तो सुनते जाओ ये ताजा गजल, आ जाए हो तो सुनते जाओ ये ताजा गजल, वरना अख्तर फिर कहाँ ये शेर खानी फिर कहाँ, वरना फिर कहा, बहुत खूब बहुत अख्तर खूब, फिर कहाँ ये शेर खानी फिर कहाँ, फिर ला पिला साकी शराबे अरगवानी फिर कहाँ, जिंदगानी फिर कहाँ, नादान जवानी फिर कहाँ। कहा, बहुत खूब, क्या बात है। तो ये अख्तर शीरानी साहब के दौर में सलमाओं पे तो बड़ा अताब गुजरता होगा, बिल्कुल सलमाओं पे रिहानाओं पे और वो तो किसी एक सलमा या एक रिहाना की बात करते होंगे, लेकिन बहुत सौ के नाम होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या उम्मीद है सुबह ने एक शेर भेजा है वो ले लेते हैं, कि गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना, भी आप कह रहे थे ना कि
गमे रोजगार नहीं, वक्त नहीं दिया, तो गमे जमाना ने मजबूर कर दिया, वरना यारजू थी कि बस तेरी आरजू करते रहे। क्या करते। बहुत खूब जी, ही बहुत गहरा शेर है। अगर मतलब जमाने के गम ना हो, और बंदा एक ही काम करे ना, गमे बिल्कुल जमाना जी, ने मजबूर कर दिया वरना यारजू थी कि बस तेरी आरजू करते। और हमारे साथ हसन भाई आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सबकी खिदमत में खलुस भरा सलाम अर्ज, उम्मीद है आप सब फजल ताला खैरियत से होंगे, अल्लाह हर आन आपके साथ हो, आमीन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर आने का और हमारे महफिल का हिस्सा बनने का। वालेकुम अस्सलाम हसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। माशाल्लाह आप हमारी महफिल में चार चांद लगा देते हैं, जबरदस्त। बिल्कुल जी आबिद भाई, तो आपसे कुछ सुनते हैं। 1 घंटा हो चुका है हमारी महफिल को, पता ही नहीं चला। बिल्कुल माशाल्लाह। काम आ सकी ना अपनी, काम आ सकी ना अपनी, वफाएं तो क्या करें, वाह, उस बेवफा को भूल न ना जाएं तो जाए क्या तो करें। क्या करें। वाह जी वाह, क्या कहने। मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, पता नहीं बेअसर लिखा है या असर लिखा है, ये तसी कर दीजिएगा प्लीज। मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, जाए ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें, जाए ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें। क्या वाह जी करें। वाह, एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं भूल जाए हम, हम। वाह नाजिल हो दिल पे ये, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें। जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने। एक दिन की बात हो तो उसे भूल जाएं हम, नाजिल हो दिल पे रोज बलाएं तो क्या करें। जुल्मत बदोश ने मेरी दुनियाए आशिकी, जुल्मत बदोश ने मेरी दुनियाए आशिकी, तारों की मशगलें ना चुराएं तो क्या करें। अच्छा वाह जी जबरदस्त वाह, जी, क्या बहुत कहने। खूब। तारों की मशालें न मशगलें न जुराएं, चुराएं तो क्या करें। वाह जी वाह, तारों की इस मशालें न चुराएं तो क्या करें। वाह जी वाह, वन सेकंड, जैसे जब यहाँ मैसेज पढ़ लेते हैं। संदीप ने आपके लिए मैसेज जी भेजा कि आबिद भाई उन्होंने ही भेजा है, वो बिजी हैं। अच्छा, ये आपके लिए स्पेशल मैसेज है कोड में। बहुत शुक्रिया, अदान हो रही थी। अच्छा ठीक, सॉरी। शब भर तो उनकी याद में तारे गिना किए, शब भर तो उनकी याद में तारे गिना किए, तारे से दिन को भी नजर आए तो क्या करें। माशाल्लाह, अब ये वाह, शेर पढ़ा क्या तो कहने। मुझे अंदाजा हुआ कि आप इसको शामिल महफिल कर चुके थे। बहरहाल, नहीं, कोई मसला नहीं, आपके आपके आपसे सुन के बहुत मजा आ रहा है। अहदे तरफ की याद में, अहदे तरफ की याद में रोया किए बहुत, अहदे तरफ की याद में याद में रोया रोया किए किए बहुत, बहुत, अब मुस्कुरा के भूल ना जाएं तो क्या क्या करें। कहने। वाह जी वाह, मुस्कुरा के भूल ना जाए तो क्या करें। अब जी में है कि उनको भुलाकर ही देख लें, अब जी में है कि उनको भुलाकर ही देख लें, वो बार बार याद जो आए तो क्या करें। क्या ना मायूसी है, जबरदस्त। बहुत वादे के ऐतबार में तस्कीन, तस्कीन दिल तो है, वादे के ऐतबार में तस्कीन दिल तो है, अब फिर वही फरेब ना खाएं तो क्या करें। वाह जी तरके वाह, वफा क्या कहने। भी जुर्म में मोहब्बत सही मगर, तरके वफा भी जुर्म में मोहब्बत सही मगर, मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें। बहुत खूब जी, काम आ सकी ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल न जाएं तो क्या करें। वाह जी जी वाह, क्या कहने। शिरानी साहब, बहुत ही खूबसूरत कलाम था, और बहुत शुक्रिया आपके सुनने का, समातों का। नहीं, बहुत जबरदस्त, और इतनी इतना खूबसूरत कलाम है वो सुन बेशक, के उसका इतना मजा, और खास तौर पे मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें। क्या वो ये तो ही अक्सर खूबसूरत वेशतर मिसाल होता है जी। जी। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं वो ले लेते हैं। शेर है हसन भाई की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आरजू वसल की रखती है परेशान क्या क्या, आरजू वसल की रखती है परेशान क्या क्या, क्या बताऊं कि मेरे दिल में है अरमां क्या क्या। वाह जी वाह, क्या कहने। बहुत खूब, और उम्मीद कह रहे हैं कि किसी की आंखों के लिए दिल पे असर जाते हैं, ये गजल सुना दे जी। जरूर, मैं उसको शामिल कर लेता हूँ, मेरे पास खुल भी पड़ी है यहाँ पे। और उसके अलावा आप लोग सब बातें कर रहे हैं। हसन भाई कह रहे हैं कि इन रस भरी आंखों में हया खेल रही है, इन रस भरी आंखों में हया खेल रही है,
दो जहर के प्यालों में कजा खेल रही है, क्या कहने कजा जी, खेल रही बहुत है। खूबसूरत, क्या खूबसूरत, क्या किलर शेर है माशाल्लाह, क्या कातिल शेर है, वाह जी वाह, मजा आ गया। तो उम्मीद सुबह ने फरमाइश की है, वो मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई थी, तो वो पढ़ लेते हैं। बड़ी खूबसूरत सी गजल है, किसकी आंखों का लिए दिल पे असर जाते हैं, कोई वीडियो पर ना आए तो क्या करें। आबिद भाई, अच्छा ये भी आप, ये जी हुमा हुमा का आपके लिए है, आप समझेंगे जी। जी बिल्कुल। किसकी आंखों का लिए दिल पे असर जाते हैं, किसकी आंखों का लिए दिल पे असर जाते हैं, मैं कदे हाथ बढ़ाते हैं जिधर जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या बात किसकी है। आंख, किसकी आंखों का लिए, देखिएगा जरा दिल पे असर, देखिए किसकी आंखों का लिए दिल पे असर जाते हैं, मैं कदे हाथ बढ़ाते हैं जिधर जाते हैं। वाह जी वाह, मैं कदे हाथ बढ़ाती, किस गली में जा निकली। बिल्कुल, और दिल में अरमाने विसाल, आंखों में तूफाने जमाल, दिल में अरमाने विसाल, आंख में तूफाने जमाल, होश बाकी नहीं जाने का मगर जाते हैं। वाह जी वाह, बहुत होश क्या बाकी नहीं जाने का मगर मगर जाते जाते हैं, हैं, क्या तस्वीर किसकी की है, दिल में जबरदस्त बात। अरमाने विसाल, दिल में अरमाने विसाल, आंख में तूफाने जमाल, होश का रहेगा फिर, होश बाकी नहीं जाने का मगर जाते हैं, जाती है और भूलती ही नहीं दिल को तेरी मस्ताना निगाह, भूलती ही नहीं दिल को तेरी मस्ताना निगाह, साथ जाता है ये मैखाना जिधर जाते हैं, साथ वाह जी वाह, बहुत खूब। जाता है ये मैखाना जिधर जाते हैं, दोबारा देखिएगा, भूलती ही नहीं दिल को तेरी मस्ताना निगाह, साथ जाता है ये मैखाना जिधर जिधर जाते जाते हैं, हैं, साथ जाता है ये मैखाना जिधर जाते हैं। हुमा सिस्टर हमारे साथ आ चुकी है, उनको वेलकम कर लेते हैं, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। नहीं 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 अस्सलाम वालेकुम कंटिन्यू वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कंटिन्यू करें। वालेकुम अस्सलाम, जितने भी बहन भाई हैं, आबिद भाई, मोबी भाई, जबरदस्त महफिल चल रही है, आप कंटिन्यू करें, कोई इशू चले, नहीं। मैं ये पढ़ता जी हूँ, ये बिल्कुल मुझे सुबह ने जो प्लीज फरमाइश की हुई है। प्लीज। भूलती ही नहीं दिल को तेरी मस्ताना निगाह, और मस्ताना निगाह देखिए कि उसका क्या है, कि साथ जाता है ये मैखाना जिधर जाते हैं, और पासबानाने हया क्या हुए ए दौलते हुस्न, पासबानाने हया क्या हुए ए दौलते हुस्न, हम चुरा कर तेरी दस्दीदा नजर जाते हैं, वाह जी वाह, हम क्या चुरा बात कर है। तेरी दस्दीदा नजर जाते हैं, और पुरसिशे दिल तो कुजा ये भी ना पूछा उसने। अब भी देखिएगा जरा, मरुमा से देखिएगा कि पुरसिशे दिल तो कुजा ये भी ना पूछा उसने, वाह पुरसिशे दिल तो कुजा ये भी ना पूछा उसने, हम मुसाफिर किधर आए थे किधर जाते किधर हैं, जाते हैं, वह हो जी वाह, पुरसिशे क्या दिल तो बात कुजा ये भी ना पूछा उसने, हम मुसाफिर किधर आए थे किधर जाते किधर हैं, जाते हैं। और चश्मे हैरा में समाए हैं ये किसके जलवे, चश्मे हैरा में समाए हैं ये किसके जलवे, तूर हर गाम पे रकसा है जिधर जाते हैं, वाह जी वाह, मुकर्रर इरशाद, क्या खूबसूरत चश्मे सी। हैरा में समाए हैं ये किसके जलवे, तूर हर गाम पे रकसा है जिधर जाते हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब। और जिस तरह भूले मुसाफिर कोई सामा अपना, जिस तरह भूले मुसाफिर कोई सामा अपना, देखिएगा जरा कि जिस तरह भूले मुसाफिर कोई सामा अपना, हम यहाँ भूल के दिल और नजर जाते हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत जिस तरह खूब। भूले मुसाफिर कोई सामा अपना, हम यहाँ भूल के दिल और नजर जाते हैं, और कितने बेदर्द हैं इस शहर के रहने वाले, कितने बेदर्द हैं इस शहर के रहने वाले, राह में छीन के दिल कहते हैं घर जाते हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब, क्या कितने सीन है। बेदर्द हैं इस शहर के रहने वाले, राह में छीन के दिल कहते हैं घर जाते हैं, बहुत खूब बहुत और खूब, अगले वक्तों जबरदस्त। में, अभी तो अगले वक्तों में लुटा करते थे रहरो अक्सर, अगले वक्तों में लुटा करते थे रहरो अक्सर, हम तो इस अहद में भी लुट के मगर जाते हैं, वाह जी वाह, बहुत हम खूब, तो इस अहद जबरदस्त। में भी लुट के मगर जाते हैं, और फैजाबाद, फैज आबाद से पहुंचा हमें ये फैज अख्तर, फैज आबाद से पहुंचा हमें ये फैज अख्तर, के जिगर पर लिए हम दागे जिगर जाते हैं, के वाह जी वाह, जिगर बहुत पर लिए हम दागे जिगर जाते हैं, खूबसूरत, कि जिगर पर लिए हम दागे जिगर जाते हैं। तो वाह। फैजाबाद जो है ये उत्तर प्रदेश का शहर है, जहाँ पे मेरा ख्याल है जिगर मुरादाबादी शायद पैदा हुए थे, तो पता नहीं मुझे, अगर उसी के हवाले से है, मेरा ख्याल है उसी हवाले से होगा, और कि फैजाबाद फैज में वो मशहूर कैरेक्टर उमराव जान भी थी ना। शायद
तो फैजाबाद से जो मेरा ख्याल उन्होंने जोड़ा है तो यही है कि बिल्कुल फैजाबाद फैजाबाद से पहुंचा हमें ये फैज अख्तर के जिगर पर लिए हम दागे जिगर जाते हैं। तो जी यकीनन जो है इशारा उनका जिगर फैसला मुरादाबादी की तरफ होगा। और किसकी आंखों के लिए दिल पे असर जाते हैं, मैं कदे हाथ बढ़ाते हैं जिधर जाते हैं, और भूलती ही नहीं दिल को तेरी मस्ताना निगाह, होश बाकी नहीं जाने का मगर जाते हैं। तो बहुत 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 ही बढ़िया जबरदस्त अच्छी सिलेक्शन, बात। बहुत ही खूबसूरत सिलेक्शन थी और हमने बड़ी मजा आया। कुछ बेशक नीचे से बेशक शेयर ले लेते हैं और फिर हुमा सिस्टर आपसे कुछ सुनते हैं। बिल्कुल जी, जबरदस्त जबरदस्त जी, जिगर की तो बात ही क्या है जी। और यहाँ पे हसन भाई कह रहे हैं कि उठते नहीं है अब तो दुआ के लिए भी हाथ, किस दर्जा ना उम्मीद है परवरदिगार से, और थक गए हम करते करते इंतजार, एक कयामत उनका आना हो गया। बहुत ही खूबसूरत शायरी है जी। और अब तो मिलिए बस लड़ाई हो चुकी, अब तो चलिए प्यार की बातें करें। वाजी भाई चलें जी, अपनी लाइव स्ट्रीम में भी हम लड़ाई हो चुकी, अब तो चलिए जी प्यार जी की बातें करें। अस्सलाम वालेकुम जी नून मीम वालेकुम। भाई अरे आए। अस्सलाम वालेकुम नून मीम भाई, कैसे हैं? नून भी भाई को तो मैंने टोटली मिस कर दिया, बिल्कुल मैसेज देखा ही नहीं। अच्छा आपको मैसेज शायद पहले नजर आ गया, मुझे थोड़ी देर से नजर आया। वालेकुम मुझे असलाम भी नून अब मीम नजर भाई, आए थे, उन्होंने कहा ना उस वक्त तक मैसेज मुझे भी शो नहीं हो रहे थे, अब लेट शो हो रहे हैं हमें हुमा जी। सिस्टर आपका इंटरनेट असलामुअलैकुम। फास्ट हाँ नहीं ये खुद भी फास्ट है, हम कोशिश मत कीजिए इनको पकड़ने की। अच्छा वो मैं नून में बैठे सलाम कर लूँ, सलाम के बाद बहुत शुक्र वेलकम है आपके आने का। और मैं मैसेज जाना चाहता हूँ मेरी सुबह सिस्टर को कि प्लीज मुझे ना मुझे केक चाहिए ना मुझे बिस्किट चाहिए, हद तक मुझे चाय भी नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए ऊपर खाली हाथ ही वाह जी वाह, क्या कहने। जी। कंटिन्यू करें भाई आप लोग। चले हमारी जी आपसे कुछ सुनते हैं, अगर आपके पास है कुछ सुनाने को तो। जी, मेरे पास बहुत कुछ है सुनाने नहीं अब अख्तर शीरानी के हवाले से बात कर रहे हैं। को। अच्छा फिर सही है, अच्छा, फिर सही है। नहीं अभी मैं वैसे भी कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसे फार्मा में फटे कराए नहीं क्या नहीं हमारे एमबीए का टाइम लिमिटेड है, करना हम ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, तो सिर्फ आप शायद की हद तक रहें बस। जी। अच्छा मुझे तो ये बात आज पता चली कि वो इतनी मशहूर गजल नहीं है नूर की, उनकी है। आप तो बड़े बड़े नए इश्क नए में बर्बाद ना इंतजाम, कर, बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो बड़ी क्लासिकल है। और आबिद जी भाई कह रहे थे कि माशाल्लाह। हम तो चाहते हैं कि भाई दो चार गाने वाले हो, तो हमने फिर टूटे बजे खुद ही पैदा कर लिए। अब हाँ जब हाँ कोई जी आता नहीं है तो जो है, तो बिल्कुल बस मैं यही सुना सुना देती हूँ। अब जैसी भी हो, देखिए मैंने तो निकाली भी अभी है, मुझे तो पता ही है अभी 10 मिनट पहले चलाएगी ये उनकी, जो है जब आबिद भाई ने थोड़ी देर पहले कहा था मुझसे कि ये नैयरा उनकी नूर है। को जब भी मैं सुनता हूँ ना तो नैयरा नूर की दो गजलें मैं कहता हूँ कोई इससे बेहतर मेरी फीलिंग है ये, मतलब मैं ये नहीं कहता हर एक को एग्री होगा। ए इश्क हमें बर्बाद ना कर और कहते हम के ठहरे नहीं अजनबी, मुझे तो वो ही वो पसंद है आपको आपकी। पसंद होगी, वो मुझे बहुत पसंद थी शुरू में पसंद था, लेकिन वो हम के ठहरे अजनबी फैज को और अख्तर शीरानी को जितने डीपली उन्होंने गाए ना नैयरा नूर ने, बस बिल्कुल उन पे खत्म हो चुकी है दोनों गजलें। तो मैं तो ये अभी जब थोड़ी देर पहले आपकी लाइफ से पहले आबिद भाई ने बताया, तो मैंने कहा अच्छा ये उनकी है तो बड़ी मशहूर है, तो इसलिए बस मैं थोड़े से शेर गुनगुनाऊंगी इसलिए कि इस नैयरा नूर ने जो गाई है तो हम तो कुछ है ही नहीं। हम आपसे कह जी भी नहीं रहे कि जरूर हम आपको नैयरा नूर की बराबर रखेंगे, आप अपनी से कोशिश फरमाइए, उन्होंने अपनी से कोशिश फरमाई और दो शेर के बाद अगर अच्छी ना पढ़ूं तो कोई नीचे लिख दे मैं रुक जाऊंगी। अच्छा नहीं अच्छा नहीं चलें जी। कीजिए। ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर, ए इश्क न छेड़ हम भूले हुओं को याद न कर, पहले ही बहुत नाशाद हैं हम तू और हमें नाशाद न कर, किस्मत का सितम ही कम ही नहीं कुछ ताजा सितम ऐ जाद न कर, ऐ इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर,
यूं जुल्म न कर ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। रातों को उठ उठ रोते हैं, रो रो के दुआएं करते हैं, आँखों में तसव्वुर दिल में ख्लिश, सर धुनते हैं आहें भरते हैं। ए इश्क ये कैसा रोग लगा, जीते हैं ना जालिम मरते हैं। ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। जिस दिन से बंधा है ध्यान तेरा, घबराए हुए से रहते हैं, हर वक्त तसव्वुर कर कर के शर्माए हुए से रहते हैं। कुमलाए हुए फूलों की तरह, कुमलाए हुए से रहते हैं। पामाल न कर, बेजार न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। पहले ही बहुत नाशाद हैं हम, और हमें नाशाद न कर, ए इश्क हमें बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। शुक्रिया जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने हैं, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, शुक्रिया जी। आपने अगर हक अदा कर उम्मीद, दिया, नहीं ये मैंने बहुत तो जबरदस्त। सुने नहीं में भी बहुत, अरसा हो गया था भाई। शुरू में तो बहुत ही बस शेरों की आपने खूब ऐसी की भाई, अब तैसी बस की है, उसके बाद जैसे में जैसे याद, जैसे याद थोड़ा वैसे ही आपने सुनाया, और उसी का मजा है, तो बड़े बड़े मजा आया। काफी सारे शेर भी नीचे से आ चुके हैं, काफी सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं, और सबको सा बहुत ही मजा आया आपके जो है, जो आपने गाया। और जो है इसमें जो एक वो क्या कहना चाहिए, जो खुद सुपुर्दगी है उसके अंदर, और जो एक एक जो इमोशन है उसके अंदर, वो आपने जो है वो इंक्लूड किए, तो बड़ा ही मजा आया। क्योंकि तो खाली पढ़ने में इश्क में ना, इश्क में बर्बाद ना कर, वो तो मतलब उसमें वो बात आती नहीं है, तो क्या कहने हैं जी, बहुत शुक्रिया जी, मजा आ गया। शुक्रिया जी। थोड़े से मैसेजेस दे देते नहीं तो इजाजत दें जी जी तो, बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने पढ़ लिया था, एक कयामत उनका आना हो गया पढ़ लिया था, और नून मीम भाई ने हमें मैसेजेस भेजे हैं काफ़ी सारे, वादे के एतबार में तस्कीन दिल तो है, अब फिर वही फरेब ना खाएं तो क्या करें, करके वफा भी जुर्म मोहब्बत सही, मगर मिलने लगे वफा की सजाएं तो क्या करें। ये जो गज़ल आपने अभी भी सुनाई थी, और चमन में रहने वालों से तो हम सेहरा नशी अच्छे, चमन में रहने वालों से तो हम सहरानदेशी अच्छे, बाहर आके चली जाती है वीरानी नहीं जाती। ये हसन भाई हैं जी, और नूनमी भाई ने और हमें भेजे हैं कि काम आ सके ना अपनी वफाएं तो क्या करें, उस बेवफा को भूल ना जाएं तो क्या करें, मुझको ये एतराफ दुआओं में है असर, दुआएं अगर जाएं ना अर्श पर जो दुआएं तो क्या करें। बहुत खूबसूरत शेर जी, और हसन भाई कह रहे हैं कि मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर आज तक, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू ना गई। बहुत खूबसूरत, उम्मीद सुबह ने हमें भेजा कि माना के सबके सामने मिलने से है हिजाब, माना के सबके सामने मिलने से है हिजाब, लेकिन वो ख्वाब में भी ना आए तो क्या करें। तो क्या करें, क्या बात बहुत है, बहुत जबरदस्त, खूब। और बहुत खूब घुमा आपकी, आपको बहुत जबरदस्त पढ़ा। और हसन भाई कहते हैं किसी मगरूर के आगे हमारा सर नहीं झुकता, फकीरी में भी अख्तर गैरत शाहाना रखते हैं। क्या वाह जी वाह, बहुत शानदार शेर है, क्या खूबसूरत शेर है। और सायरा बानो हमारे साथ आ चुकी है, अस्सलाम वालेकुम कह रही है। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और बहुत ज़बरदस्त महफिल चल रही है, हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, और बाकी आपको बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की दाद मिल रही है हमारे से।
और उम्मीद सुबह कह रही है कि अजमत अजमत गिरिया को कोताह नजर क्या समझे, अश्क अगर अश्क न होता तो सितारा होता। वाह बहुत बहुत खूब। खूब शेर जी। और क्यूज बेसिक ने शेर भेजा है कि थोड़ी सी सरदर्द है हसन भाई, इसीलिए ज्यादा मैसेज नहीं कर रही। अच्छा ये शेर नहीं आज है। काफी जी रोटियां बनानी थी मेरे घर। जी आप रेस्ट कर लें क्यूज, प्लीज आप रेस्ट कर लें, सरदर्द ज्यादा बढ़ ना जाए। अगर किसी को सलाम करना भूल गई हो माफ कर देंगे जी, कोई ऐसा मसला नहीं, हम आपके बिहाफ पे जो है सबको सलाम कर देंगे। तो बहुत ही खूबसूरत जो है ये नज़म और गाना हम सुन रहे थे हुमा सिस्टर से, तो चलते हैं आबिद भाई आपकी तरफ और आपसे कुछ सुन लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया। फिर यूं हुआ कि दर्द का यारा नहीं रहा, वाह अरे फिर यूं वाह हुआ कि दर्द का यारा नहीं हुआ नहीं रहा, नहीं रहा। फिर यूं हुआ कि दर्द का यारा नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि कोई सहारा नहीं रहा, फिर यूं हुआ कि गर्दिशे दौरा में घिर गया, फिर यूं हुआ कि दर्द गर्दिशे दौरा में घिर गया, फिर यूं हुआ कि वो भी हमारा नहीं रहा। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह जी वाह। जलने लगी लहू में जुदाई तो रो दिए, जलने लगी लहू में जुदाई तो रो दिए, तन्हाइयों ने खाक उड़ाई तो रो दिए, वाह तन्हाइयों ने खाक उड़ाई तो रो दिए, रो दिए चेहरे ने तेरा रोग छुपाया तो हंस दिए, चेहरे ने तेरा रोग छुपाया तो हंस दिए, वाह जी आंखों वाह। ने तेरी याद मनाई तो रो दिए, खुशबू ने कोई याद दिलाया तो तड़प उठे, खुशबू ने कोई याद दिलाया तड़प उठे, फूलों ने दास्तां सुनाई तो रो रो दिए, दिए वाह क्या कहने हैं। खुशबू ने कोई याद दिलाया तड़प उठे, फूलों ने दास्तां सुनाई तो रो दिए, रो दिए वाह गुजरा है हम पे खुद यही आलम इसीलिए, गुजरा है हम पे खुद यही आलम इसीलिए, हंसने लगी किसी पे खुदाई तो रो दिए, वाह जी वाह, वाह जी वाह क्या कहने हैं। गुजरा है हम पे खुद यही आलम इसीलिए, हंसने लगी किसी पे खुदाई तो रो दिए, रात आ चुकी थी तैर गिए शब कुछ इस कदर, रात आ चुकी थी तैर गिए शब कुछ इस कदर, गर शम्मा भी किसी ने जलाई तो रो तो रो दिए दिए, अरे वाह क्या कहने हैं मुकर्रर इरशाद। रात आ चुकी थी तैर गिए शब कुछ इस कदर, गर शम्मा भी किसी ने जलाई तो रो दिए, यही हाल है जलने जी। लगी लहू में जुदाई तो रो दिए, तन्हाइयों ने खाक उड़ाई तो रो दिए। कुछ कह रहे थे जी मोहिमा हाँ मैं ये प्लीज। कह रहा था कि वो इस कदर आदत हो जाती है अंधेरे की और तीरगी की कि कुछ शमा भी जलाए तो रो बेशक देते, बेशक और बेशक यही जी, हालात है आजकल के जमाने के। जी बहुत हाँ ही जी, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम, मजा आ गया। शुक्रिया, और बहुत उसमें शुक्रिया। वो हसासियत भी बहुत है, लेकिन जो उसमें तसव्वुफ है वो भी माशाल्लाह बहुत गहरा है। जी बेशक। यहाँ से हम थोड़े से मैसेजेस जैसे ले रहते हैं फटाफट। और हसन भाई कह रहे हैं कि तमन्नाओं को जिंदा आरजुओं को जवां कर लूं, तमन्नाओं को जिंदा आरजुओं को जवां कर लूं, ये शर्मीली नजर कह दे तो कुछ गुस्ताखियां कर लूं। वाह जी वाह वाह क्या जी बात है वाह, हसन भाई, ऑन फायर माशाल्लाह। और कह रहे हैं कि लॉन्ड्री खोली थी उसके इश्क में पर वो कपड़े हमसे बहुत ज्यादती की बात। वो क्या है, इसे याद आ गया मुझे कि किसी चौक में लगाते हम भी चूड़ियों का खोखा, तेरे शहर में हमारा कोई कारोबार लेकिन होता। हुमा मुझे अक्सर एडवाइस करती हैं कि पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। शुक्र है वो कपड़े धुलवा रहे हैं, अगर वो हाँ आपको अभी भी साथ साथ धो देते तो। नहीं, इसके पीछे अब क्या राज पिन्हा है, ये कपड़े लॉन्ड्री तो वैसे कह रहे हैं ना, आपको पता ना जो होता है लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है जी। ये उस तरह की लॉन्ड्री है मेरा ख्याल है। हो सकता है, वरना फिर छोलों का ठेला लगाए लड़कियां वो तो लंबा छोल जाएंगी, अगर सिखाती मनी लॉन्ड्रिंग पे तो लंबा जाएंगी। है। एक और शेर उनकी तरफ से कि एक वो के आरजुओं पे जीते हैं उम्र भर, एक हम के हैं अभी से पशेमाने पशेमान आरजू। यार, वाह जी ये वाह। अख्तर शीरानी की गजल है क्या? अब लग रहा है ये मैंने बहुत ही खूबसूरत गाई है, मेरी बड़ी फेवरेट है, ये भी बहुत खूबसूरत गाई है, ये किसी जरूर लेडी इसको निकाल लेते हैं। पाकिस्तान
एक वो कि आरजू पे जीती हूँ भर, एक हम है कि अभी से पशी, मैं आरजू जान लिखू ये नहीं ये जाने मैं कह आरजू, रही हूँ, हाँ ये उसका मिसरा है, शेर है ये, तो ही बता दे नाज से ईमाने आरजू। सुनी भी है मूवी भाई आपने? ये कोई जहन नहीं में, इट्स नॉट रिंगिंग अ ये बेल, बहुत मैंने पुरानी है, और ये कोई कोई उनकी नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ बेगम लगता है, पता नहीं कौन सी बेगम उन्होंने गई है, मतलब कोई अख्तरी बेगम, नहीं, अख्तरी बेगम नहीं, कोई वेरी फेमस सिंगर सिंगर नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने गाई है खूब गाई है, उससे बेहतर कोई गाई नहीं सकती। आबिद भाई जरा दोबारा कहिएगा आपने जो पढ़ा था। मैं आरजूए जान लिखूं या जाने आरजू, तू ही हाँ बता जी दे वही है, नास्ते ईमाने आरजू। माने आरजू जी बिल्कुल वही है, ये वही है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सिंगर है। कौन सा, कौन है इसका कोई नाम सिंगर बेगम? पता नहीं लेकिन मैंने यहाँ निकाली है, ये अख्तर शेरानी ही की है, मैं हाँ आरजू जान लिखूं या जाने आरजू, तू मैं बहुत ही अरसे से बता दे उमा से कह नास्ते रहा था कि ईमाने आप आरजू। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ये कहेंगे नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी तर्ज थोड़ी सी वो है ना इसी तरह ना, अभी पढ़ दें फिर बताती हूँ। चले आप तैयारी कर लें, उतनी देर में आपको यहाँ पे कुछ सुना देता हूँ। जी, बिल्कुल, थोड़ा हटते हैं जरा उससे, और जी सलमा जी से हट के चलते हैं रेहाना की तरफ, क्या ख्याल है? जी 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 सलमा बिल्कुल। मेरी एक नहीं चार बेस्ट फ्रेंड है, चारों यही चलो है। चलिए जबरदस्त, आपको तो फोन बजता ही रहने वाला है इसके जी बाद। अच्छा, उम्मीद है सुबह हमारे साथ आ चुके हैं, उनको वेलकम कर लेते हैं और फिर आपको मैं जी रेहाना की बात सुनाता हूँ। उम्मीद है सुबह, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपनी महफिल में, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, और उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सब मौजूद जो हैं सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम आपकी आवाज़ भी बहुत बेहतर लग रही है सलाम, पहले से, माशाल्लाह। मेरा केक बिस्किट चाय सब कहाँ है भाई? आप भाई आपने कहा था अब कुछ नहीं चाहिए, आप आ जाए, मैं खुद आ गई हूँ। चलिए जी, सही है, ठीक है। अच्छा, ये जो नज़म है ना, इसकी काफी सारी पैरोडी, सॉरी मुझे सुबह कुछ कहने लगी थी। नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, ये नज़म है, इसमें काफी पैरोडीज भी बनी हुई है, लेकिन आज आपको ओरिजिनल भी सुनने को मिलेगी। कहते हैं कि यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। अच्छा जी, वाह जी वाह, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी, वो इस वादी की शहजादी थी और शाहाना रहती थी। वाह जी, शाहाना भी बुला लिया, सही है। जी, और कमल का फूल थी, संसार से बेगाना रहती थी। ले जी, हम भी आ गए, बेगाना भी आ गया। अच्छा जी, कमल का फूल थी, संसार से बेगाना रहती थी, नजर से दूर मिसले निखरते मस्ताना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। इन्हीं सहराओं में वो अपने गले को चराती थी। जो गला पढ़ना इसको जरूरी है, गला नहीं पढ़ना, हाँ गल्ला भेड़ गले को बकरी वो जो रेवड़ होता है। बिल्कुल जी, इन्हीं सहराओं में वो अपने गले को चराती थी, इन्हीं चश्मों पे वो हर रोज मुंह धोने को आती थी, इन्हीं टीलों के दामन में वो आजादाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। वाह खजूरों के तले वो खंडर से, वो जो खंडर से झिलमिलाते हैं, ये सब रिहाना के मासूम अफसाने सुनाते हैं, वो इन खंडरों में एक दिन सूरते अफसाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। वाह, और मेरे हमदम ये नखलिस्तान एक दिन उसका मस्कन था, उसी के अखर में ये आगोश में उसका नशेमन था, उसी शादाब वादी में वो बेबाकाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। ये फूलों की हसी आबादियां काशाना थी उसका, वो एक बुत थी, ये सारी वादियां बुत खाना थी उसका, वो इस फिरदौस से वजदो रक्स में मस्ताना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहां रिहाना रहती थी। तबाही की हवा उस खाके रंगी तक न आई थी, ये वो खित्ता था जिसमें नौ बहारों की खुदाई थी, वो इस खित्ते में मिसले सब्जाए बेगाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहां रिहाना रहती थी। इसी वीराना में एक दिन बहिश्ते लहलहाती थी, घटाएं घिर के आती थी, हवाएं मुस्कुराती थी, कि वो बनकर बहारे जन्नते वीराना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहां रिहाना रहती थी। ये वीराना गुजर जिसमें ना है, जिसमें नहीं है कारवानों का, ये वीराना गुजर जिसमें नहीं है कारवानों का, जहां मिलता नहीं नामो निशा तक सागबानों का, इसी वीराने में एक दिन मेरी रिहाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। वाह, यही आबाद थी एक दिन मेरे अफकार की मलका, मेरे जज्बात की देवी, मेरे अशार की मलका, वो मलका जो बरंगे अजमत शाहाना रहती थी, यही वादी है वो हमदम जहाँ रिहाना रहती थी। सबा शाखों में नखलिस्तान की जिस्तम सरसराती है,
मुझे हर लहर से रिहाना की आवाज़ आती है, यही रिहाना रहती है, यही रिहाना रहती थी, यही वादी है वहां जहाँ रिहाना रहती थी। जरा देखिए उनके मतलब काफी लंबी सी नज़म है, मैं सारी तो नहीं सुनाऊंगा, तकरीबन कोई मतलब 40-50 जबरदस्त। बंद अली होंगे सरमद सर इसमें। हैं साथ हमारे, वेलकम कर लीजिए उनको कंप्लीट करके। जी जरूर। अली सुमन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? बहुत खुशी हुई आप हमारे साथ आए। आप आइए, हमारे पास ऊपर लिंक मौजूद है, आए हमें कुछ सुनाए। आपका मैसेज वाह, रिहाना को अमर कर दिया। बिल्कुल जी, शिरानी साहब ने उनको अमर कर दिया, रिहाना सबको, रिहाना को भी, सलमा को भी, सबको। आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जरूर आइए। तो आखिरी एक बंद पढ़ के तो खत्म करता हूँ कि प्याम दर्द दिल अख्तर दिए जाता हूँ वादी को, सलाम रुख्सते गमगी किए जाता हूँ वादी को, सलाम वादी वीरां जहाँ रिहाना रहती थी। ये उनकी काफी लंबी चौड़ी सी एक नज़म है, लेकिन उसमें जो तराकीब उन्होंने इस्तेमाल की पहले दो मिसरों में, बाकी दो मिसरे तो उनके वही हैं, रिहाना रिहाना ही है, लेकिन जो पहले वाह दो मिसरे हैं वो बहुत खूबसूरत। मैंने कहा थोड़ा सा महफिल को हम चेंज कर लेते हैं, सलमा का जबरदस्त, तारुफ बहुत हो गया था बहुत हो तो गया अभी। और आप भी रिहाना ऐसा बोले, घर में बैठे भाभी आ जाएंगी, पहले जी सलमा बिल्कुल फिर रेहाना। और मैं ये कह रही हूँ इतनी दफा इन्होंने रेहाना रेहाना कहा, अभी भाई फरदाना आने वाली सुल्ताना भी हो सकती है, और सुल्ताना आ गई है मूवी में, सुल्ताना आ गई है, अगर सुल्ताना आ सुल्ताना गया, सुल्ताना आ गई तो भी दोनों बहुत तरह प्रॉब्लम हो जाएगी। खराबी है। बिल्कुल सही बात है, सुल्ताना में बहुत प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूँ कि सुल्ताना आ गई है, सुल्ताना आ गया, आ गया, दोनों तरह बिल्कुल खराबी बिल्कुल, है। दोनों तो मतलब खराबी है। चलिए जी, चलिए थोड़ा सा महफिल का रंग जो है वो चेंज हो गया, जो सोए हुए थे जी वो जी लोग उठ गए, बिल्कुल और यहाँ से नीचे से एक दो मैसेजेस ले लेते हैं, और फिर आबिद भाई आपकी तरफ चलते हैं, फिर नहीं, फिर उम्मीद सुबह से स्टार्ट तो सुबह करूंगा। से हाँ कुछ सुनते हैं। सही कहा आपने। तो यहाँ पे मुझे हाँ जी, यहाँ तक मैं पढ़ लिया था। ये कह रहे हैं कि मुझे दोनों जहाँ में, हसन भाई है कि मुझे दोनों जहाँ में एक वो मिल जाए गर अख्तर, तो अपनी हसरतों को बेनियाजे दो जहाँ कर लूँ। अरे वाह, वाह जी, बहुत बहुत खूबसूरत। खूब, और अब वो बातें न वो रातें न मुलाकातें हैं, महफिलें ख्वाब की सूरत हुई वीरां, क्या क्या वाजिबा। और देखे अली सरमद भाई चुप करके बैठे हुए थे, लेकिन जब हमने इतना रिहाना रिहाना किया तो वो भी बोल पड़े उन्होंने भी कहा जी कि हाँ भाई, बिल्कुल जी, और किसी को फुर्सत थी जमाने के सितम सहने की, गरना इस शोख की आंखों का इशारा होता, वाह जी किसको वाह, फुर्सत थी जमाने के सितम सहने की। वाह जी वाह, बहुत बहुत खूब, जबरदस्त। और कूचा ही हुस्न छटा तो हुए रुसवाए शराब, एक्सक्यूज मी, कूचाए हुस्न छुटा तो हुए रुसवाए शराब, अपनी किस्मत पे जो लिखी थी वो खवारी न गई। वाह जी वाह, मुबारक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। बिल्कुल, आप आपकी अपनी महफिल है, किसी भी वक्त आप आना चाहें तो जरूर आएं, खुश रहें, शाद रहें जी। बहुत बहुत प्यारे दोस्त हैं आप, आपके लिए हमेशा हमारी यहाँ महफिल में जो ऊपर एक खास गद्दी हमने लगा के रखी हुई बेशक है बेशक, VIP, तो आप जब भी बिल्कुल आइए, आपकी अपनी महफिल है, लाइव स्ट्रीम में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो अपना बिल्कुल आपका घर है। चाय भी यहाँ पे उम्मीद सुबह ढेर सारी चाय बना के लाई है, और वो चाय ऐसी है, वर्चुअल चाय है जो थ्रू आउट गर्म रहती है, तो जी फिक्र नहीं बिल्कुल करें, ठंडी चाय नहीं मिलेगी, गर्म चाय मिलेगी, साथ में बिस्किट पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन चाय जरूर है जी। उम्मीद सुबह इसी तारुफ के साथ आपकी तरफ चलते हैं, आपसे कुछ सुन लेते हैं। बिस्किट भी ऑफर किए थे, केक भी किया था। लेकिन वो अबिद भाई ने बस थोड़ी गड़बड़ कर नहीं, दी, जरा हमने जल्दी एक्सेप्ट में, तो की थे ऑफर आपकी, चलिए फिर सही, उम्मीद तो दुनिया हाँ पाए, जरा अगर जल्दी हो आपको गई तो अबिद नाम भाई भी आपके। उम्मीद है। उम्मीद है सुबह, मेरी छोटी जी सी जी प्यारी बहन, मेहमान हमेशा मना ही करते हैं, नहीं नहीं रहने दीजिए, लेकिन जो है मेहमान नवाजी का तकाजा ये होता है कि जो कुछ भी हो वो बेहतर से नहीं बेहतर होगा, ला हमने के मना देते नहीं किया था, हमने पहले ही एक्सेप्ट की थी, एक घंटा जब हैं गुजर गया तो हमने कहा भी खाली हाथ ही आ जाएगी, आ तो जाएगी। क्या नहीं बस जी, आप सहाना ही बहुत है जी, केक तो ओवन में ही रह गया, बिल्कुल कोई बात नहीं, जल ना उम्मीद तो जाए दुनिया कायम है, वो नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में देख लेते हैं, और फिर इनका तो नाम ही सैटरडे उम्मीद को, है, और हमारी सैटरडे को तो, इंशाल्लाह। हमारी तो लाइव ही उम्मीद पे कायम है बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, वाह वाह क्या जी कह वाह, गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना कुछ पूछिए। ना पूछ, वाह वाह जी वाह, भाई वाह जी वाह, क्या कहने हैं। वो देखना किसी का के नखियों से बार बार,
वो बार बार इसका असर कुछ ना पूछिए। रो रो के किस तरह से कटी रात क्या कहें, रो रो के किस तरह से कटी रात क्या कहें, मर मर के कैसे की है सहर कुछ ना पूछिए। वाह क्या कहने वाली हो। अख्तर दियारे हुस्न में पहुंचे हैं मर के हम, अख्तर दियारे हुस्न में पहुंचे हैं मर के हम, क्यों कर हुआ है तय ये सफर कुछ ना पूछिए। कुछ ना पूछिए वाली वाह वाली वाह क्या कहने। तो मैं भी वो ये सफर बड़ी मुश्किल से तय करके ना आबिद भाई लाइव आई ऊपर जी। ये दे दोगे मुझे कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत जबरदस्त क्या बात है बहुत शुक्रिया जी मोहित भाई प्लीज जी जबरदस्त। तो चलते हैं आप आपसे कुछ सुन लेते हैं और फिर हम सिस्टर से चले ठीक है। इश्क का मौसम, इश्क का मौसम गम की हवाएं उफरी जवानी हाय जमाने। वाह। इश्क का मौसम गम की हवाएं उफरी जवानी हाय जमाने, दिल में तमन्ना लब पे दुआएं उफरी जवानी हाय जमाने। सहने चमन और बादा परस्ती, सहने चमन और बादा परस्ती, रात का मंजर आलम हस्ती। सहने चमन और बादा परस्ती, रात का मंजर आलम हस्ती, कदमों पे सागर सर पे घटाएं, कदमों पे सागर सर पे घटाएं उफरी जवानी हाय जमाने। एक गली से रोज गुजरना, एक गली से रोज गुजरना, गर्चे किसी से बात न करना। एक गली से रोज गुजरना, गर्चे किसी से बात न करना, सीने में धड़कन मुंह पे हवाएं उफरी जवानी हाय जमाने। घर पे वो एक महापारा का आना, घर पे वो एक महापारा का आना, बात न करना आंख चुराना, दिल को खलिश तन्हा कभी कर कभी पाए, दिल को खलिश तन्हा कभी पाए उफरी जवानी हाय जमाने। वाजी वाह वाजी वाह। इश्क का मौसम गम की हवाएं उफरी जवानी हाय जमाने। वाह बहुत शुक्रिया क्या कहने बहुत खूबसूरत जी मजा आ गया उफरी जवानी। और यहाँ पे अली भाई ने हमें एक शेर भेजा है अख्तर साहब के शेर उन्हीं के नाम, गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। बहुत ही खूबसूरत बहुत ही गहरा बहुत ही प्यारा शेर बहुत शुक्रिया अली भाई। और हसन भाई ने शेर भेजा है कि वो कहते हैं रंजिश की बात भुला दे, वो कहते हैं रंजिश की बातें भुला दे, मोहब्बत करें खुश रहें मुस्कुरा दें, गरूर और हमारा गरूर मोहब्बत महो मेहर को उनके दर पर झुका दें, जवानी हो गर जाविदानी तो यारब तेरी सादा दुनिया को जन्नत बना दे। वाजी वाह इसमें भी वही मजमून है आबिद भाई कि अगर उम्र साथ देती तो मोहब्बत बांटते रहते। तो बहुत ही खूबसूरत शेर बहुत मजा आया हसन भाई और अली भाई बहुत शुक्रिया। हमारे सिस्टर आपसे कुछ सुन लेते हैं। जी जी बिल्कुल मैं म्यूट पे बोल रही थी। यस्ता शेरानी का तो नहीं है, मेरी एक दोस्त ने आज मुझे सेंड किया था तो वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। जी जरूर माशाल्लाह। शबाब आया किसी बुत पे फिदा होने का वक्त आया, शबाब आया किसी बुत पे फिदा होने का वक्त आया, मेरी दुनिया में बंदे के खुदा होने का वक्त आया, मेरी दुनिया में बंदे के खुदा होने का वक्त आया। उन्हें देखा तो जाहिद ने कहा ईमान की ये है, उन्हें देखा तो जाहिद ने कहा ईमान की ये है कि अब इंसान को सजदा रवा होने का वक्त आया। वाजी वाह क्या कहें कि अब इंसान को सजदा रवा होने का वक्त आया। तकल्लम तकल्लम की खामोशी कह रही है हुर्फ मतलब से कि अश्क आमेज नजरों से अदा होने का वक्त आया। अरे वाह क्या कहें के अश्क आमेज नजरों से अदा होने का वक्त आया। खुदा जाने ये है औज यकीन या पस्त ये हिम्मत, खुदा जाने ये है औज यकीन या पस्त ये हिम्मत, खुदा से कह रहा हूँ ना खुदा होने का वक्त आया। खुदा से कह रहा हूँ ना खुदा होने का वक्त आया। और जी ये तो बिल्कुल हसबे हाल है आजकल के। हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ यानी, हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ यानी, हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त। क्या कहने है क्या कहने है मुकर्रर साहब, हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। वाह हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ यानी,
हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। क्या कह रहे, शबाब आया किसी पे बुत पे फिदा होने का वक्त आया, मेरी दुनिया में बंदे के खुदा होने का वक्त आया। बाद में मैंने मैसेज किया कि बहन कोई काम है। हरिचंद अख्तर की ये गजल है और हमअसर ही थे अख्तर शिरानी के, तकरीबन पास ही की इनकी पैदाइश भी और पास ही की वफात भी है। अच्छा। तो काफी मिलते जुलते ये शायर हैं हरिचंद अख्तर और अख्तर शिरानी दोनों, तो उस लिहाज से बड़ी मुनासिब हाल वैसे भी है। बहुत शुक्रिया आपको इतनी खूबसूरत से गजल सुनाने का। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। अख्तर शिरानी की मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, बाजी वाह क्या मजा आ जाएगा। बिल्कुल उसकी वो आप सुनाइए, इतना लंबा देंगे। हाँ देखिए शेरों को आप जरा तमीज से पढ़िएगा, क्योंकि आपने उसकी बहुत शुरू में उसके शेर वो मैंने देख लिया। जी हाँ जबरदस्त हो गया। यहाँ से कुछ नीचे से मैसेजेस ले लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था पहले वाला, तो शुएब भाई हमारे साथ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौबी भाई आज कॉलेज हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जरूर हाजिर होऊंगा, दुआ में याद रखिएगा प्लीज। जी जरूर, आप भी दुआ में भी याद रखें और मैसेजेस में भी याद रखें। मुझे मैसेज करें, आपसे आगे बात करनी थी हमने लेकिन आपने मैसेज नहीं किया, तो जरूर कीजिएगा। हसन भाई कह रहे हैं कि बनाता है मुँह तलखी मैं से जाहिद, अरे वाह, बनाता है मुंह तलखी मैं से जाहिद, तुझे बागे रिजवा से कोसर मंगा दे। वाजी वाह बहुत क्या कहने, जिस तरह पाकिस्तान में कहते हैं ना कि देसी नहीं पी जाती वलायती मंगवा दे। बनाता है मुंह तलखी मैं से जाहिद, तुझे बागे रिजवा से कोसर मंगा दे। आप लोग सब कहेंगे कि किस किस्म के एक्सपीरियंस है इस बंदे के। किन करे, मैं यही कहने वाली थी, मैंने हाथ नहीं पहुंचा। चलो मैंने खुद एडमिट कर लिया। शेर भाई कह रहे हैं कि अदब से सबको सलाम, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ का आप सब हिस्सा है इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत प्यारे भाई आप। हसन भाई कह रहे हैं ये बेदर्दियां कब तक ए दर्द गुरबत, बुतों को फिर अर्ज़े हरम में बसा दें, वो सरमस्तियां बख्श ए रश्के शीरी के खुसरू को ख्वाब अदम से जगा दें। वाह जी वाह, के खुसरो को ख्वाब अदम से जगा दें, क्या कहने, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत, मजा आ गया जी। तो यहाँ पे आपको मैं एक थोड़ी सी लंबी बहर की एक है, बर्दाश्त कीजिएगा, कशरानी की। हाँ बड़ी खूबसूरत सी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, बड़ी खूबसूरत सी गजल है। अगर वो अपने हसीन चेहरे को भूल कर बेनकाब कर दे, वाह, अगर वो अपने हसीन चेहरे को भूल कर बेनकाब कर दे। ये आप संदीप से कह रहे हैं, डीपी देखी, ये जी आम है जो मर्जी ले। अच्छा। सबके लिए है। अगर वो अपने हसीन चेहरे को भूल कर बेनकाब कर दे, तो जर्रे को महताब और महताब को आफ्ताब कर दे। आफ्ताब कर दे, रेवोल्यूशन देखिए, इर्तका देखें। अगर वो अपने हसीन चेहरे को भूल कर बेनकाब कर दे, तो जर्रे को महताब और महताब को आफ्ताब कर दे, और तेरी मोहब्बत की वादियों में मेरी जवानी से दूर क्या है। तेरी मोहब्बत तरह देखिएगा आबिद भाई, तेरी मोहब्बत की वादियों में मेरी जवानी से दूर क्या है, जो सादा पानी कोई नशीली नजर में रंगी शराब कर दे। अल्लाह बहुत तेरी मोहब्बत की वादियों में मेरी जवानी से दूर क्या है, जो सादा पानी कोई नशीली नजर में रंगे शराब कर दे। क्या बैलेंस किया है, बहुत हरी में इशरत में सोने वाले शमी में गैसू की मस्तियों से, देखिएगा हरी में इशरत में सोने वाले शमी में गैसू की मस्तियों से, मेरी जवानी की सादा रातों को अब तो सरशारे ख्वाब कर दे। मेरी जवानी की सादा रातों को अब तो सरशारे ख्वाब कर दे, और मजे वो पाए हैं आरजू में कि दिल की ये आरजू है यारब, मजे वो पाए हैं आरजू में कि दिल की ये आरजू है यारब, तमाम दुनिया की आरजूएं मेरे लिए इंतखाब कर दे। वाह वाह, और क्या कहते क्या कहने हैं जी, कि नजर ना आने पे है ये हालत, कि जंग है शेख बरहमन में, जरा देखिएगा इसमें तसव्वुफ मुलाहिज़ा कीजिएगा, कि नजर ना आने पे है ये हालत, कि जंग है शेख बरहमन में, अभी तो नजर भी नहीं आता खुदा, और ये हालत है कि जंग है शेख बरहमन में,
खबर नहीं क्या से क्या हो दुनिया जो खुद को वो बेनकाब कर दे। दे। वाह भाई वाह, बहुत खूब बहुत खूब, नजर जबरदस्त, मतलब मुलाहिजा कीजिए गालिब के लेवल का तसव्वुर, माशाल्लाह माशाल्लाह कि नजर ना माशाल्लाह, आने पे है ये हालत कि जंग है शेख बरहमन में, खबर नहीं क्या से क्या हो दुनिया जो खुद को वो बेनकाब कर बेनकाब दे। कर ले, बहुत खूब बहुत। और जरा अगला लेवल देखिएगा तसव्वुर का, कि मेरे गुनाहों की शोरिशें इसलिए ज्यादा रही हैं या रब, मेरे गुनाहों की शोरिशें इसलिए ज्यादा रही हैं या रब, कि इनकी गुस्ताखियों से तू अपने उफ़ को बेहिसाब कर दे, कि इनकी गुस्ताखियों से तू अपने उफ़ को बेहिसाब कर दे। ज्यादा गुनाह इसलिए कर रहा हूँ कि तेरा गुनाह भी, तेरा जो उफ़ है वो भी बेहिसाब हो जाए, बेहिसाब। और खुदा ना लाए वो दिन की तेरी सुनहरी नींदों में फर्क आए, खुदा ना लाए वो दिन के तेरी सुनहरी नींदों में फर्क आए, मुझे तो यूं अपने हिजर में उम्र भर को बेजार ख्वाब कर दे, मुझे तो यूं अपने हिजर में उम्र भर को बेजार ख्वाब कर दे। और मैं जानो दिल से तसव्वुर हुस्ने दोस्त की मस्तियों के कुर्बान, मैं जानो दिल से तसव्वुर हुस्ने दोस्त की मस्तियों के कुर्बान, जो एक नजर में किसी की बेकैफ आंसुओं को शाब कर दे। और आखिरी शेर है कि रूसे फितरत का एक खोया हुआ तबस्सुम है जिसको अख्तर, रूसे फितरत का एक खोया हुआ तबस्सुम है जिसको अख्तर, कहीं वो चाहे शराब कर दे कहीं वो चाहे शबाब कर दे। वाह ये क्या बात है, बहुत। अगर वो अपने हसीन चेहरे को भूल कर बेनकाब कर दे तो जर्रे को महताब और महताब को आफताब कर दे। बहुत। और नजर ना आने पे है ये हालत कि जंग है शेख बरहमन में, खबर नहीं क्या से क्या हो दुनिया जो खुद को वो बेनकाब कर दे। बेनकाब कर दे, बहुत आला बहुत आला, बहुत ही खूबसूरत था कलाम बहुत खूबसूरत शानी का। तो चलते हैं आपसे कुछ सुनते हैं और फिर थोड़े से मैसेजेस नीचे से भी ले लेंगे। मैसेज देखना कि मैं शामिल गुफ्तगू होता हूँ। शिव भाई कह रहे हैं कि अदब से सबको सलाम दुआ, मेरी याद रखिएगा अच्छा, मेरी दुआ। हाँ तो वही है। अच्छा ये तो हमने अभी पढ़ा है कि ये बेदर्दियाँ कब तक है दर्द गुरबत पतों को, फिर ये तो हमने पढ़ लिया था। और आबिद भाई अल्लाह अकबर ऐसा करें वो बुला भी सकता है, ये किस जवाब में मुझे शायद जन में नहीं है, नहीं मेरे भी ध्यान में नहीं। ये किसी लाइन पे आया, आबिद भाई ने अल्लाह अकबर बोला था तो वो उस पे कह रहे हैं हसन भाई। अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। और हसन भाई कह रहे हैं कि यारो कुए यार की बातें करें फिर गुलो गुलजार की बातें करें, चांदनी में ऐ दिल एक एक फूल से अपने गुले रुखसार की बातें करें। वाह जी वाह, तो ज़ौक़े शायरी हमारे साथ है। अस्सलामु अलैकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपनी प्यारी सी महफिल में। हसन भाई कह रहे हैं कि उनको उल्फत ही सही अग्यार से हमसे क्यों अग्यार की, उनको उल्फत ही सही अग्यार से हमसे क्यों अग्यार की बातें करें, अख्तर इस रंगी अदा से रात भर ताले बेदार की बातें करें। वाजी वाह वाह वाह, बहुत खूब, मजा आ गया जी, जबरदस्त जबरदस्त। और हमारे साथ हम कुजिन भी शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम कह रही है, क्या हाल है सबके? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसी हैं? और देसी होम एक्सपर्ट भी हमारे साथ आ चुके हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव स्ट्रीम को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे लिए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना अगर आप चाहें तो ज़रूर करें। अख्तर शिरानी को लेकर चल रहे हैं हम, और बड़ी खूबसूरत सी शायरी जो है वो सुन रहे हैं। हुमा सिस्टर भी हमारे साथ थी, वो भी थोड़ी देर के लिए गई हैं, फिर इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। और आबिद भाई हमारे साथ हैं, उम्मीद है सुबह हमारे साथ हैं, और हमारे साथ और भी बहुत सारे दोस्त हैं, चैट बॉक्स में मौजूद है। अली सरमद भाई भी थोड़ी देर के लिए आए थे, शायद अभी भी हमारे साथ हों, और आप भी हमारे साथ हैं तो मैसेज करिए ताकि हमें आपकी मौजूदगी का एहसास रहे। तो अख्तर शेरानी के बड़े प्यारे प्यारे से नज़में, बच्चों की नज़में, हर चीज़ हमने सुनी, नज़में सुनी, वज़नें सुनी, गाने सुने। तो अब चलते हैं आबिद भाई की तरफ, उनसे कुछ सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहित भाई। तमन्नाओं को जिंदा, तमन्नाओं को जिंदा, आरजुओं को जमा कर लूं। वाजिबा, तमन्नाओं को जिंदा, आरजुओं को जमा कर लूं, ये शर्मीली नजर कहते तो कुछ गुस्ताखियां कर लूं। वाजिबा, क्या कहने, क्या ये शर्मीली नजर कहते तो कुछ गुस्ताखियां कर लूं। बहार आई है बुलबुल, दर्द दिल कहती है फूलों से, बहार आई है बुलबुल,
दर्द दिल कहती है फूलों से, कहो तो मैं भी अपना दर्द दिल तुमसे बयां कर लूं। वाह जी वाह, क्या कहने हैं, बहुत खूब। नाहिद आप ही सुनिएगा, जरा गौर फरमाइएगा, और आप भी कुछ हिम्मत पकड़े, ऊपर आइए, कुछ सुनाइए। माशाल्लाह हमें कभी कभी सुनाती हैं ये। जी जरूर। हजारों शोक अरमां, हजारों शोक अरमां ले रहे हैं चुटकियां दिल में। वाह। हजारों शोक अरमां ले रहे हैं चुटकियां दिल में, हया उनकी इजाजत दे, हया उनकी इजाजत दे तो कुछ बेबाकियां कर लो। क्या कहने हैं, वाह। देखिए जरा माशाल्लाह, क्या बेबाकियां है, क्या हर चीज इजाजत लेके, बिल्कुल ये तो मानना पड़ेगा। कोई सूरत हो तो, कोई सूरत तो हो दुनियाए फानी में बहलने की, कोई सूरत तो हो दुनियाए फानी में बहलने की। ठहर जा ए जवानी, ठहर जा ए जवानी, माँ तमें उम्रे रवा कर लो। अरे वाह, क्या खूबसूरत मिसरा है। कोई सूरत तो हो दुनियाए फानी में बहलने की, ठहर जा ए जवानी, माँ तमें उम्रे रवा कर लो। वाह वाह, क्या खूबसूरत शेर है। वाह। चमन में है बहम, चमन में है बहम परवान आए शमा ओ गुलो बुलबुल, चमन में है बहम परवान आओ शमा शमा ओ गुल बुलबुल गुलो बुलबुल, इजाजत हो तो मैं भी हाले दिल अपना बयां कर लूं। ये तो हमारी लाइव स्ट्रीम का हो गया। चमन में है बहम परवान आओ शमा गुलो बुलबुल, इजाजत हो तो मैं भी हाले दिल अपना बयां कर लूं। इस जैसे हाले दिल बयान करने जी ऊपर आ जाए, जरूर अपना हाल दिल बयान करें। बिल्कुल फौजिया कमल हमारे साथ है, उनको भी वेलकम कर लेते हैं, सिर्फ मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करी दी गैर इरादी तौर पे, तो आप कंटिन्यू करें। लेकिन फौजिया कमल हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम है फौजिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। किसे मालूम किस वक्त किस पर गिर पड़े बिजली, किसे मालूम कब किस वक्त किस पर गिर पड़े बिजली, अभी से मैं चमन में चलकर आबाद आशियां कर लूं। वाह, क्या खूबसूरत शेर, क्या कहने। किसे मालूम कब किस वक्त किस पर गिर पड़े बिजली, अभी से मैं चमन में चलकर आबाद आशियां कर लूं। मुझे दोनों जहां में एक वो मिल जाए गर अख्तर, मुझे दोनों जहां में एक वो मिल जाए गर अख्तर, तो अपनी हसरतों को बेनियाजी दो जहां कर लूं। वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं, क्या प्यारा शेर है जी। बेशक तमन्नाओं को जिंदा, आरजुओं को जवां कर लूं, ये शर्मीली नजर कह दे तो कुछ गुस्ताखियां कर लूं। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलाम, मजा आ गया जी, बहुत शुक्रिया। चमन में है बहम परवानो शमो गुलो बुलबुल, इजाजत हो तो मैं भी हाले दिल अपना बयां कर लूं। बहुत मजा आ गया। तो इतने इस खूबसूरत कलाम के साथ कुछ मैसेजेस नीचे से लेते हैं और फिर चलते हैं चैट बॉक्स से कुछ मैसेजेस लेके, फिर उम्मीद है सुबह की तरफ चलते हैं। फौजिया कमल करिए, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत एहतराम से मेरी बहुत सी दुआएं जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो लाइव स्ट्रीम को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, हो सकता है कि उनमें से भी कुछ जो हों शेर व शायरी का शौक रखते हैं और उन्हें हमारी महफिल जो है वो पसंद आए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप कर सकें अपने सोशल मीडिया जो आपकी प्रेजेंस है उसके ऊपर, अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें, और ये महफिल जो है ख़त्म होने के बाद भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उर्दू की जो मोहब्बत है वो हम लोगों के दिलों में जगाते रहें। ज़ौक़ शायरी हमारे साथ कह रहे हैं, क्या बात है वाह वाह जी, बहुत ज़बरदस्त, आबिद भाई इतनी खूबसूरत शायरी हमें सुना रहे थे। हसन भाई कह रहे हैं कि इस बज़्म में जाएँ तो ये कहती हैं अदाएँ, क्यों आए हो क्या सर पे कज़ा खेल रही है। अरे वाह, क्या खूबसूरत शेर है। कह रहे हैं, जिसको जानो दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों। इस चश्मे सयाह मस्त पे गैसू है परेशान, मैं खाने पे घंघूर घटा खेल रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा शेर जी हसन भाई, मजा आ गया, जबरदस्त। और हाल दिल अपना सुना दो वाह जी, बहुत जबरदस्त, ज़ौक़ शायरी को बहुत पसंद आया। और हमारे साथ आप अगर ऊपर आना चाहें और अपना हाल दिल भी यहाँ पे बयान करना चाहें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए और हमारी जो महफिल को चार चांद लगाएं। हमारे पास यहाँ पे 10 लोगों की गुंजाइश होती है, हम सिर्फ इस वक्त 3 बैठे हुए हैं। अगर हम अख्तर शिरानी साहब को मिला लें तो 4 हो जाते हैं, लेकिन फिर भी 3 ही है, क्योंकि उनको हमने सीट नहीं दी, उनको हमने पीछे दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। बहुत ही प्यारे हमारे शायर हैं अख्तर शिरानी जी, और उनकी खूबसूरत शायरी है, बहुत हमा जहद शायर है, बहुत ही प्यारे शायर हैं,
45 साल उनकी उम्र थी जब उनकी वफात हुई, लेकिन अपनी इस छोटी सी उम्र में वो बहुत कुछ कह गए और बहुत प्यारे मजामीन बयान कर गए। तो आज हम उन्हीं का अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं और चलते हैं उम्मीद सुबह की तरफ और उनसे कुछ सुन लेते हैं। जी मैं सुनाती हूँ और फिर इसके बाद मैं इजाज़त चाहूंगी क्योंकि 9 बजने वाले बज गए हैं जी जी मेरे। जी तो जरूर। मेरे पहलू में जो बह निकले तुम्हारे आंसू, वाह, मेरे पहलू में जो बह निकले तुम्हारे आंसू, सुनाई तो नहीं है पहले किसी ने? नहीं नहीं आप सुनाइए। ठीक है। मेरे पहलू में जो बह निकले तुम्हारे आंसू, बन गए शामे मोहब्बत के सितारे आंसू। वाह बहुत खूबसूरत, क्या कहने। देख सकता है भला कौन ये प्यारे आंसू, मेरी आंखों में ना आ जाएं तुम्हारे आंसू। शम्मा का अक्स झलकता है जो हर आंसू में, बन गए भीगी हुई रात के तारे आंसू। वाह जी वाह बहुत खूब। मीकी बूंदों की तरह हो गए सस्ते क्यों आज, मोतियों से कहीं महंगे थे तुम्हारे आंसू। वाह। साफ इकरारे मोहब्बत हो जुबान से क्यों कर, साफ इकरारे मोहब्बत हो जुबान से क्यों कर, आंख में आ गए यूं शर्म के मारे आंसू। बहुत खूब बहुत खूब। हिजर अभी दूर है मैं पास हूँ ऐ जाने वफा, हिजर अभी दूर है मैं पास हूँ ऐ जाने वफा, क्यों हुए जाते हैं बेचैन तुम्हारे आंसू। हिजर अभी दूर है मैं पास हूँ ऐ जाने वफा, क्यों हुए जाते हैं बेचैन तुम्हारे आंसू। सुबह दम देख ना ले कोई ये भीगा आंचल, मेरी चुगली कहीं खाना दें तुम्हारे आंसू। वाह बहुत बहुत ही खूब जबरदस्त। अपने दामनों गिरेबां को मैं क्यों पेश कर दूं, है मेरे इश्क का इनाम तुम्हारे आंसू। अरे वाह बहुत खूब। दमे रुखसत है करीब ए गमे फुरकत खुश हो, दमे रुखसत है करीब ए गमे फुरकत खुश हो, करने वाले हैं जुदाई के इशारे आंसू। वाजी वाह वाजी वाह जबरदस्त। सदके इस जाने मोहब्बत के मैं अख्तर जिसके, सदके इस जाने मोहब्बत के मैं अख्तर जिसके, रात भर बहते रहे शोक के मारे आंसू। वाह बहुत जबरदस्त। मेरे पहलू में जो बह निकले तुम्हारे आंसू, बन गए शामे मोहब्बत के सितारे आंसू। बहुत खूब बहुत खूब बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया जी। मुझे सुबह बहुत प्यारी शायरी आपने सुनाई और बस आप जो हैं हमारे हमारे साथ रही, बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया चैट बॉक्स से भी और यहाँ पर भी। जी चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं भी जाना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ सब जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे और खुशियाँ बांटेंगे। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, हमारे सिस्टर हमारे साथ आ चुकी हैं वापस, आपको वेलकम बैक, खुश आमदीद कहते हैं दोबारा। ये जी यहाँ से चली गई हमारी सिस्टर, सुन नहीं आप सुनाइए कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा जी जी, आप मैसेज ले लें मोबी भाई जी, कुछ मैसेजेस यहाँ से ले लेते हैं जरा। ये तो हमने पढ़ लिया था, फजल सिस्टर के पढ़ लिया था। और हसन भाई कह रहे हैं कि इस महजबी से आज, उस महजबी से आज मुलाकात हो गई है, उस महजबी से आज मुलाकात हो गई, बेदर्द आसमां पे ये क्या बात हो गई, बेदर्द आसमान ये क्या बात हो गई। अच्छा थोड़ा मुश्किल हो रहा पढ़ना। उस महजबी से आज मुलाकात हो गई, बेदर्द आसमान ये क्या बात हो गई, आवारगान इश्क का मस्कन न पूछिए, पढ़ रहते हैं वहीं पे जहां रात हो गई। बहुत खूब जबरदस्त। और सोजे कमल कह रही है कि कोई हमदर्द जमाने में ना पाया अख्तर, दिल को हसरत ही रही कोई हमारा होता। वाह जी वाह मजा आ गया, जबरदस्त जबरदस्त क्या बात है। और फौजिया कमल कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम देसी आपा हुमा से साबित भाई मौलवी भाई उम्मीद है बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वाह हुमा सिस्टर, और ये थोड़ा पहले का मैसेज था जब आप सुना रही थी शायद। और हसन भाई कह रहे हैं कि झूला झुलाएं चल के हसीनों को बाग में, झूला झुलाएं चल के हसीनों को बाग में, गुजरात में सुना है कि बरसात हो गई। वाह जी वाह बहुत खूब। क्या फायदा बख्तर अगर पारसा बने, जब उम्र सिर्फ सारी उम्र नजरे खराबात हो गई। वाह जी वाह क्या कहने। वाह जी वाह भाई, वैसे बरसात कराची में भी हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर खैरियत का अबर और बरसात लेकर आए। बेशक आमीन। बिल्कुल बिल्कुल जी। और उम्मीद सुबह को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं सर जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा हो गया। और हुमा सिस्टर आप आई हैं तो आपसे कुछ सुन लेते हैं और जी उसके बाद बिल्कुल फिर जो है अपना जी जी बाकी। फाजिया सिस्टर, अगर सहूलत हो तो प्लीज ऊपर आइए। माशाल्लाह आप भी पोइट्री में बहुत अच्छा जौक रखती हैं, तो जी हमें कहीं बिल्कुल, जी बिल्कुल, बड़ा मजा आएगा। और मैं भी सहूलत। अगर, हाँ जी, बहुत मजा आता है और इसमें कोई मसला नहीं है। देखें, ये बहुत सारे दोस्त हैं वो इस वजह से नहीं आते कि कहीं वो कुछ गलत ना पढ़ दें या कोई कुछ, उनका इनिशियल कुछ थोड़ा सा होता होगा, थोड़ा सा स्टेज फ्राइट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नो जजमेंट है यहाँ पे। और हम जो है, हम खुद गलत गलत पढ़ते हैं, आपने मुझे बिल्कुल देखा होगा बेशक कितना गलत गलत पढ़ बेशक, रहा था। हम बिल्कुल बेशक, और कोई उसमें हमें शर्म नहीं है, कोई कोई ठीक कर दे तो मैं खुद भी कभी कभी जहन में आता है तो खुद ठीक मैं कर तो खुद लेता गलत गा जाती हूँ। हूँ। हाँ, और कई कई दफा एक एक मिसरे को चार चार दफा सही करके मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें तो वो तो नहीं, हमारे आपकी तो खैर बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। हमें भी कुछ नहीं आता है जो है, तो हम सब एक सीख ही ही रहे कश्ती के मुसाफिर हैं। और वो बेशक। कश्ती जो है वो उर्दू की कश्ती है, तो बस उसमें आप भी, अगर आपको भी उर्दू से प्यार है, बस ये शर्त है कि आप जो है उर्दू से जो है वो प्यार रखते हो। नजर आ रहा है आप सब माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं जो बैठे हैं, बेशक क्योंकि जो कोई भी अगर जो उर्दू से जिसको इस कदर प्यार ना हो वो यहाँ पे ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, और जो भी आना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो लेकर तो ऊपर आ जाइए। जी जी आगे जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जी हुमा अच्छा, सिस्टर, मैं तो ये क्यूज सिस्टर के लिए रखी थी आज सुनाने के लिए, अब वो तो है ही नहीं, नहीं वो सुन तो रही है, वो थकी हुई है, सुन अच्छा रही वो है। थकी हुई है तो सुन लें जी। बचपन के दिन मुझको यकीन है, सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। मुझको यकीन है, सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती थीं। वाह एक ये दिन जब अपनों ने भी नाम से रिश्ता हम एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। एक ये दिन जब अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। एक वो दिन जब पेड़ की शाखें बोझ हमारा सहती थीं। वाजिब, एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसुओं का। एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थीं। वाह क्या कहने हैं। एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थीं। एक ये दिन जब सारी सड़कें रूठी रूठी लगती हैं। एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थीं। एक वो दिन जब आओ खेलें सारी गलियां कहती थीं। बहुत खूब, एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं। एक ये दिन जब जागी रातें दीवारों को तकती हैं। एक वो दिन जब शाखों की भी पलकें बोझल रहती थीं। वाह वाह बहुत खूब, एक ये दिन जब जहन में सारी अय्यारी की बातें हैं। एक ये दिन जब जहन में सारी अय्यारी की बातें हैं। एक वो दिन जब दिल में सारी भूली बातें रहती थी, भोली बातें रहती थी। एक वाह वो जी दिन जब दिल में सारी भोली बातें रहती थी। बातें रहती। एक ये घर जिसमें साजो समा रहता है। एक ये घर जिसमें साजो समा रहता है। एक वो घर जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। एक वो घर वाह जिसमें मेरी बूढ़ी नानी रहती थी। मुझको यकीन है, क्या सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी। जब मेरे बचपन के दिन थे, चांद में परियां रहती परियां थी। रहती थी। वाह जी वाह, मजा आ गया। बस जी, क्या दिन थे। अच्छा, क्यों सिस्टर हैं, शुक्रिया जी, रेस्ट करें आप। बिल्कुल, आपने उनके सर दर्द और बढ़ा दिए बचपन याद दिला के। और मैं ये कहूंगा मोहित भाई कि अगर इंसान की एज कुछ भी हो जाए, बचपन अगर उसमें रहे तो वो हमेशा मासूम रहता है, सादा बिल्कुल रहता है। बिल्कुल, और अल्लाह ताला हम सब में एक मासूम बच्चे को जिंदा सलामत रखे। आमीन आमीन। बिल्कुल ये आपने क्या साथ मतलब उदासी का मौसम छा दिया है। जी साकी भाई, आप कुछ आप सुनाइए जरा, कुछ आपकी सलमा की बात हो आपकी जाए, कुछ रेहाना की हाँ, बात हो सलमा की तो जाए, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। सलमा की तो बातें मैंने निकाल निकाल के साइड पे कर दी हैं कि बहुत ज्यादा ना हो जाए, फिर बस सिर्फ हुमा सिस्टर की पास जो नहीं फोन ही है। बजता नहीं, रहेगा। चार दोस्त मौवी हैं, भाई, चार यहीं मौवी पे हैं। मौवी भाई बात सुनिए, जी अख्तर शीरानी की सलमा को निकालिए, कहीं अगर गलती से अपनी सलमा निकाल ली तो बड़ा मसला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पर मैं एक ढूंढ रहा था कुछ खूबसूरत गजल थी, खैर वो तो कहीं इधर उधर हो गई, लेकिन आप कुछ सुनाइए तो फिर आगे चलते हैं, फिर हम नहीं सलमा कुछ सलमा आप करेंगे। सुनाइए फिर मैं सुनाता हूँ। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं आपको यहाँ मैंने रखा था एक जी, तो ये नज़म है, उसका उनवान है वक्त की कदर। अब इसमें बहुत सारा सलमा सलमा है तो आप बर्दाश्त कीजिएगा, तो काफी लंबी सी है वैसे, तो चले।
थोड़े से सुनाता हूँ, चंद बंद सुनाता हूँ, फिर देखते हैं आगे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उनवान उसका है, पहला जो हिस्सा उसका उनवान है दावत। कहते हैं बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा, चमन की गोद में आकर समा भी जा सलमा, कली कली में बहारें बसा भी जा सलमा, मुझे जुनू का सबक फिर पढ़ा भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। मिलेंगे हश्र में मत कह ये बार बार मुझे, वो कैसे हश्र के वादे पे एतबार मुझे, खुदा के दिल पे नहीं कोई इख्तियार मुझे, खुदा को मान यही हश्र उठा भी जा सलमा, बाहर बीतने वाली है आबी जा सलमा। जब आबिद भाई आपकी स्पेशल फरमाइश पे सलमा आई है। जी जी निशाते उम्र को उम्मीद पर निसार न कर, निशाते उम्र को उम्मीद पर निसार न कर, विसाले सुबह कयामत का इंतजार न कर, रियाज़े खुल्द की बातों का एतबार न कर, फरेब वादा फरदा मिटा भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। आबी जा सलमा, क्या बात है जी। इसे खबर है कयामत में हम मिले ना मिले। अब देखे जरा, मतलब क्या कहते हैं, जाल कैसे फेंके जा रहे हैं। किसे खबर है कयामत में हम मिले ना मिले, फजाए रोजाए जन्नत में हम मिले ना मिले, कशाकशे अबदियत में हम मिले ना मिले, कशाकशे अबदियत भुला भी जा सलमा, वाह बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। और गवाना सोग में अपने शबाब की रातें, नजर ना आएंगी फिर महताब की रातें, ये खतों का हुजूम और ये ख्वाब की रातें, फजा में ख्वाब हसीन बन के छा भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। आबी जा सलमा, खबर ले जल्द के उम्रे अजीज फानी है, सराय दहर की हर चीज आनी जानी है, बरंगे अब्रे रवां फसले नौजवानी है, छलकने वाला है सागर पिला भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। किसे खबर ये घटाएं रहें रहें ना रहें, ये निखतें ये हवाएं रहें रहें ना रहें, ये मस्तियां ये फजाएं रहें रहें ना रहें, शराब वसल का सागर पिला भी जा सलमा, बहार बीतने वाली है आबी जा सलमा। आपको उसका जिस जो है वो मिल गया। तो अभी इतना ही, अभी इतना ही। तो आपसे कुछ सुनते हैं या नीचे से मैसेजेस, आज आंखें बंद करके सुन रही हूँ मैं, सिर्फ मगर साथ ही हूँ जी। और मोबी भाई वाह, सलमा सलमा जी, लगता है सलमा धराधर को ज्यादातर मेके में रहती थी जी। चले जी, जबरदस्त हो गया। कोई ना, थोड़ा थोड़ी देर बाद ना इस तरह का कुछ पढ़ देना चाहिए ताकि सारे सोए हुए लोग वो जाग जाए। आज तो मेरी सारी दोस्तों को हिचकी आ रही है विवाह जमाने से। नहीं वाकई मोहित भाई, मैंने लास्ट नेम से उनके नाम सेव किए हुए हैं ना फोन में, क्योंकि वो इतनी सारी सलमा हो गई। चले जी, चलिए अपनी दोस्त को आप ये कह दीजिएगा, तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता, वाह तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता, तरके दुनिया का ये दावा है फजूल ए जाहिद, तरके दुनिया का ये दावा है फजूल ए जाहिद, बार हस्ती तो जरा सर से उतारा होता। वाह जी वाह जी, बहुत खूब। बार हस्ती तो जरा सर से उतारा होता, वो अगर आ न सके, वो अगर आ न सके मौत ही आई होती, वो अगर आ न सके मौत ही आई होती, हिजर में कोई तो गमखार हमारा होता। वाह क्या कहने हैं, बहुत जबरदस्त। हिजर में कोई तो गमखार हमारा होता, हमारा होता। जिंदगी कितनी मुसर्रत से गुजरती यारब, जिंदगी कितनी मुसर्रत से गुजरती यारब, ऐश की तरह अगर गम भी गवारा होता। वाह क्या कहने हैं, मुकर्रर खूबसूरती सच्चाई है, ऐश की तरह अगर गम भी गवारा होता, अजमते गरिया को कोताह नजर क्या समझे, अजमते गरिया को कोताह नजर क्या समझे, अश्क अगर अश्क ना होता तो सितारा होता। वाह अजमत गरिया, क्या ही क्या ही क्या ही खूबसूरत तरकीब, बहुत खूबसूरत बात कही। अजमत गरिया को कोता नजर क्या समझे, अश्क अगर अश्क ना होता तो सितारा होता, लबे जाहिद पे है अफसाने हूरे जन्नत, लबे जाहिद पे है अफसाने हूरो जन्नत, या हूरे जन्नत है, लबे जाहिद पे है अफसाने हूरे जन्नत, काश इस वक्त
मेरा अंजुमन आरा होता, जी भाई, क्या कहने, काश इस वक्त मेरा अंजुमन आ रहा होता, आरा गायब को भी होता, उसके भी होश ठिकाने आ जाते। नहीं बेशक। गमे उल्फत जो न मिलता, गमे उल्फत जो न मिलता, गमे हस्ती मिलता। गौर फरमाइएगा मोमिन भाई, गमे बाजी उल्फत जो न मिलता, गमे हस्ती मिलता, किसी सूरत तो जमाने में गुजारा होता। वाह जी वाह, क्या वाह जी बात वाह, क्या है, कहने, किसी किसी सूरत सूरत तो जमाने में तो जमाने गुजारा होता। किसको फुर्सत थी जमाने के सितम सहने की, किसको फुर्सत थी जमाने के सितम सहने में की, गरना इस शोख की आंखों में इशारा होता। क्या गुजारा खूबसूरत है कि एक इशारे पे दुनिया सितम सह गए। गरना होता। इस वाह शोख की आंखों में आंखों का इशारा होता। कोई हमदर्द जमाने में न पाया अख्तर, कोई हमदर्द जमाने में न पाया अख्तर, दिल को हसरत ही रही कोई कोई हमारा हमारा होता। होता, वाह जी वाह, वाह क्या वाह कहने, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त आवेश भाई। तर के दुनिया का ये दावा है फजूल ए जाहिद, बारे हस्ती तो जरा सर से उतारा होता। बहुत शुक्रिया वाह जी। जबरदस्त जबरदस्त बारे जी, हस्ती तो कभी सर से उतारा होता, क्या कहने, वाह जी वाह, मजा आ गया जी, जबरदस्त। और फौजे कमल कह रही है वाह अबिद भाई माशाल्लाह, और क्यूज बेसी कह रही वाह क्या बात है। तो चलते हैं हम असिस्टर आपकी तरफ, आपसे जी कुछ जी सुनते हैं। जी बस जी, मैं वही सुना देती हूँ, आबिद भाई डांटिएगा नहीं बाद में। जी जी इरशाद। आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, तू ही बता दे नाज़ से ईमाने आरज़ू, ईमाने आरज़ू। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, ईमान और जाने सार तेरी एक निगाह पर, ईमान और जाने सार तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरज़ू है तू ही ईमाने आरज़ू, ईमाने आरज़ू। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, इक वो के आरज़ूओं पे जीते हैं उम्र भर, इक वो के आरज़ूओं पे जी ते हैं उम्र भर, एक हम के हैं अभी से पशे माने आरज़ू, पशे माने आरज़ू, एक हम के हैं अभी से पशे माने आरज़ू, पशे माने आरज़ू। मैं आरज़ूए जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू, आँखों से जो खून है रवा, दिल है दागदार, आँखों से जो खून है रवा, दिल है दागदार, देखे कोई बहार गुले स्ताने आरज़ू, गुले स्ताने आरज़ू, देखे कोई बहार गुले स्ताने आरज़ू, गुले स्ताने आरज़ू, ईमानो जाने सार तेरी एक निगाह पर, तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरज़ू है
तुही माने आरजू, तू ही माने आरजू, मैं आरजू ए जान लिखूं या जाने आरजू, या जाने आरजू। बहुत वाह, माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत तरीके से पढ़ा। हर एक को बहुत पसंद शुक्रिया आया। वाह जी वाह, मैं शुक्रिया आरजू ये जान शुक्रिया। लिखूं या जाने आरजू, तू ही बता दे नाज से ईमाने आरजू। बहुत ही जबरदस्त मजा आ गया। शुक्रिया जी शुक्रिया। क्यों सिस्टर कह रही है वाह जी हमारे सिस्टर, सर का दर्द गायब हो गया उनका, वो वापिस आ खुश रहें जी, चुके हैं। खुश रहें, सचिन आप बहाद रहें जी। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं, सर का दर्द हो भी रहा हो तो इतना प्यारा सुन के, इतने अंदाज से, इतनी प्यारी आवाज में, माशाल्लाह जी मजा आ गया। शुक्रिया मोमी भाई शुक्रिया। फौजिया कवल कह रही है वाह हुमा बहन बाजी, बहुत सब आप खामखा ही पढ़ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत खूबसूरत। और शुक्रिया अमित भाई, सालों बाद तो सुन लो, जी हाँ मूवी जी, भाई की मेहरबानी है, क्या क्या हमने मूवी भी सालों बाद जी सुना। मेहरबानी आपकी, आप लोग आ जाते हैं तो महफिल हो जाती है, वरना मैं नहीं अकेला मूवी बैठ भाई, के अभी तक मेहरबानी उनके की सलमा बात नहीं है, सलमा कर रहा होता हूँ बस अभी नहीं नहीं तक। जी, बस ये तो सब चीजें मिलके ही होती हैं, बस दुआओं जी में याद बिल्कुल जी रखें एक बिल्कुल, दूसरों इट्स अ को, टीम वर्क। सेहत वाली जिंदगी दे हमें, तंदुरुस्ती वाली बिल्कुल और खुशियों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ये बहुत बड़ी नेमत है जी। आमीन आमीन आमीन, बिल्कुल जी। तो अभी आगे चलते हैं यहाँ से, मैसेजेस और शेयर तो अभी कोई नहीं है, लेकिन अभी भाई आपकी बारी थी मेरी। अच्छा, नहीं आपकी बारी है, हुमा के बाद आपकी आती है, फिर मेरी, फिर हुमा तो की। आपको एक यहाँ पे अगर आप कहते हैं तो गजल सुना देता हूँ या नज़म सुना देता हूँ। जो दिल चाहे आपका। चलें जी, मैं वो जो यहाँ पे हसन भाई ने शेर पढ़ा था ना गुजरात में बरसात के बारे में, तो इनकी एक नज़म है गुजरात की रात, वो आपके समाप्त जी जी अब नजर बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल आज किस्मत से नजर आई है बरसात की रात, आज किस्मत से नजर आई है बरसात की रात, क्या बिगड़ जाएगा रह जाओ यही रात की रात। आज किस्मत से नजर आई है बरसात की रात, क्या बिगड़ जाएगा रह जाओ यही रात की रात, और उनकी पाबोसी को जाए तो सबा कह देना, उनकी पाबोसी को जाए तो सबा कह देना, आज तक याद है वो आपके गुजरात की रात। और ये मेरा ख्याल है जो सलमा जी है ना, इनका ताल्लुक गुजरात से ही था। तो आज तक याद है वो आपके गुजरात की रात, जिसमें सलमा के तसव्वुर के हैं तारे रोशन, मेरी आंखों है वो आलम जज्बात की रात, और हाय वो मस्त घटा, हाय वो सलमा की अदा, आह वो रूदे चनाब, आह वो गुजरात की रात, और मेरे सीने में इधर जुल्फे मुअत्तर का हुजूम, मेरे सीने में इधर जुल्फे मुअत्तर का हुजूम, आह वो जुल्फ के आवारा खराबात की रात, और सथे दोया पे उधर नशा में लहराई हुई, सथे दोया पे उधर नशा में लहराई हुई, रंग लाई हुई छाई हुई बरसात की रात, उफ वो सोई हुई खोई हुई फितरत की बहार। रशिया देखिएगा कि उफ वो सोई हुई खोई हुई फितरत की बहार, उफ वो महकी हुई बहकी हुई बरसात की रात, और फिर वो अरमान हम आगोशी का जज्बे गुस्ताख, आह वो रात सलमा से मुलाकात की रात, और क्यों ना उन दोनों पे मिटने की हो हसरत अख्तर, उफ वो इस रात की बात, आह वो उस बात की रात। तो इनका जी वो हर नज़म में जो है ना वो सलमा जी तशरीफ ले आती हैं, तो जी ऐसी प्यारी महफिल और ये रोने के महफिल आबाद रहे। आमीन जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया जी। और निखते जुल्फ से नींदों को बसा दे आकर, मेरी जागी हुई रातों को सुला दे आकर, फिक्र फरदा व गमे दोश भुला दे आकर, फिर उसी नाज से दीवाना बना दे आकर। बहुत ही प्यारे शेर जी हसन भाई। और बहुत नकीूज कह रही है कि उनकी सलमा को गूगल करना पड़ेगा। जी उनके पास GPS होता था वो पहुंच जाते, उनकी पूरी एक जो गजल है वो इसी बारे में है कि उनको वो वहां चले तो गए शहर में, लेकिन उनको घर नहीं अल्लाह हो, बड़ी ट्रेजिडी है। मिला।
बिल्कुल अच्छा है मूवी भाई, घर नहीं मिला मोहब्बत कायम रही होती अगर मिल जाता तो फिर झगड़े ही बिल्कुल होते बिल्कुल जी बिल्कुल। जो के शायरी कह रहे हैं, इश्को नगमाए उम्मीद सुना दे आकर, दिल की सोई हुई किस्मत को जगा दे आकर। जी बहुत शुक्रिया जी। और हसन भाई कह रहे हैं कि तेरा रुमान नया ख्वाब है अख्तर के लिए, और उस ख्वाब की ताबीर बता दे आकर। वाह जी वाह, आप और जोकी शायरी दोनों मिलकर जो है वो एक ही जो है गजल हमें सुना रहे हैं। जबरदस्त हो गया जी। यूज बेसिक कुकिंग हमारे साथ है, हसन भाई हमारे साथ हैं, अता भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी व रहमतुल्लाहि व आया, बरकातहू। बहुत देर की मेहरबान आते, कैसे हैं आप? और आप हमारे पास अगर आना चाहें तो जरूर आए, अगर आपके आपके जो वक्त आपको इजाजत देता है। इस वक्त यहाँ पर 12:21 हो चुके हैं, हमारी लाइव स्ट्रीम को 2 घंटे और 21 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ी देर और लेकर चलते हैं इसको। जी जी अगर बिल्कुल इजाजत हो आबिद भाई, तो मैं जरा थोड़ा सा अपनी भारी लंबी खींच लूँ जी और जी एक छोटी बिल्कुल सी गजल बिल्कुल प्यारी सी आपको सुनाता जी हूँ। जी बिल्कुल 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 और साथ में यहाँ पे हमें जो है अताब भाई ने कुछ कुछ मुझे भेजा है, मैं पहले वो पढ़ लूँ, सेंसर कर लूँ, फिर जी जी देखता हूँ। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब क्लास में अख्तर शेरानी की नज़म पढ़ा रहे थे, जिसमें शायर ने कहा था कि उसकी महबूबा की भीगी हुई जुल्फों से टपकने वाले पानी की एक बूंद में इतना नशा है कि अगर कोई इसे पी ले तो जिंदगी भर मदहोश रहे। शागिर्द वाह जी, ने उठकर कहा कि अगर पानी की इन बूंदों के साथ जुएं भी आ गई तो। प्रोफेसर साहब अल्लाह ने जलकर कहा, बात आपकी महबूबा की नहीं, अख्तर शेरानी की महबूबा की हो रही है। वाह जी वाह, चलिए शुक्र है, ये आखिरी जुमला जो है ना, इसके लिए मैंने सारा पढ़ दिया। वाह जी वाह, आता भाई क्या कह रहे हैं, बहुत जबरदस्त जी। वाह जी वाह। और आप आए हमारे साथ भी ता भाई, और कुछ चार भी अगर आप भेजना चाहें तो। ये बड़ी प्यारी सी गजल है, थोड़ा सा सलमा के असर को जाहिर करने के लिए मैंने कहा कि ये सुना दूं आपको। कहते जी, हैं कि मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बहलाना है। मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं, ठहर जा जरा और ए दर्द फरकत, ठहर जा जरा और ए दर्द फरकत, हमारे तसव्वुर में वो आ रहे हैं, हमारे वाह भाई वाह, क्या बात, तसव्वुर में वो आ रहे वो आ हैं, रहे हैं। और गमे आकिबत है न फिक्रे जमाना। जरा देखिएगा शेर, देखिएगा और सादगी देखिएगा कि गमे आकिबत है न फिक्रे जमाना, पिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत सी बात है, गमे छोटी। आकबत है, गमे आक हाँ गमे आकबत है न फिक्रे जमाना, पिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। और नहीं शिकवाए तिश्नगी मैं कशों को, नहीं शिकवाए तिश्नगी मैं कशों को, वो आंखों से मैं खाने बरसा रहे हैं, वाह जी वाह, बहुत खूब, नहीं शिकवाए तिश्नगी मैं कशों को, वो आंखों से मैं खाने बरसा रहे हैं, और वो रश के बहार आने वाला है अख्तर, वर्ष के बहार आने वाला है अख्तर, कंवल हसरतों के खिले जा रहे हैं, खिले जा रहे हैं, मेरी शाम गम को वो बहला रहे हैं, लिखा है ये खत में कि हम आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। गमे आकिबत है न फिक्रे जमाना, पिए जा रहे हैं जिए जा रहे हैं। जी जी, अख्तर शेरानी की बहुत प्यारी सी छोटी सी गजल आपकी समातों जबरदस्त की नजर। यहाँ से मैसेजेस ले लेते हैं और फिर वहां से आपसे कुछ सुन लेते हैं। जी, इंतजार और सबर, सलमा ने ट्रेन पकड़ी बिल्कुल जी बिल्कुल। और हसन भाई कह रहे हैं कि किसकी आंखों के लिए दिल पे असर जाते हैं, मैं कदे हाथ बढ़ाते हैं जिधर जाते हैं, दिल में जी अरमान विसाल आंख में तूफान जमाल, होश बाकी नहीं जाने का मगर जाते हैं। वाह जी वाह, क्या वाह जी वाह, खूबसूरत शहर है जी। जी हम संदीप के लिए एक जी जी अच्छा, भाभी आप वैसे मेरी बारी है, तो अगर आप सुनाना चाहते हैं नहीं 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 आप सॉरी सुनाए, मेरे से मेरी कोई मसला नहीं है, वो तो हम दोनों तो अरे आपस बांट लेंगे। आप सुनाए जो है, संदीप होंगी तो फिर मैं सुनाऊंगी, वरना कि नहीं सुनाऊंगी। अच्छा संदीप, हाँ चलो अभी संदीप को वेट करते हैं, अब संदीप सुनने। है, अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, संदीप आप ऊपर आ जाएं, कोई भी गाना सुना सकती हैं, जरूरी नहीं है कि अब मैं। आखिर के 30 मिनट्स तो हम आपकी के नाम करते हैं, तो आप हाँ आइए। ये 11:30 हो रहे हैं हमारे पास, तो ये 3 आवर्स की सही रहेगी। अच्छा संदीप सुने, इन्हीं के हाथों सड़क पे हम तुम पड़े हुए हैं, इन्हीं के वाह हाथों सड़क पे हम तुम पड़े हुए हैं,
इन्हें बदल दो ये रहनुमा सब सड़े हुए हैं। वाह इन्हें वाह बदल दो ये रहनुमा सब सड़े हुए हैं। हम और दुश्मन वतन के फिरका परस्त गुंडो, हम और दुश्मन वतन के फिरका परस्त गुंडो, ये सारे किस्से तुम्हारे अपने गढ़े हुए हैं। वाह जी वाह हमें वाह, भगाने क्या की कहने। कोशिशों को, हमें भगाने की कोशिशों को तलाक दे दो, हमें भगाने की कोशिशों को तलाक दे दो। यहाँ से जाएं यही तो पल के बड़े हुए हैं, वाह यहाँ वाह से जाएं, यहाँ से जाएं, यही तो पल के बड़े हुए हैं। वतन पे कुर्बानियों में हम कब किसी से कम हैं, वतन पे कुर्बानियों में हम कब किसी से कम हैं। कदम कदम पर हमारे झंडे गड़े हुए हैं, वाह जी वाह, क्या कहने। कदम वाह कदम झंडे पर हमारे झंडे गड़े हुए गड़े हैं। हुए हैं। शहीद टीपू हमीद उस्मा हनीफ अशफाक, शहीद टीपू हमीद उस्मा हनीफ अशफाक, इसी जमी पे ये हीरे मोती जड़े हुए हैं, वाह जी वाह इसी वाह, जमी पे ये हीरे मोती जड़े हुए हैं। अब हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, मिटाओ इनको। अब हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, मिटाओ उनको। चलाओ गोली तुम्हारे आगे खड़े हुए हैं, चलाओ वाह जी गोली तुम्हारे आगे खड़े हुए हैं। क्या हम कहने। इर्तिजा उस दरख्त जैसे वतन में अपने, हम इर्तिजा उस दरख्त जैसे वतन में अपने, कि जिसके पत्ते बहार में भी जड़े हुए हैं, कि जिसके वाह जी पत्ते वाह, बहार में भी जड़े हुए हैं। बहुत इन्हीं खूब के हाथों सड़क पे हम तुम पड़े हुए हैं, इन्हें बदल दो ये रहनुमा सब सड़े हुए हैं। शुक्रिया वाह जी। जी बहुत वाह खूब, जी वाह, क्या जबरदस्त कहने। पूरा मजा मैसेज आ था गया। जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। आ जाए संदीप बाबा आपको कर। जबरदस्त हो गया। अभी भाई जी, आपकी आपकी बारी बड़ी जबरदस्त इस्तेमाल होगी, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो हमेशा और अब मुकाबला हाजिर हैं। सख्त है। अब आपकी तरफ से भी जबरदस्त किस्म नहीं का मैं ब्लास्ट तो फायर अख्तर आता शीरानी, ये जो मेरी बहन है ये हर जगह हाथ पांव मारती है, माशाल्लाह हाथ पांव भी के लंबे चौड़े हैं, पहुंच भी काफी है। हम तो बचपन से इसको यही कहते थे घर में ने, तो ये चारों तरफ हाथ पांव चलाती है। टू मच इन्फॉर्मेशन आबिद हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो जो है भाई मैं क्या करूं। क्या करूं से मेरे गजल निकाल के रखी हुई है, क्या जी करें, बिल्कुल, बोलिए सुनाइए आपको सुनाऊंगा। सुनाइए। जी हस्बे बिल्कुल, हाल है तो नहीं नहीं हस्बे नहीं हाल आप तो बंदे। नहीं आपकी बात, प्लीज, अरे आपकी बात नहीं 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 प्लीज, आप सुनाइए और दूसरों बाकी ने की क्या बात करें बिल्कुल कहा तो कर। मैंने क्या करें कह दिया। नहीं ये आप बचपन से बोलिए। माशाल्लाह इनकी हाइट भी घर में तरह अच्छी थी तमाम बहन भाइयों में, और तो इनको बचपन से यही कहा जाता है ये हाथ पांव बहुत चलाती है। लगता है आपको मार्शल पड़ी है थोड़ी सी। नहीं मुझे मार्शल क्या नहीं नहीं पड़ेगी। मेरी नहीं भाई, मैं तो जिस मैंने तो समझे सही माने में आंखें यही खोली है, 16 की थी मैं जब यहाँ आ गई थी, तो मैंने तो हाँ ये इश्क विश्क ये सब अभी किताबों में ही सुना है। मैं तो हंस रही थी पढ़ के, तो कोई मसला नहीं है, जब सब साथ बैठते हैं बातचीत होती है तो एक दूसरे से वाकफियत होती चली जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अफशा हो ही जाते हैं। जी मोहित भाई प्लीज, सही हाँ बात है, हद सही हाँ सुना बात रहे थे आप, है। बिल्कुल सुनाइए। मैसेजेस नहीं, नहीं मैसेजेस ले लेते हैं नीचे से, फिर आपसे कुछ सुनेंगे फिर आगे चलेंगे। हसन भाई कह रहे हैं कि ना छेड़ जाहिदे अच्छा नादा शराब पीने दे, शराब पीने दे खाना खराब पीने दे, अभी से अपनी नसीहत का जहर देना मुझे, अभी तो पीने दे और बेहिसाब पीने दे। वाह। और अता भाई ने शेर भेजा है कि गमे जमाना ने मजबूर कर दिया, वरना आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। बहुत ही खूबसूरत शेर, उनके लिए जी मजा आ गया, जी जबरदस्त। जी जबरदस्त। आबिद ये भाई हसन भाई जो जी, ये आपने शेर भेजा है ना कि शराब पीने दे दे, आप तो नीचे बैठे हैं, हम लोग ऊपर हैं आराम से। इजाजत इजाजत जी बेशक। हमारी तरफ से इजाजत है, बाकी बाकी आप बाकी हिसाब आप खुद देख ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अतः भाई आप 2 हफ्ते से आ रहे हैं और नीचे से नीचे चले जा रहे हैं, मुझे एक मैसेज कन्वे करना था फारूकी भाई का, बहुत जबरदस्त, बहुत इसरार से उन्होंने मैसेज दिया था कि ये आप मेरा मैसेज अतः भाई को दे दीजिएगा कि वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा, तो प्लीज आप उनके इंस्टा पे या उनके चैनल पे किसी भी तरीके से उनसे कॉन्टेक्ट कर लें, बहुत शुक्रिया जी। ये चंद अशआर है वो भी सलमा की तरफ ही जाते हैं, अख्तर शीरानी साहब के, कहते हैं कि दिलो दिमाग को रो लूंगा आह कर लूंगा, वाह जी वाह, क्या कहने। क्या दिलो दिमाग को रो लूंगा आह कर कर लूंगा, लूंगा, तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर सब कुछ लूंगा। तबाह कर लूंगा। वाह जी वाह, क्या कहने। अगर मुझे न मिली तुम, अगर मुझे न मिली तुम, तुम्हारे सर की कसम, अगर मुझे न मिली तुम, तुम्हारे सर की कसम, मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा, वाह जी वाह, क्या कहने। मैं अपनी सारी जवानी तबाह कर लूंगा, तुम्हारी याद में मैं काट दूंगा हश्र से दिन, तुम्हारी याद में मैं काट दूंगा हश्र से दिन,
तुम्हारे हिजर में रातें स्याह कर लूंगा। वाह जी वाह, क्या कहने, तुम्हारे क्या हिजर कहने, में रातें रातें स्याह स्याह कर लूंगा। जो तुमसे कर दिया महरूम, जो तुमसे कर दिया महरूम आसमान ने मुझे, जो तुमसे कर दिया महरूम आसमान ने मुझे, मैं अपनी जिंदगी सरफे गुनाह कर लूंगा। वाह जी वाह, मैं अपनी जिंदगी सरफे गुनाह कर लूंगा। क्या सर्फ किया है ये अतफ भाई ने, बहुत खूब। हरीम हजरत सलमा की सिमत जाता हूँ, हरीम हजरत सलमा की सिमत जाता हूँ, हुआ न जब्त तो चुपके से आह कर लूंगा। वाह जी वाह, क्या कहने, हुआ न जब्त तो चुपके से आह कर लूंगा, दिल दिमाग को रोलूंगा आह कर लूंगा, तुम्हारे इश्क में सब कुछ तबाह कर लूंगा। तबाह कर लूंगा, क्या कहने हैं, क्या कहने है जी, बहुत शुक्रिया जी। फौजे कमल कह रहे हैं कि खुशकिस्मत सलमा कहाँ है। खुशकिस्मत सलमा नहीं, रेहाना भी है और पता नहीं कौन कौन है, काफी सारे नाम उन्होंने, 8-10 नाम उनका ये आर्ट था। उन्होंने बहुत सारे नाम इस तरह से भी घर के रखे हुए थे, और खुद भी कोई दर्जनों उनके कलमी नाम है जिनसे वो लिखते भी रहे हैं। तो ये खैर उनका एक तारुफ में भी थोड़ी सी मैंने बात की थी, तो काफी सारे कलमी नाम है उनके जो आपको मिलेंगे। तो अभी भाई नीचे से एक दो मैसेजेस ले लेते हैं जी। जी प्लीज। और हसन भाई कह रहे हैं कि जो रूह हो चुकी एक बार दागदार मेरी, तो और होने दे लेकिन शराब पीने दे, शराब खाने में ये शोर क्यों मचाया है, खामोश अख्तर खाना खराब पीने दे। अच्छा जी, जबरदस्त। हसन भाई हमारी तरफ से खुली इजाजत है जी, आगे आगे आप देखें, आप जाने अथॉरिटीज जी। जबरदस्त हो गया जी। यहाँ पे अख्तर शिरानी की जो बात कर रहे थे हम, उनके तारुफ की, उनके कलमी नामों की थोड़ी सी जरा आपको बता दूं कि उनके फर्जी नामों में इब्ने बतूता, इन जहानी, बालम, राजकुमारी बकावली, जबूर, जाहिक, अकास, लॉर्ड बायरन ऑफ राजस्थान, मसूद खुसरू शिरानी, मुल्ला फरकान, इस तरह के बहुत सारे नाम उनके मौजूद हैं। और इनमें उनके अलावा जो हैं, जो उन्होंने अपने उनकी जो महबूबाओं में, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे कहीं पे, नाम जो उनके थे नज़र आ गए तो फौरन तो बता दूंगा, वरना आगे चलते हैं। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो काफ़ी सारे रिहाना और सलमा के अलावा भी कुछ नाम थे। खैर वो तो पता लगवाना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल। और गुजरात की थी ये तो पता लग गया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अच्छा, उर्दू ज़ुबान के हवाले से कुछ हो जाए। जी जी बिल्कुल भाई, सॉरी आबिद भाई। जी जी बसरो चश्म जी कहते हैं हमारी ज़ुबान, उनके नज़म का उनवान है हमारी ज़ुबान, कहते हैं कि यारब रहे सलामत उर्दू ज़ुबान हमारी, वाह, हर लफ्ज पर है जिसके कुर्बान जहाँ हमारी, बहुत, और मिस्री से तोलता है शक्कर सी घोलता है जो कोई बोलता है मीठी जुबान हमारी, वाह जी वाह, हिंदू हो पारसी हो ईसाई हो के मुस्लिम, हर एक की जुबान है उर्दू जुबान हमारी, जुबान हमारी, और दुनिया की बोलियों से मतलब नहीं हमें कुछ, उर्दू है दिल हमारा, उर्दू है जहाँ हमारी, बहुत हो, दुनिया की कुल जुबानें बूढ़ी सी हो चुकी हैं लेकिन अभी जवां है उर्दू जुबान हमारी, क्या बात, अपनी जुबान से है इज्जत जहां में अपनी, गर हो जुबान अपनी इज्जत कहां हमारी, कहां हमारी, बहुत हो, उर्दू की गोद में हम पलकर बड़े हुए हैं, सौ जान से हमको प्यारी उर्दू जुबान हमारी, आजादो मीरो गालिब आएंगे याद बरसों, करती है नाज जिन पर उर्दू जुबान हमारी, अफ्रीका हो अरब हो अमरीका हो कि यूरोप, पहुंची कहां नहीं है उर्दू जुबान हमारी, बहुत हो, और मिट जाएंगे हम मिटने ना देंगे इसको, मिट जाएंगे हम मिटने ना देंगे इसको, है जानो दिल से प्यारी हमको जुबान हमारी, यारब रहे सलामत उर्दू जुबान हमारी, हर लफ्ज पर है जिसके कुर्बान जहाँ हमारी। तो बहुत ही खूबसूरत सी उनकी नजर में उर्दू के बारे में, हिंदू हो पारसी हो ईसाई हो के मुस्लिम, हर एक की जुबान है उर्दू जुबान हमारी, बहुत खूब। यहाँ से मैसेजेस कुछ ले लेते हैं नीचे से और फिर आगे चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया। हमारे सिस्टर हसन भाई कह रहे हैं कि आप ही ने दर्द दिल बख्शा हमें,
आप ही इसका मुदावा कीजिए। कहते हैं अख्तर वो सुनकर मेरे शेर, इस तरह हमको न रुसवा कीजिए। वाजी वाह, क्या कहने हैं, बहुत ना जबरदस्त जबरदस्त। जी। तो हमारे सिस्टर आबिद भाई, आप लोग आपस में जैसे भी ब्रह्मांड जी, मैं के सुनाता आगे हूँ, चले। अब जी मैं चंद शेर सुनाता हूँ, जब तक हुमा तैयारी पकड़ लेंगी। जी 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 ना, जी जी हमारे साथ क्लिक भाई आ गए हैं, तो सलाम कह रहे हैं आबिद भाई आपको, हमें और साकी भाई को। तो वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम के वरहमतुल्लाह लिए भाई, वबरकातुह। और आए जी, बिल्कुल इनकी भी शेर व शायरी भी अच्छी होती है, और इनके चुटकुले बिल्कुल भी बहुत अच्छे होते हैं जी। ये हर अलवी में कहते हैं कि आपके अखलाक की वजह से आ गया, वरना कौन से आपके समोसे पकौड़े अच्छे होते। तो वालेकुम अस्सलाम, बहुत जी शुक्रिया हुमा, आपने अटेंशन दिलाई, वरना मैं मैसेज नहीं देख रहा था। और किरिक भाई कैसे हैं? सुना था कुछ बीमारी वगैरह चल रही है पैंडेमिक की वजह से, तो अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमने बहुत दुआ की जी आपके आमीन लिए। आमीन जी। आपकी अम्मी के लिए आप, मैंने इंस्टा पे देखा था, तो 2 LBU में गई थी, तो दुआ करा दी थी जी। अल्लाह आपकी फैमिली को, आपको अपनी हिफाजत, बल्कि हम सबको ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी। आमीन। अच्छा जी, तो ये एक पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है, मेरी कॉल आ गई थी, एक के पढ़ी भी हो तो कोई बात नहीं। मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, अभी भाई पढ़ी है आपने? नहीं, आप पढ़िए पढ़िए। मोहब्बत मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मेरे सादा दिल तुझको मकरूर कर दूं, मेरे सादा दिल तुझको मकरूर कर वाह दूं, तेरे दिल को मिलने की खुद आरजू हो, तेरे दिल को मिलने की खुद आरजू हो, तुझे इस कदर गम से रंजूर कर दूं। बहुत खूब, बहुत क्या कहने। मुझे मुझे जिंदगी दूर रखती है तुझसे, मुझे जिंदगी दूर रखती है तुझसे, जो तू पास हो तो इसे दूर कर दूं, इसे दूर कर दूं। वाह जी वाह, जो तू पास हो तो तो इसे इसे दूर। दूर कर दूं। मोहब्बत के इकरार से शर्म कब तक, मोहब्बत के इकरार से शर्म कब तक, कभी सामना हो तो मजबूर कर दूं, वाह कभी सामना हो तो मजबूर कर दूं, ये बेरंगीनियां कब तक ए हुस्ने रंगी, ये बेरंगीनियां कब तक ए हुस्ने रंगी, रंगीन। इधर हा तुझे इश्क में चूर कर दूं, इधर वाह हा क्या तुझे कहने, इश्क में इश्क चूर में कर चूर कर दूं, दूं। वाह तुगर सामने हो तो मैं बेखुदी में, तुगर सामने हो तो मैं बेखुदी में, सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं, सितारों को सजदे पे मजबूर कर दूं, नहीं जिंदगी को वफा वरना अख्तर, नहीं जिंदगी को वफा वरना अख्तर, मोहब्बत से दुनिया को मामूर कर दूं, मोहब्बत से दुनिया को मामूर कर दूं, मोहब्बत की दुनिया में मशहूर कर दूं, मेरे सादा दिल तुझको मगरूर कर दूं। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत क्या बात है, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, क्या कहने। यहाँ से मैसेज देख लेते हैं जरा। क्लिक भाई तो आ चुके हैं हमारे साथ, सलाम अलैकुम कह रहे हैं सबको। और हसन भाई ने शेर भेजा है कि किसको देखा है ये हुआ क्या है, किसको देखा है ये हुआ क्या है, दिल धड़कता है माजरा क्या है, एक बहुत मोहब्बत थी मिट चुकी यार अब, तेरी दुनिया में अब धरा क्या है। वाजी वाह, खूब, जो कि शायरी कह रहे, इट वॉज रियली नाइस नी टू ड्रॉप ऑफ नाउ स्टेबलेस्ट एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर दिस ग्रेट महफिल। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ रहने का, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हसन भाई उनको अल्लाह हाफिज कह रहे हैं। सिलसिले में भेजा है कि अल्लाह पाक का करम है, आप सबकी दुआ है, मेरे घर में सब कोरोना के शिकार हैं, मेरे और अब्बा जान के अलावा। अल्लाह ताला आपकी सारी फैमिली को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, आमीन सब आमीन। बहुत फिक्र की बात है। उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ होंगे। ज़रा थोड़ी सी और तफसील भी बताइए, और इंशाल्लाह दुआ में भी आपको ज़रूर याद रखेंगे, आप भी दुआ में याद रखिएगा। और सबके दोस्तों के लिए कि प्लीज़ जो है, क्लिक भाई और बाकी सब भी जो जो इस बीमारी की वजह से और या किसी और वजह से भी मुश्किल का शिकार हैं, उनकी अल्लाह ताला मुश्किल दूर फरमाए, बीमारी दूर फरमाए, और शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन सब आमीन। आमीन आमीन बहुत शुक्रिया। बारी मेरी थी अभी, जी, आप ही की बारी। हाँ चले, थोड़े से थोड़ा सा फिर से जरा महफिल का रंग बदलते हैं, क्या जी ख्याल है? तो जी जी बिल्कुल। उन्होंने मज़ाहिया भी लिखा है कुछ कुछ, तो उनकी एक मज़ाहिया नज़म है, अगर इजाज़त है तो मैं सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। कहते हैं कि पोस्टमैन उस बुत का खत लाता नहीं, पोस्टमैन उस बुत का खत लाता नहीं, और जो लाता है पढ़ा जाता नहीं, वाह जी वाह, बहुत खूब, और जो लाता है वो पढ़ा पढ़ा जाता है। जाता नहीं। और आशिकी से क्यों हम इस्तीफा ना दें, आशिकी से क्यों हम इस्तीफा ना दें, होटलों का बिल दिया जाता नहीं, जाता नहीं, बहुत खूब जी, होटलों का बिल दिया जाता नहीं। दिया जाता नहीं। और शेख जी मोटर पे हज को जाइए, शेख
शेख जी मोटर पे हज को जाइए, अहदे नो में ऊंट काम आता नहीं। वाह जी वाह, इतने अब में काम देखिएगा कि आता जरा बहुत। जरा मुलाहजा कीजिएगा अभी तक कि बोसा ने उस सर्फ कद का किस तरह तार पर हमसे चढ़ा जाता तो नहीं। तार पे हमसे सड़ा जाता नहीं, बहुत खूब। और आशिकों पर जुल्म करना छोड़ दें, आशिकों पर जुल्म करना छोड़ दें, क्यों बेकासिद जाके समझाता नहीं। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और रात दिन फरमाइशें जेवर की हैं, रात दिन फरमाइशें जेवर की हैं, हमसे अब आशिक रहा जाता नहीं। वाह जी वाह, वाह बहुत जी वाह, क्या मजबूरी बयान की है। वैलिड, हमसे अब आशिक रहा जाता नहीं। और जल गई सिगरेट से दाढ़ी शेख की, जल गई सिगरेट से दाढ़ी शेख की, ये मगर फैशन से बाज आता नहीं। बहुत खूब वाह जी बहुत। वाह, और फरबही का तंज क्यों मुश्ताक पर, अब ये पता नहीं इसमें किस मुश्ताक की तरफ इशारा है। फरबही का तंज क्यों मुश्ताक पर, तेरी चक्की से तो पिसवाता नहीं। वाह जी वाह, बहुत खूब जबरदस्त। और फीस पहले जब तलक रखवा ना ले, फीस पहले जब तलक रखवा ना ले, डॉक्टर अपने भी घर जाता नहीं। कर जाता नहीं, क्या बात है। और बेकरी में नौकरी करनी पड़ी, अपने महबूब के बारे में मतलब देखे कैसे कैसे पहले जेवर लेके देने पड़ रहे थे, कह रहे हैं कि बेकरी में नौकरी करनी पड़ी, वो सिवाय केक कुछ खाता नहीं, वाह जी वाह, क्या बात है। वो सिर्फ सिवाय केक कुछ खाता नहीं। खाता नहीं, तेरी फुरकत में बहुत फाके कटे, आके अब भूखा रहा जाता नहीं। वाह जी वाह। और कब से है मेहमान तू है हिजरे यार, भाई मेरे घर से क्यों जाता नहीं। बहुत खूब और सितमगर रोकना, यो जमाने के मजा है जी। हमारे जी, बेशक। इसमें इसी इसी का शेर था ना, किसी ने भेजा था कि लॉन्ड्री, हसन भाई ने शायद की लॉन्ड्री खोली थी, कहते हैं ओ सितमगर रोकना मोटर जरा, मेरे खच्चर से चला जाता नहीं। वाह बहुत, लॉन्ड्री खोली थी उसके इश्क में, पर वो कपड़े हमसे धुलवाता नहीं। नहीं। हजरत इब्ने बतूता की गजल, इब्ने बतूता ही नहीं का अपना अपना एक कलवी नाम था, जी। हजरत इब्ने बतूता की गजल, जिद के मारे वो सनम गाता नहीं। तो इब्ने बतूता के नाम से ये मजाहिया शायरी शायर है, वो लिख चुके हैं जी, और मसल्ले में छपता था। जबरदस्त, तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट भी एक जी और आपको जी बता बहुत दूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही, हसन भाई कह रहे हैं तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक ओहो जरा सा गम दोरा का भी हक है, जिस पर मैंने वो मैंने सांस सांस भी तेरे लिए तेरे रख लिए, थोड़ी है। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, क्या कहने हैं। और वाह आपने क्या तो आता नकार नहीं जाता नहीं का जबरदस्त वो कर दिया जी। जी चले आखिरी शेर आगे दोबारा चलते हैं। सुनाइएगा जरा, अगर बंद नहीं की है आपने तो बंद कर दी वो, लेकिन चल वो था बंद कर कि देते हाँ उसमें मैं दोबारा देखा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे जहन में वो है, लेकिन कहाँ चला गया, अल्फाज मेरे जहन से निकल गए एकदम से। वैसा है कि हजरत इब्ने बतूता की गजल, जिद के जबरदस्त मारे वो सनम गाता नहीं। जी। जी तो यहाँ पे अब जो है आबिद भाई आपसे कुछ सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा तवील का है, मुझे पता नहीं आपने शेयर किया है कि नहीं किया, लेकिन बहरहाल मेरे पास अब निकल के आए हैं। उम्र भर की तलख बेदारी का सामा हो गई, उम्र भर की तलख बेदारी का सामा हो गई, हाय वो रातें कि जो ख्वाबे परेशान हो गई, वाह, हाय वो रातें कि जो ख्वाबे परेशान हो परेशान गई, होंगे वाह, मैं फिदा इस चांद से चेहरे पे जिसके नूर से, मैं फिदा इस चांद से चेहरे पे जिसके नूर से, मेरे ख्वाबों की फजाएं यूस तंग हो गई, उम्र भर कम वक्त को फिर नींद आ सकती नहीं, उम्र भर कम वक्त को फिर नींद आ सकती नहीं, जिसकी आंखों पर तेरी जुल्फें परेशान हो वाह गई, जी वाह, क्या कहने। जिसकी आंखों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गई, दिल के पर्दों में थी जो हसरतें हसरतें पर्दा नशी, दिल के पर्दों में थी जो हसरतें पर्दा नशी, आज वो आंखों आंखों में आंसू
बन के उड़िया हो गई। वाह जी वाह। कुछ तुझे भी है खबर ओ सोने वाले नाज से, कुछ तुझे भी है खबर ओ सोने वाले नाज से, मेरी रातें लुट गईं, नींदें परेशान हो गईं। वाह जी वाह, क्या कहें। मेरी रातें लुट गईं, नींदें परेशान हो गईं, हाय वो मायूसियों में मेरी उम्मीदों का रंग, हाय वो मायूसियों में मेरी उम्मीदों का रंग, जो सितारों की तरह उठ उठ के पिन्हा हो गई। वाह जी वाह, क्या कहने। जो सितारों की तरह उठ उठ के पिन्हा हो गई, बस करो ओ मेरी रोने वाली आंखों, बस करो बस करो ओ मेरी रोने वाली आंखों, बस करो, अब तो अपने जुल्म पर वो भी पशीमा हो गई, अब तो अपने जुल्म पर वो भी पशीमा हो गई। आह वो दिन जो ना आए फिर गुजर जाने के बाद, आह वो दिन जो ना आए फिर गुजर जाने के बाद, हाय वो रातें कि जो ख्वाबे परेशान हो गई। वाह क्या कहने। हाय वो रातें कि जो ख्वाबे परेशान हो गई, गुलशन दिल में कहा अख्तर वो रंग रंगे नौ बहार, गुलशन दिल में कहा अख्तर वो रंगे नौ बहार, आरजुएं चंद कलियां थी परेशान हो गई। वाह जी वाह। आरजुएं चंद कलियां थी परेशान हो गई, उम्र भर की तलख बेदारी का सामा हो गई, हाय वो रातें कि जो ख्वाबे परेशान हो गई। बहुत वाह, क्या कहने। ये वही जमीन है गालिब की के सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, नुमाया हो आप में क्या सूरतें होगी के पिन्हा होगी। और एक तो मिसरा बहुत ही मिलता जुलता था, गालिब ने कहा है कि नींद उसकी है दी, दिमाग दी। उसका है रातें उसकी, तेरी जुल्फें जिसके शाने पर परेशान हो गई। बिल्कुल जी, जिसकी आंखों पर तेरी जुल्फें परेशान हो, बिल्कुल बिल्कुल वही काफी मिलता जुलता, वही जमीन थी तकरीबन। बहुत जबरदस्त थी और बहुत ही खूबसूरत उस जमीन को उठाया उन्होंने माशाल्लाह। फौजे कमल हमारे साथ थी, वो अब जा रही हैं। जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने का और हमारी महफिल का हिस्सा बनने का। और क्लिक भाई जरूर आप बिल्कुल फनी पोइट्री भी लिखें जरूर, खाना वाना खा लें आराम से उसके बाद हमारे यहाँ पे। लेकिन महफिल थोड़ी देर में ख़त्म होने वाली है, तकरीबन 13 मिनट 12 मिनट 13 मिनट बाकी हैं, तो देखते हैं जैसे 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 चलता रहेगा वैसे वैसे हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो उमा से आपसे कुछ सुनते हैं। जी जी। मुझे अपनी पस्ती की शर्म है तेरी रिफतों का ख्याल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है तेरी रिफतों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं इसे फिर भी शौके विसाल है। अरे वाह, क्या कहने। मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं इसे फिर भी शौके विसाल है, इस अदा से कौन ये जलवागर सरे बज्म हुस्ने ख्याल है, इस अदा से कौन ये जलवागर सरे बज्म हुस्ने ख्याल है, जो नफस है मस्त बहार है जो नजर है गर्क जमाल है। क्या कहने। जो नफस है मस्त बहार है जो नजर है गर्क जमाल जमाल है, मैं बताऊं वाज़े खुशनुमा है जहान व खुल्द में फर्क क्या, मैं बताऊं वाज़े खुशनुमा है जहान खुल्द में फ़र्क क्या, ये अगर फरेब ख्याल है वो फरेब हुस्न ख्याल है, ये अगर फरेब ख्याल है वो फरेब हुस्न ख्याल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है तेरी रिफतों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं इसे फिर भी शौके विसाल विसाल है। क्या बात है, ये बहुत ही खूबसूरत कलाम, जबरदस्त। मैं बताऊं वाइज खुश नवा है जहानो खुल्द में फर्क क्या, ये अगर फरेब ख्याल है वह फरेब हुस्न ख्याल है। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत चेहरा तसव्वुफ से भरपूर। वाह जी वाह, शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत गजल, बहुत ही प्यारे अंदाज से आपने सुनाई, बहुत मजा आया। नीचे चैट बॉक्स से जरा मैसेज ले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। ये हसन भाई ने जो भेजा है कि ना तुम्हारा हुस्न जवा रहा ना हमारा इश्क जवा रहा, ना वो तुम रहे ना वो हम रहे, जो रहा तो गम का समा रहा। तो ये मैंने खोल के वैसे भी रखी हुई थी, वो भी सुना देता हूँ, अब मौका बन ही गया। वैसे तो बहुत सारी गजलें हैं लेकिन उनमें से चूंकि ये उन्होंने शेयर कर दिया तो मेरी बारी है ना कि जी जी बिल्कुल। थोड़ी लंबी गजल है तो
तो देखते नहीं। कितने कितने कहाँ तक चलते हैं इसको, कि तुम ना तुम्हारा हुस्न जवान रहा, ना हमारा इश्क जवान रहा, ना वो तुम रहे ना वो हम रहे, जो रहा तो गम का समा रहा, वाह जी वाह, क्या ना वो बात। बाग हैं ना घटाएं हैं, ना वो फूल हैं ना फिजाएं हैं, ना वो बाग हैं ना घटाएं हैं, ना वो फूल हैं ना फिजाएं हैं, ना वो निखतें ना हवाएं हैं, ना वो बेखुदी का समा रहा, और ना वो दिल है अब न जवानियां, ना वो आशिकी की कहानियां। आबिद भाई जी, महसूस कीजिएगा, ना वो दिल है अब न जवानियां, ना वो आशिकी की कहानियां, ना वो गम ना अश्क फिशानियां, ना वो दर्द दिल का निशान रहा, न चमन है ना वो न चमन है वो ना बहार है, ना वो बुलबुलें ना हजार है, यही चार सम पुकार है, वो रुत ना वो रुत है अब ना समा रहा, ना वो उम्र है ना मुसर्रतें, ना वो ऐश है ना वो इशरतें, ना वो आरजूएं ना हसरतें, ना खुशी का नामो निशान रहा, वाह ना निशा है साकी और जाम का, ना वो बादा हाय चमन अदा, ना मुगनिया रही महवे साज, ना साज मस्ते फुगा रहा। क्या ही खूबसूरत शेर है जी। बहुत खूब। ये बहारे गुलशन आबो गुल है फना असर, तू है क्यों खजल, वो गुले फसरदा है मेरा दिल के हमेशा नजरे खिजा रहा, रहा नहीं सब्र साकिया ला भी दे कदहे बहार, कदहे बहार उठा भी दे, अभी सुन है नहीं सब्र साकिया ला भी दे कदहे बहार उठा भी दे, अभी सन है अभी सिन है सॉरी अभी सिन है, सिन मीन साल जी, मतलब उम्र, हाँ 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 अभी बिल्कुल। सिन है ला के पिला भी दे कि हमेशा कौन जवा रहा, वाह अभी अभी सिन है, सिन नहीं कहेंगे ना किसान अच्छा, नहीं कहेंगे अभी अभी। सिन ही कहेंगे। तो ये सिन जो है ना, जी वो नॉर्मली कि उसमें कह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सिन बिल्कुल, कहेंगे बिल्कुल। बस थोड़ा सा कंफ्यूज, जी, अभी बिल्कुल सिन है ला के पिला भी दे कि हमेशा कौन जवा रहा, कहूं क्या के रंज रसीदा हूं मैं बरंगे अब्रे रमीदा हूँ, कहूँ क्या कि रंज रसीदा हूँ मैं बरंगे अब्रे रमीदा हूँ, नफसे शमीम परीदा हूँ कि रहा तबाह जहाँ रहा। वाह थोड़ा बहुत। सा मैं यहाँ पे बता दूं कि रमीदा जो होता है वो अलग अलग जो होता है, अब्रे रमीदा जो एक इकलौता सा होता है ना बादल जो बारिश वारिश नहीं करता, तो उसको अब्रे रमीदा कहते हैं, और असरे असरे असर बहारा बहारे खजा असर है फसुद्दा मेरी नजर, न हवाए इशरत बालों पर न जनून बागे जिना रहा। काफी लंबी सी है तो इसका आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ कि है फलक की बदली हुई नजर कहीं किसी से अख्तरे नाला गर, है फलक की बदली हुई नजर कहें किससे अख्तरे नाला गर, कि मैं उसके जोरे अलम असर से हमेशा महवे फुगा रहा। जी, बड़ी थोड़ी सी मुश्किल बहुत है गजल, लेकिन तो असल में चूंकि आपने बैकग्राउंड पहले जी बता दिया कि इनके जो फादर थे वो पर्शियन के, जो फारसी के टीचर बिल्कुल वगैरह रह चुके थे। तो इनकी मतलब बहुत ही अदबी घराने से, और उस जमाने की शुआरा में फारसी को अगर आप मैं मतलब शेरों में ना ढालें तो कि स्टैंडर्ड उसका बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं होता बिल्कुल, वो समझा ही नहीं था। जाता था, जैसे बिल्कुल आजकल बिल्कुल। बात करते हुए दो चार अंग्रेजी के लफ्ज ना बोले तो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो बिल्कुल शायद बिल्कुल, तो इतना उसकी भी हमारे में आप फारसी का था। और हसन बिल्कुल भाई ने चूंकि छेड़ दिया था तो हमने थोड़ा सा कुछ आपने मारा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आप बताया। बहुत और शुक्रिया आप जी, बहुत शुक्रिया। अपने रमीदा का मेरे ध्यान में वो तस्वुर नहीं था जो आपने बयान किया। आपने मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा किया, जजाकअल्लाह। बहुत खूब, जी बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत। शुक्रिया जी। यहाँ पे क्यूज बेसिक कह रही हैं कि यूट्यूब पर आने के बाद बाकी सब शो खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रही है क्यों सिस्टर। आज ही मैं आबिद भाई से बात कर रही थी कि मैं रोज जो है वो एक ड्रामे का एपिसोड देखा करती थी, तो कुछ कनेक्ट रहता था और हम लोग डिस्कस करते थे अपने सारे मकर, ईशा के बाद मेरा रूटीन था, तो ये गुज़िश्ता 10 महीनों से मेरा सारा रूटीन वो है वो हो चुका है, कहीं भी एक दिन टाइम दे सारे सकते मिलकर ना हैं एक साथ चैनल बंद कर देते हैं और उसके बाद अपनी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। नहीं वो अब सुकून नहीं मिलेगा, अब नहीं, ये आप ऐसा क्या नहीं हो समझ रहे हैं, सकता। अब ऐसा हो नहीं सकता इससे भी वो ज्यादा गालिब नहीं कहा ना, छुट्टी वन नहीं है वे मुंह रोड से। है हाँ छुट्टी नहीं है मुंह से, ये काफिर लगी हुई काफिर तो लगी हुई बिल्कुल ये आदत है जो है मोहित भाई, जी, फोन हाथ एडिक्शन में उठाया एडिक्शन नहीं और
जो है वो लाइव देखी नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल बस यही है जी, अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे। आखिरी उम्मीद अल्लाह से ही है। जी जी बिल्कुल जी। असद भाई कह रहे हैं कि वह बरसातें, वह बातें, वह मुलाकातें कहाँ हमदम, वतन की रात होने को सुहानी अब भी होती है। अरे वाह, बहुत खूब। बुतों को कर दिया था जिसने मजबूरे सुखन अख्तर, लबों पर वो नवाए आसमानी अब भी होती है। अब भी होती है, क्या बात है जी। हसन भाई की कलेक्शन बहुत जबरदस्त है जी, बिल्कुल बहुत जबरदस्त। भी कह रही है देयर इज नो गोइंग बैक जी जी जी, कह रहे हैं लेकिन कभी कभी ब्रेक ले लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, रमजान में ली थी ना ब्रेक। नहीं वो हसन भाई अपने लिहाज से कह रहे हैं, आजकल ये लंबी ब्रेक पे गए ना। नहीं नहीं वो तो क्यूज सिस्टर कह रही थी, मुझे तो खैर पता नहीं आप लोगों का कि क्यूज सिस्टर वगैरह। आप लोग ड्रामे देखते थे पाकिस्तान के? नहीं जी, पाकिस्तानी ड्रामा तो अभी तो नहीं देखते, लेकिन पहले बचपन में तो बहुत देखते हैं। अच्छा, आप अभी की बात कर रहे? मैं अभी मतलब एक दो तीन साल, दो चार साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी नहीं, अभी एक साल में तो किसी ने भी नहीं देखे होंगे मौसम। ये नया ड्रामा जो हमने खोल लिया। बिल्कुल, अब हाँ, अब तो हम खुद शो बिजनेस में आ गए ना। जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल जो, सही जो शो बिजनेस में आया है सिर्फ वही मतलब इसके साइड इफेक्ट है ना, आप लोग दूसरों पे वायरस क्यों फैला रहे हैं। मूवी भाई कोई आए नहीं है, कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एंटर नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं है, आने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एंटर नहीं होने दे रहे। चले एक आखिरी राउंड कर लेते हैं, फिर इसको शोभा जी वगैरह खत्म करते हैं। जैसे आपको मैं जी, मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा एक दफा फिर बारी थोड़ी सी, क्योंकि मैंने काफी देर से निकाल के रखी हुई आखिरी वाली। तो फिर ऐसा करेंगे कि आपसे सुन के और फिर हुमा से सुन के तो खत्म कर देंगे। जैसे आपको जैसे, तो रिवर्स कर लेते हैं इसको। तो उनको बुलाएं और वो ना आए तो क्या करें, उनको बुलाएं और वो ना आए तो क्या करें, बेकार जाएं अपनी दुआएं तो क्या करें, तो क्या करें। एक जोहरा विश है आंख के पर्दों में जलवागर, नजरों में आसमान समाएं तो क्या करें, तो क्या करें। बहुत खूब। और माना के सबके सामने मिलने से है हिजाब, माना के सबके सामने मिलने से है हिजाब, लेकिन वो ख्वाब में भी ना आए तो क्या करें, तो क्या करें। क्या बात है, क्या जबरदस्त। और हम लाख कस्में खाएं न मिलने की सब गलत, हम लाख कस्में खाएं न मिलने की सब गलत, वो दूर ही से दिल को लुभाएं तो क्या करें, क्या करें। क्या बात। और बदकिस्मतों का याद ना करने पे है ये हाल, बदकिस्मतों का याद ना करने पे है ये हाल, अल्लाह अगर वो याद ही आए तो क्या करें, तो क्या करें। और ना से हमारी तौबा में कुछ शक नहीं मगर, आबिद भाई देखिएगा जरा कि ना से हमारी तौबा में कुछ शक नहीं मगर, शाना हिलाएं आके घटाएं तो क्या करें। वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। ना से हमारी तौबा में कुछ शक नहीं मगर, शाना हिलाएं आके घटाएं तो क्या करें। और मैं खाना दूर रास्ता तारीख हम मरीज, मैं खाना दूर रास्ता तारीख हम मरीज, मुंह फेर दें उधर जो हवाएं तो क्या करें, तो क्या करें। वाह जी वाह, तो खुद नहीं जा रहे हैं हवाओं ने उधर मुंह फेर दिया जी। मैं खाना दूर रास्ता तारीख हम मरीज, मुंह फेर दें उधर जो हवाएं तो क्या करें, क्या करें। और रातों के दिल में याद बसाएं, रातों के दिल में याद बसाएं किसी की हम, रातों के दिल में याद बसाएं किसी की हम, अख्तर हरम में वो न बुलाएं तो क्या करें, बहुत खूब। को बुलाएं और वो ना आए तो क्या करें, क्या करें। बेकार जाएं अपनी दुआएं तो क्या करें, क्या करें। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा कलाम, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब। यहाँ पे दो मैसेजेस ले लेते हैं और फिर आपकी तरफ आते हैं। तो काफी और शौक थे, अच्छा एक्यूज कह रही है कि हुमा सिस्टर काफी और शौक थे जिनमें पढ़ना लिखना भी शामिल था। और न वो खिजा रही बाकी न वो बहार रही, रही तो मेरी कहानी ही यादगार रही। वाह क्या कहने हैं जी। और वो फूल हो जो खुला हो, वो फूल हूँ जो खुला हो खिजा के मौसम में, तमाम उम्र मुझे हसरत बहार रही। आजी वाह क्या कहने, जबरदस्त। तो इसी के साथ चलते हैं आबिद भाई आपकी तरफ, आपसे कुछ सुनने से उसी जमीन पे जिसपे अभी आपने खत्म किया है। मैं
चंद अशआर पेश करता हूँ। जी नाइट कीजिए। वो कहते हैं, फिर कोई आया, फिर कोई आया, दिले जार नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, वाजी वाह वाजी वाह, फिर कोई आया दिले जार नहीं, नहीं कोई, कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, वाह, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चिराग, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चिराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शमे बढ़ा दो मयो मीना ओ ए आग, गुल करो शमे बढ़ा दो मयो मीना ओ ए आग, अपने बेखाब कुवारों को मुकफ्फल कर लो, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। क्या कहने, अब यहाँ कोई नहीं, आपने तो वो गाना याद दिला दिया, अभी यहाँ कोई नहीं। अभी भाई हुमा सिस्टर को आप कह रहे थे कि बहुत दूर दूर हाथ मारती हैं, आपने भी फैज तक हाथ मार दिया जाके। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास अख्तर शिरानी का कोई ऐसा वो नहीं था, तो आपने सोचा होगा पकड़े नहीं जाएंगे अख्तर शिरानी के। नहीं ये आपका बेखाम ख्याल है कि मैंने कहा था पकड़े नहीं जाएंगे, बहुत खूबसूरत वो थी, आप ना पकड़ते तो कौन पकड़ता, आप तो वहां वहां से पकड़ लेते हैं जहां तक किसी की रसाई नहीं है। बहुत खूबसूरत नजम, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। वक्त के साथ साथ बदल जाती है, लेकिन कुछ लम्हात अपने लिए निकाल लेना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मेरा तो ये शेर व शायरी और कुकिंग और सारी चीजें, हर चीज का मैंने चैनल बना के रख दिया, तो खुद ब खुद ही वो वक्त मिलता जाता है उसके लिए। आबिद भाई ने महफिल की क्लैशिंग कर दी है, बहुत शुक्रिया। क्लैशिंग क्या होती है जी? बस जी तमाम, यानी कि एक तो बाला कर दिया आपने तो, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं ना कि आज शाम भेजा भेजा कर दिए मैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल, मैं आज शाम को ही चाय के बाद हुमत सिस्टर से बात कर रहा था ना, तो हमारे मोहल्ले में बिल्कुल सामने कि अगर हम अपने दरवाजा खोलते थे तो सामने उन्हीं का दरवाजा नजर आता था। वो सैयद शरफुद्दीन साहब थे, अल्लाह उनकी फैमिली को सलामत रखे, अब तो खैर इंतकाल फरमा गए हैं वो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। हाँ बहुत अदबी घराना था ना। आप कराची से हैं मौबी भाई? नहीं नहीं। अच्छा, अगर कराची से, मुझे शिप ऑनर कॉलेज के वो लेक्चरर थे कराची, शिप ऑनर कॉलेज बहुत वो था, कराची बहुत मशहूर है मतलब। कराची मुझे कुछ महीने रहने का मौका मिला, तो उनकी फैमिली को बहुत अदबो से बहुत लगाव था, तो मुझे आपकी फैमिली में वही झलक आती है। हम दोनों बहन भाई आज यही बात कर रहे थे। अच्छा, कि हाँ उनके वो जो है इंडिया से थे, मतलब सभी इंडिया से आए थे, लेकिन उनके आने जाने वाले लगे रहते सैयद फैमिली से, वो लोग बिलोंग करते थे। और मेरी उनकी बेटी से बहुत अच्छी मेरी फ्रेंडशिप थी, हम स्कूल साथ जाते थे, तो हम लोग यही कह रहे थे, उन लोगों को बहुत यह बुक्स का और इसका बहुत शौक था ना, तो वही शेर शायरी का और उसका, तो मैं यही कहती थी, मैंने कहा कि उस सिस्टर को देख के, मूवी भाई को देख के मुझे उनकी फैमिली याद आती है। तो बस वो प्रवीण शाकर का शेर है ना कि मुझको तहजीब के वरसे का बनाया वारिस, तहजीब के बरजख का उन्होंने तो कहा, लेकिन हमारे मेरे ख्याल में वो वरसा होना चाहिए था, क्योंकि बरजख बिल्कुल बिल्कुल बड़ी गलत चीज है, लेकिन बहरहाल हमें इस तहजीब के वरसे का जो है वारिस बनाया गया, और अगर हम इसका हक अदा नहीं करेंगे तो फिर आगे कौन करेगा। तो क्लोजिंग, हाँ वो क्लोजिंग कह रही थी कि क्लोजिंग कर दी आपने जबरदस्त मैं मदीने का जो अदना सा सितारा होती, मैं मदीने का जो अदना सा सितारा होती, फिर तो मुमकिन था मैं खुद को गवारा होती, फिर तो मुमकिन था मैं खुद को गवारा होती। एक हसरत है मेरे दिल में अदल से आका,
एक हसरत है मेरे दिल में अजल से आका, सूरते जैद तेरी आंख का तारा होती, वाह सूरते जैद तेरी आंख का तारा होती, मैं मदीने का जो अदना सा सितारा होती, फिर तो मुमकिन था मैं खुद को गवारा होती। मेरी आंखों को जो रोजे का वो रोजन करता, मेरी आंखों को जो रोजे का वो रोजन करता, मैं सरापा तेरे रोजे का नजारा होती, मैं सरापा तेरे रोजे का नजारा होती। दूर क्यों इतना दरे पाक से रखा है मुझे, दूर क्यों इतना दरे पाक से रखा है मुझे, काश मैं तुझको मदीने में गवारा होती, काश मैं तुझको मदीने में गवारा होती। आपका जो मुझको में असर जो सहारा होता, आपका जो मुझको में असर जो सहारा होता, बेसहारों बेसहारों का जमाने में मैं सहारा होती, बेसहारों का जमाने में मैं सहारा होती। अर्श पर जो थे पड़े पाँव में मलमल धोती, अर्श पर जो थे पड़े पाँव में मलमल धोती, मलमल मस्जिदे नबवी में चलता हुआ फवारा होती, वाह मस्जिदे नबवी में मैं क्या चलता हुआ सुहारा फवारा होती, मैं बिल्कुल मदीने का जो अदना सा सितारा होती, फिर तो मुमकिन था मैं खुद को गवारा होती। वाह ऐसा होने पे मुझे नाज ना होता क्यों कर, ऐसा होने पे मुझे नाज ना होता क्यों कर, उनकी अबरू का अगर गुल में इशारा होती, क्या बात मैं मदीने का जो अदना सा सितारा होती, फिर तो मुमकिन था मैं खुद को गवारा होती। शुक्रिया जी। बहुत क्या खूबसूरत कलाकार वाजी वाजी माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सभी के दिल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह बार बिल्कुल बार लेके जाए हम लोगों को जी। चलें जी। अख्तर शेरानी के हवाले से हमारी आज की महफिल थी, बहुत उसका अच्छी रही। एक शेर से मैं आपको उसका इख्तिताम करते हैं, फिर दुआ कर लेते हैं। ये अपने बारे में कहते हैं कि ये लंबी सिंध की गजल है, गम जमाना नहीं कजाब है साकी, शराब ला मेरी हाल खराब है साकी। लेकिन आखिरी शेर है उसका कि कलाम जिसका है मेराज हाफिज और खयाम, कलाम जिसका है मेराज हाफिज और खयाम, यही वो अख्तर खाना खराब है साकी। तो बहुत खूबसूरत से एक शेर के साथ फिर हम चलते हैं, दुआ कर लेते हैं और फिर इस महफिल को खत्म करते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल पुले सिरात। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बुल आलमीन, तमाम जहानों के बनाने और मिटाने वाले। ऐ मेरे खालिक व मालिक, तेरी ही बादशाही है, तू हर चीज़ पर कादिर है। या अल्लाह पाक, हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, जो गुनाह जान कर किए हैं, जो अनजाने में किए, उन सबको माफ़ कर दे बारी ताला। या अल्लाह पाक, स्पेशली वो गुनाह जो हमारी दुआओं में रुकावट बने हैं बारी ताला, या अल्लाह पाक, उन गुनाहों को माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, हम सब के लिए आसानियों के मामले फरमा दे, हमारी दुनिया और आखरत दोनों को हम सब पर आसान कर दे बारी ताला। ऐ मेरे खालिक व मालिक, ये वबा जो पूरी दुनिया में फैली है, अल्लाह पाक, इस वबा का खात्मा कर दे। तेरे कुन बिल्कुल कहने की देर है बारी ताला, इस वबा का खात्मा करके सुकून वाली फिजा कायम कर दे बारी ताला। जो जहां जहां जिस तरह से भी बीमारियों में मुबतला है, छोटी बड़ी रूहानी जिस्मानी बीमारियों में, हॉस्पिटलों में, घरों में, वेंटिलेटर पे, आईसीयू में बारी ताला, ऐ मेरे खालिक व मालिक, सबको सेहत कामला आजला दायमा अता कर दे बारी ताला। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मेरे जितने भी आईटी के बहन भाई हैं बारी ताला, जिनको मैं जानती हूँ और नहीं भी जानती बारी ताला, दुनिया के जिस हिस्से से बारी ताला, जो लोग मुझे मिलते हैं, जिसकी भी लाइफ में अल्लाह पाक, जो मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं और जो नहीं भी कह पाते, ए अल्लाह, तू सबके लिए आसानियों के मामले फरमा दे। सबकी ज़रूरतों, हाजतों, बीमारियों, परेशानियों, तकलीफ़ों को, दुख दर्द को, मेरे हाथों को नीचे होने से पहले उन सब के लिए आसानियों के मामले फरमा दे बारी ताला। ए अल्लाह पाक, बिलखुसूस साहिब खाना वो भी भाई को सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती दे आमीन बारी ताला। इनके दिल की हर जायज ख्वाहिश पूरी कर दे बारी ताला। या अल्लाह पाक, इनके वालदैन का साया इनके सर पे कायम दायम रख। या अल्लाह की उस बाजी को, या अल्लाह पाक, सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्ती देना। या अल्लाह आमीन पाक, इनकी फैमिली में आपस में प्यार, मोहब्बत, इत्तफाक देना। इनके दिल की हर आमीन जायज ख्वाहिश पूरी कर देना बारी ताला। आमीन ऐ मेरे खालिक व मालिक, जितने भी लोग इनकी लाइफ में आए थे, इस वक्त भी बैठे हैं, जो आए थे, जो आके चले गए, जो रोज आते हैं और नहीं भी आ सके आज, बारी ताला, सबके लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे। अल्लाह आमीन
आबिद भाई को सेहत जिंदगी तंदुरुस्ती देना बारी ताला। उम्मीद सुबह आई थी, अता भाई आए थे, हसन भाई हैं बारी ताला, संदीप सिस्टर हैं। या अल्लाह पाक सबके लिए आसानियों के मामले फरमा दे। या अल्लाह पाक हम सब में आपस में प्यार मोहब्बत इत्तफाक दे। ए अल्लाह दुनिया में हमें ऐसे दोस्त मुहैया कर जो दुनिया में हमारे काम नहीं आ सकें। दुनिया से जाने के बाद या अल्लाह पाक हमारी मगफिरत के लिए हाथ उठा सकें, हमें अपनी दुआओं में याद रख सकें बारी ताला। ऐ मेरे खालिक व मालिक हर रिश्ते में प्यार मोहब्बत खुलूस दे। ए अल्लाह जो बीमार है उनको सेहत दे। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक और साले औलाद अता कर देना। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर देना। ऐ मुसब्बिबुल असबाब ऐ सबब बनाने वाले हमारे घरों में रिस्क के बंद दरवाजे खोल दे। हमारे रिस्क में बरकत दे, वक्त में बरकत दे, उम्र में बरकत दे बारी ताला। ऐ अल्लाह इन चैनलों से दुनिया में हमें फायदा नहीं देना बारी ताला। दुनिया से जाने के बाद इनको हमारे लिए सबका जारिया बना देना। हम कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात लोगों को बता जाएं तो दुनिया से जाने के बाद हमारे काम आ सके बारी ताला। हम सबके लिए आसानियों के मामले फरमा दे, बिलखसूस बारी ताला मुसलमान जहाँ जहाँ परेशान हाल है बारी ताला। या अल्लाह कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों पर अपना खास फजल करम फरमा दे। वहाँ के रहने वालों के लिए आसानियों के मामले फरमा दे। ऐ अल्लाह हम मुसलमान ममालिक को इतनी तौफीक दे कि हम उनके लिए यकजा हो सकें बारी ताला। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक और नेक बना दे। ऐ अल्लाह हमारे हाथ से, पैर से, जबान से भी कोई ऐसा काम ले ले जो तुझे पसंद हो बारी ताला। हमारी मेहनतों को, काविशों को दीन की तू ही बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह इन बाहर के मुल्कों में हमारे अपने ईमान की हिफाजत फरमा देना, हमारी औलादों की और हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा देना। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा देना। स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में बारी ताला ये जाते हैं, हम उनसे दूर और आप उनसे नजदीक होते हैं। ऐ अल्लाह उन्हें बुरे दोस्तों से, बुरी सोहबतों से उनकी हिफाजत फरमा देना। उनके जहन और दिल में या अल्लाह ईमान के खैर की बातें डाल देना। हम उनको तेरी हिफाजत में देते हैं। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान बच्चों को वक्त का बेहतरीन साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बना दे बारी ताला। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान बच्चों का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दे बारी ताला। हम सबको इतनी तौफीक दे बारी ताला हम दीन के लिए कोई काम कर सकें बारी ताला। हमारी खताओं को माफ कर देना बारी ताला। हमसे बड़े, छोटे, बड़े, हमसे जो भी गुनाह दिन भर में होते हैं अल्लाह हम उनसे तुझसे माफी मांगते हैं बारी ताला। ऐ मेरे खालिक व मालिक या अल्लाह मेरे पढ़ने की महफिलें जो रुकी हुई हैं उनको दोबारा जारी और सारी कर दे। मेरे पढ़ने के ग्रुप पर अपना खास फजल करम फरमा दे बारी ताला। ये नया सिलसिला बारी ताला जो तूने दुआओं का मेरे लिए शुरू किया है बारी ताला, इसको मुझे इतनी हिम्मत, ताकत, सेहत दे, मैं सिलसिले को यूं ही लेके चलती रहूं बारी ताला। या अल्लाह जाने अनजाने में हमसे अगर किसी का दिल दुखा हो, किसी की हक तलफी हुई हो, किसी के साथ नाइंसाफी की हो बारी ताला, तो हमें माफ कर देना बारी ताला। तू हमसे राजी हो जा या अल्लाह पाक, तू हम सबसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह हम सबके खताओं को माफ कर देना बारी ताला। हमारे लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह किलिक भाई आए थे, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बताया। अल्लाह पाक उनको सेहत, जिंदगी, तंदुरुस्त देना। उनकी वालदा को या अल्लाह, उनके अब्बू को, उनकी पूरी फैमिली को सेहत कामला आजला दायमा अता कर देना। बल्कि बारी ताला इस वबा की वजह से या जो कोई भी जिस तरह से भी बीमार है बारी ताला, सबको सेहत वाली जिंदगी देना। हम सबको ईमान वाली जिंदगी देना, सेहत वाली जिंदगी देना। या अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह प्यार मोहब्बत इत्तफाक से जोड़े रख। या अल्लाह पाक हम सबको प्यार मोहब्बत इत्तफाक से जोड़े रख। पूरी मुस्लिम उम्मा को एक और नेक बना दे। हमारे मिल बैठने को कबूल कर ले बारी ताला। हमसे कोई गलती हुई, खता हुई, माफ कर देना बारी ताला। हमने तेरा, तेरे महबूब का जिक्र किया है बारी ताला। या अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियों के मामले फरमा दे। और जो आज शायर इन्होंने रखे थे बारी ताला, तू इनकी भी मगफरत कर देना, बल्कि तमाम शोरा की बारी ताला। या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर देना। पीछे रह जाने वालों के तमाम मरहूमीन के लिए या अल्लाह पाक, पीछे रह जाने वालों को उनके लिए सदका जारिया बना देना बारी ताला। हमारे भी मरहूमीन की मगफरत करके उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता करना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह। बहुत शुक्रिया मस साहब का कि तारी दुआ कराने का। अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत इसी के साथ हम अपनी महफिल को खत्म करते हैं इंशाल्लाह। फिर फ्राइडे नाइट को, जुमे की रात को कनाडा के वक्त के मुताबिक, और हफ्ते की सुबह पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 7 बजे इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। ओपन फोरम जो होता है हमारा, ओपन माइक फोरम होता है, उसका कुछ ना कुछ हम उनवान भी रखेंगे इंशाल्लाह। और और साथ में एक तरह मिश्रा भी होगा। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको जानना है वक्त से पहले कि वो क्या है, तो हमारे साथी उर्दू का जो है इंस्टाग्राम, उसको ज्वाइन करें। एक सेकंड, साथी उर्दू का जो इंस्टाग्राम है उसको आप ज्वाइन कीजिएगा।
वहाँ पे आपको पता लग जाता है, और अगर आपने यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब किया हुआ तो भी इंशाल्लाह आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोनों तरह से। तो स्टे ट्यून, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक महफिल के साथ। और बहुत शुक्रिया हमारे सिस्टर अमित भाई और भी जितने लोग हमारे साथ आए नीचे चैट बॉक्स में और यहाँ ऊपर, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज। आपको मेरी तरफ से शब बखैर, दुआओं में याद रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज अमान रखे, शब बखैर इंशाल्लाह। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत आबिद भाई, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।